Hello everyone, good morning and welcome back to our CA final indirect taxes power batch. जल्दी से बताओ, होमवर्क होमवर्क करके आए हो? होमवर्क क्या दिया था मैम? रिविजन करना था और सप्लाई के क्वेश्चंस ट्राई करने थे. क्विकली टेल मी, यस यू हैव डन इट, एनर्जी इज हाई एंड देन वी शैल स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन. यस एवरीवन, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? स्ट्रीम ओके है? फटाफट से मुझे बता दो जी सबको. जय श्री राम, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, ऑल विशेस राइट, एवरीथिंग ऑल सेट, ऑल क्लियर. चलो, जिनको ये दिक्कत है, मैम अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है, तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट 100 पेजेस कल शेयर कर दिए थे, फर्स्ट 3 चैप्टर्स भी शेयर कर दिए हैं एंड सब कुछ ओपन प्रिंटेबल फॉर्मेट में है. सो आई बिलीव दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज एंड दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम ऑल्सो. और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज डू इट. मैंने कल भी बोला था, बिकॉज ऑल अपडेट्स रिलेटिंग टू पावर बैच विल बी शेयर्ड देयर ओनली. सो कल से ये रीजन नहीं चलेगा कि मैम अभी तक बुक नहीं मिली है, बिकॉज मैं ऑलरेडी फर्स्ट 5-6 चैप्टर के क्वेश्चंस क्वेश्चन आंसर बैंक आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और नोट्स भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में शेयर किया है. तो आप वो स्टार्टिंग 15-20 पेज का अगर प्रिंट भी निकाल लेते हो तो इट वर्क्स फॉर ऑल. यस, चल हमने शुरू क्या किया था? हमने कल शुरू किया था सीजीएसटी एक्ट 2017. सीजीएसटी एक्ट 2017 स्टार्ट किया था, जहां पे पहला सेक्शन हमने किया था एस से सप्लाई सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई. जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे. 7-1 क्या था? 7-1 सप्लाई इंक्लूड्स. 7-1 ने बोला इंक्लूड्स, तो 7-2 ने बोला सप्लाई एक्सक्लूड्स. 7-3 ने बोला गवर्नमेंट के पास पावर है कि नोटिफाई कर दे कुछ ट्रांजैक्शंस को एज वो सप्लाई ऑफ गुड्स है सर्विस नहीं, या सप्लाई ऑफ सर्विस है गुड्स नहीं. और 7-1A ने बोला कि चलो समझ गए कि 7-1 में सप्लाई इंक्लूड्स तो है, लेकिन फिर शेड्यूल 2 के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि उसको हम गुड्स माने या उसको हम सर्विसेज माने. ये सारे सेक्शंस हम लोगों ने कल कंप्लीट किए थे. इंक्लूड्स में हमने देखा था विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन. विद कंसिडरेशन में ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, जो भी है, अग्रीड, मेड टू बी अग्रीड और मेड टू बी डन बाय अ पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन सब को हम सप्लाई बोल देते हैं. अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस किया है, अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस किया है, गुड्स की बात नहीं कर रहे, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, फिर वो चाहे पर्सनल पर्पज हो चाहे बिजनेस पर्पज हो, हमेशा सप्लाई माना जाएगा. और अगर कोई पर्सन अदर देन इंडिविजुअल है, मतलब AOP, BOI, क्लब्स वगैरह है, ये अपने खुद के ही मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कोई सर्विस प्रोवाइड करके देते हैं जिसके सामने ये लोग कंसिडरेशन चार्ज करते हैं, तो इसको भी हम सप्लाई मान लेते हैं. जल्दी से बताओ, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा? तो भाई यूं तो गोल्डन रूल है, यूं तो हमारा सुनहरा नियम है, जैसे हमने कल देखा था कि नो कंसिडरेशन नो सप्लाई होता है, लेकिन 4 पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 जो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानी जाती है. शेड्यूल 1 पैरा 1, परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस असेट जिसपे ITC अवेल किया हो. 2nd, रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में कोई सप्लाई कर दे, लेकिन वो बिजनेस पर्पज होना चाहिए. 3rd, प्रिंसिपल एजेंट को या एजेंट प्रिंसिपल को गुड्स सप्लाई कर दे सर्विस नहीं, या तो फिर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस किया है विदाउट कंसिडरेशन, तो फिर ध्यान रखना इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और रिलेटेड पर्सन या ओन एस्टेब्लिशमेंट से ही होना चाहिए. तो ऐसे केसेस में सिर्फ ये 4 पैरा है शेड्यूल 1 के जिनको बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानेंगे, बाकी सुनहरा नियम गोल्डन रूल क्या बोलता है, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई. सप्लाई एक्सक्लूड्स में क्या देखा था? तो 7-2 ए ने हमको बताया शेड्यूल 3 का नेगेटिव लिस्ट. शेड्यूल 3 का नेगेटिव लिस्ट बोलता है कि भले ही ये चीजें सारी डेफिनेशंस गुड सर्विसेज की कंप्लाई करती है, सब कुछ ओके है, पर फिर भी हम नहीं चाहते कि हम इनको सप्लाई माने. व्हाट वाज शेड्यूल 3 का नेगेटिव लिस्ट? जस्ट हाउ फास्ट द नाइट चेंजेस, FB changes. FB changes क्या है? हमारा शेड्यूल 3 का नेगेटिव लिस्ट है. जल्दी से मेरे साथ चिल्लाना है, एकदम रूम के बाहर आवाज जानी चाहिए. FB changes, F बोलेंगे तो सर्विसेज ऑफ,
फ्यूनरल मॉर्चरी बरियल क्रिमेटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, फ्यूनरल मॉर्चरी बरियल क्रिमेटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। मैं भी आप लोगों के साथ लिख रही हूँ तो डेफिनेटली आपको भी टाइप करना है, पूरा मत करो, फ्यूनरल सिर्फ FUN टाइप कर दोगे तो भी चल जाएगा। द आइडिया इज बी एक्टिव, कीप ऑल ऑफ योर सेंसेस इन्वॉल्व्ड हियर। कल मुझसे 3 वादे किए थे, बिल्कुल से भूलना नहीं है, मोबाइल टच नहीं करना है, डेडिकेटेड रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। चलो, फ्यूनरल मॉर्चरी बरियल क्रिमेटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज। बी क्या बोला तो बॉन टू बॉन ट्रांसफर। सी बोलेंगे तो कोर्ट ट्रिब्यूनल, जहां पे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी कोर्ट माना जाता है। एच यानी हाई सी सेल। ए यानी एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम लेकिन अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। क्या अमेंडमेंट देखा था यहाँ पे कि पहले क्या हुआ करता था, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। अब हम बोलेंगे लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग नहीं, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। मतलब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स तो सप्लाई है। कौन से थे हमारे 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम? लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग तो है ही एज इट इज, उसके अलावा ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो, ये चीजें सप्लाई मानी जाएगी। इनके अलावा कोई एक्शनेबल क्लेम है तो वो नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा। देन उसके बाद एन बोलता है एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी गुड्स जाना विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। जी बोलेंगे तो गवर्नमेंट पोस्ट होल्डर्स, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्डर्स, गवर्नमेंट बॉडी में आप कोई पोजीशन पे हो। ई यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। और एस बोलते हैं तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बट दिस सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज टू बी सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2। वाई सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2? क्योंकि हमको पता है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, CCFO विच एवर इज अर्लियर के पहले कंसिडरेशन मिला तो GST लगेगा, उसको कंस्ट्रक्शन सर्विस मानते हैं। इसके बाद कंसिडरेशन मिला तो फिर ऐसे केसेस में हम बोल देंगे कि ये सेल ऑफ कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग है और सेल ऑफ कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग GST के परव्यू से बाहर है। उसके अलावा फिर हमने देखा था सेक्शन 72B। 72B में 2 एडिशनल चीजें जो गवर्नमेंट करती है, कौन सी? आर्टिकल 243G, आर्टिकल 243W और दूसरा स्टेट लिकर लाइसेंस। स्टेट गवर्नमेंट जो यहाँ ठंडी बियर मिलती है का बोर्ड लगाने का लाइसेंस आपको देती है, तो ये 2 चीजें भी ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। 73 तो सिंपली पावर की बात है और 71A शेड्यूल 2 जो हमको बोलता है कि क्या गुड्स हैं और क्या सर्विसेज हैं। बोलो जल्दी से समझ में आया क्या? इट टुक अस ओनली 7 मिनट्स। कल हमने 3.5 आवर्स का सेशन लिया था एंड इट टुक अस ओनली 7 मिनट्स, जहां पे हमने पूरी डिटेल्स के साथ सेक्शन 7, 1, 2, 3, 1A और शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 सारा कुछ रिवाइज कर लिया है। What is the difference between non-taxable territory to another non-taxable territory? भाई goods चाइना से USA गए, goods चाइना से USA गए, goods इंडिया कभी आए ही नहीं, तो इन goods पे GST नहीं लगेगा। इसको हम बोलते हैं one non-taxable territory to another non-taxable territory. High sea sale क्या है? Goods चाइना से निकल गए, इंडिया ही आने वाले थे, चाइना से निकल गए, इंडिया ही आने वाले थे, अभी रस्ते में है, हमने क्लियर नहीं किया है, और अभी ही आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी को सेल कर दो तो यहाँ पे भी GST नहीं लगता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाई सी सेल एंड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। स्मिथ शाह, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ नॉट येट क्लियर, आप रिविजन सेशन देख सकते हो या तो फिर मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो। बोलो मस्त सब कुछ रिवाइज हो गया? यस एवरीवन। चलो उसके बाद हमने कल क्लेरिफिकेशंस भी स्टार्ट किए थे, नो नॉट रिवाइजिंग दोज अगेन, हम कंटिन्यू करते हैं जिस क्लेरिफिकेशन से हमारा पेंडिंग था। चलो आ जाओ, दिस इज ऑल दैट वी हैड कंप्लीटेड यस्टरडे परक्विजिट्स। ये अब आज हमको स्टार्ट करना है प्रिंसिपल एजेंट। जो हमने शेड्यूल 1 का पैरा 3 देखा, शेड्यूल 1 पैरा 3 सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, जहां पे पैरा 3 ने बोला कि एक प्रिंसिपल ने एजेंट को या एजेंट ने प्रिंसिपल को कोई भी गुड्स सप्लाई किए बिना कंसिडरेशन के। प्रिंसिपल ने एजेंट को, एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स सप्लाई किए बिना कंसिडरेशन के, तो उसको भी हम सप्लाई मानते हैं। द क्वेश्चन हियर इज कि एजेंट कौन, किसको मैं एजेंट बोलूं, किसको हम एजेंट बोलेंगे, कौन सा वो रिश्ता है, कौन सा रिश्ता क्या कहलाता है जहां पे वो प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता बन जाएगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको पूछना है, इनवॉइस किसके नाम पे है, क्या रूल है एजेंट प्रिंसिपल का, इनवॉइस किसके नाम पे है। अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे है तो एजेंट एजेंट है, अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे नहीं है तो एजेंट एजेंट नहीं है। क्या बोल रहे हो मैम, यही पूरा सिंपल प्रोविजन है। नाउ ये प्रिंसिपल एजेंट और डेल क्रेडर वाले कमीशन में कतई कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, लेकिन एक बात
एक बार मस्त सिंपल रूल से याद रख लोगे और कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं हो सकती है। चलो एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, फिर हम प्रोविजन समझेंगे। इनवॉइस किसके नाम पे है? ओह, अपना ही नाम मिटाना पड़ रहा है, कोई नहीं। चलो इनवॉइस किसके नाम पे है का क्या मतलब? चलो लेट्स से रचित इज प्रिंसिपल, रचित इज प्रिंसिपल, अर्जुन इज द थर्ड पर्सन और डिंपल है एजेंट। रचित बोलता है कि डिंपल मेरी एजेंट है, लेकिन क्या रचित के बोलने से डिंपल एजेंट हो जाएगी? द आंसर इज नो। हम जीएसटी के इनवॉइस रूल के हिसाब से चेक करेंगे कि डिंपल एजेंट है या नहीं। तो रचित ने क्या किया है, डिंपल को अपॉइंट कर रखा है कि वो उसके बिहाफ पे लोगों को गुड्स सेल करे। अब ऐसे केस में हमको सिंपली ये चेक करना है कि जब डिंपल किसी थर्ड पर्सन को, मानो अर्जुन को, गुड्स सेल कर रही है, तब इनवॉइस किसके नाम पे जा रहा है? क्या इनवॉइस ओरिजिनली जो प्रिंसिपल है रचित, उसके नाम पे ही अर्जुन को दिया जा रहा है? तो भाई डिंपल तुम क्या कर रही हो बीच में, जब तुम एक इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकती तो तुम काहे की एजेंट हो? तो ऐसे केस में डिंपल एजेंट नहीं होगी। लेकिन जब अर्जुन को गुड्स सप्लाई किए गए, तब प्रिंसिपल ने ओन नेम में इनवॉइस इशू किया, सॉरी एजेंट ने ओन नेम में इनवॉइस इशू किया, बोले तो डिंपल ने अपने नाम पे थर्ड पर्सन को, अर्जुन को इनवॉइस दिया। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि आ जाओ, वेलकम डिंपल, आप हमारी एजेंट हो। लेट्स से यहाँ पे, अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा आपका एजेंट एक सेलिंग एजेंट हो, आपका एजेंट परचेज एजेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है, मान लो प्रिंसिपल का नाम शिवम, यहाँ पे एक प्रिंसिपल है जिसको अर्पित से गुड्स परचेज करने हैं, शिवम को अर्पित से गुड्स परचेज करने हैं। लेकिन ऐसे केस में वो डायरेक्टली अर्पित को जानता नहीं है, उसने एक एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट को बोला कि भाई देख लो, अर्पित से सस्ता कोई देता हो तो उससे ले आना, नहीं तो अर्पित से गुड्स परचेज करके लाके दे दो। तो ऐसे केस में जब ये एजेंट अर्पित से गुड्स परचेज कर रहा है, तब वो इनवॉइस किसके नाम पे बन पा रहा है? अगर इनवॉइस ओरिजिनली शिवम के नाम पे बना, तो फिर तुम काहे के एजेंट हो जब अपने नाम पे इनवॉइस भी नहीं बनवा सकते। अगर अर्पित ने इस एजेंट के नाम पे इनवॉइस इशू करके दिया, एजेंट ने अपने नाम पे इनवॉइस बनवाया, तो फिर हम बोलेंगे कि एजेंट एजेंट है। तो ऐसे केसेस में जब इनवॉइस एजेंट के नाम पे बनता है, जब इनवॉइस एजेंट के नाम पे बनता है, तब हम बोलते हैं कि वो जीएसटी के हिसाब से एजेंट है। और फिर ऐसे केस में यहाँ पे जब प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स आगे सेल करने के लिए भेजता है, या तो एजेंट किसी से परचेज करके आगे प्रिंसिपल को देता है और इधर कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं। सो इन दिस एग्जाम्पल, मिस डिंपल सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अर्जुन ऑन बिहाफ ऑफ रचित बाई इशूइंग इनवॉइस इन हर ओन नेम। तो फिर ऐसे केस में रचित जब डिंपल को गुड्स आगे सेल करने के लिए भेजेगा, तब अगर कोई कंसिडरेशन भी नहीं चार्ज किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम डीम्ड सप्लाई अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 मान लेंगे। तो सिंपल एग्जाम्पल समझ लिए, अब सिंपल सा प्रोविजन पढ़ते हैं जो क्या बोलता है, इनवॉइस किसके नाम पे है। इनवॉइस अगर प्रिंसिपल के ही नाम पे है तो एजेंट ने किया क्या? एक इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकता, तो एजेंट ने किया क्या? तो अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे है तो फिर एजेंट एजेंट नहीं है, नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे, फिर सप्लाई बनने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी होगा। लेकिन अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे है तो फिर वो शेड्यूल 1 में कवर्ड एजेंट है, और फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन भी डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। चलो आंसर देखे बिना, दो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फटाफट से आंसर देखे बिना जवाब देना है। मिस्टर किरिट है जिन्होंने अपॉइंट किया है अभिषेक को टू प्रोक्योर सर्टन गुड्स फ्रॉम मार्केट, यानी समझ में आया कि प्रिंसिपल कौन है? किरिट, जिन्होंने अभिषेक को अपॉइंट किया है, यानी अभिषेक कौन हो गया? एजेंट, बाहर जाके किसी से गुड्स परचेज करके लाने हैं, परचेज कर भी लिया, लेकिन यहाँ पे अभी ने थर्ड पर्सन को क्या बोला कि तुम डायरेक्टली किरिट के नाम पे इनवॉइस इशू कर दो। ये थर्ड पर्सन ने डायरेक्टली किरिट के नाम पे ही इनवॉइस इशू कर दिया, तो बोलो ये अभी अभी एजेंट बनेगा क्या? क्या ये अभी अभी एजेंट बन जाएगा हमारे एग्जाम्पल में? क्विकली टेल मी यस और नो। नहीं बनेगा मैम, अभी इज नॉट एन एजेंट। क्यों? क्योंकि अभी ने अपने नाम पे, ओन नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करवाया है, सीधा प्रिंसिपल किरिट के नाम पे इनवॉइस इशू करवा दिया है, यानी अभी हमारा एजेंट नहीं है। तो ऐसे केस में अभी जब थर्ड पर्सन से गुड्स लेके और फ्री में प्रिंसिपल को देगा बिना कंसिडरेशन के, तो ये डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी इज नॉट एन एजेंट। चलो तो इन दिस केस अभिषेक इज नॉट एजेंट एज पर शेड्यूल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालामाल बैंक है, ठीक है जी, एक बैंक है जिसका नाम है मालामाल बैंक, इन्होंने अपॉइंट किया है अक्षय को। अब देखो हम नॉर्मली सेल ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह पढ़ते हैं, या नॉर्मल पैरलेंस में भी हम मानते हैं कि ऑक्शनियर हमारा एजेंट होता है, हाँ, जो हमारे बिहाफ पे गुड्स को ऑक्शन करता है।
तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो हम ऑक्शनियर को हमारा एजेंट मानते हैं, पर क्या जीएसटी के हिसाब से मानेंगे इस एग्जाम्पल में, लेट्स सी। तो ये अक्षय है जिसको बैंक ने अपना ऑक्शनियर एजेंट अपॉइंट कर दिया है, जिसको पोटेंशियल बिडर्स आइडेंटिफाई करने हैं और जो हाईएस्ट बिड करेगा उसको गुड्स सेल कर देने हैं, यानी अक्षय सेलिंग एजेंट है बैंक का। बैंक के अकॉर्डिंग तो है, जीएसटी के अकॉर्डिंग है क्या, लेट्स सी। तो यहाँ पे गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, मानो ये पर्सन श्रुति, श्रुति है यहाँ पे और श्रुति ने किया है सबसे हाईएस्ट बिडिंग, तो ये गुड्स सेल कर दिए हैं श्रुति को। हूँ श्रुति नो आशिक बोलू छू, तो फिर ऐसे केस में गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर बाय इशूइंग द इनवॉइस डायरेक्टली बाय बैंक। लेकिन माला माल बैंक ने डायरेक्टली श्रुति को इनवॉइस इशू कर दिया, क्योंकि ये तो बोल ही नहीं सकता ना, जिसको रेफरेंस समझ में आया वेरी गुड, नहीं समझ में आया छोड़ दो, ये तो बोल ही नहीं सकता। तो फिर बैंक ने डायरेक्टली इनवॉइस इशू कर दिया श्रुति के नाम पे। तो बताओ ऐसे केस में अक्षय एजेंट हुआ कि नहीं हुआ, जो हमारा ऑक्शनियरिंग एजेंट है अक्षय वो जीएसटी के हिसाब से एजेंट बनेगा क्या, जब माला माल बैंक ने श्रुति को सीधा सीधा इनवॉइस इशू कर दिया और अक्षय जो हमारा ऑक्शनियर एजेंट था उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ पोटेंशियल बिडर को आइडेंटिफाई किया, तो क्या ये जीएसटी के हिसाब से एजेंट होगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा। तो दोनों एग्जाम्पल देखिए, एक सेलिंग एजेंट का और एक बाइंग एजेंट का, जहां पे इनवॉइस अगर एजेंट के नाम पे है तो एजेंट एजेंट है, इनवॉइस एजेंट के नाम पे नहीं है तो एजेंट एजेंट नहीं है। चल अब समझते हैं डेल क्रेडिट एजेंट। एजेंट सबको समझ में आया ना? हाँ, तो एजेंट समझ में आएगा तो ही डेल क्रेडिट एजेंट समझ में आएगा। ये हूं मैं, दिस इज मी, मैंने आज पिंक पहना है, अपने आपको पिंक ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये मैं हूं। चल मैं कहां रहती हूं, मैं अहमदाबाद में रहती हूं, मैं अहमदाबाद में रहती हूं और मुझे गुड्स सेल करने हैं अलग अलग स्टेट्स में। आई थॉट कि चलो गुजरात की जो दूसरी सिटीज है वहां पे भी हम गुड्स सेल करेंगे, मुझे गुजरात में भी गुड्स सेल करने हैं, मुझे महाराष्ट्र में भी गुड्स सेल करने हैं और मुझे तमिलनाडु में भी गुड्स सेल करने हैं। गुजरात के लोगों का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनको मैं जानती हूँ, यहीं रहती हूँ तो मुझे पता है गुजरात के लोग कैसे हैं, कैसे पैसा निकलवाना है, तो इधर तो मैंने सोचा मैं खुद ही गुड्स सेल कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराष्ट्र में अपने को पता नहीं है कि लोग कितने लुच्चू है, महाराष्ट्र के लोग पैसे देंगे नहीं देंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये लोग कितने लुच्चू है, तो मैं तो डर गई, मैंने सोचा यार कैसे गुड्स सप्लाई करूं, कैसे गुड्स सप्लाई करूं। तो फिर ऐसे केस में मुझे मिले भाई। भाई ने बोला क्या मैडम तुम क्या डरती है, तुमको पैसा निकलवाने का अपुन निकलवा के देगा, अपुन के थ्रू गुड्स सेल करने का ना भिड़ो। तो मैंने बोला हाँ ये सही है भाई, अपुन को सही लग रहा है। तो मैंने क्या किया, एकदम ऐसा स्पाइक्स वाले भाई को अपॉइंट कर दिया एज माई एजेंट। मैंने भाई को अपॉइंट कर दिया एज माई एजेंट कि तुम ही महाराष्ट्र में गुड्स सेल करना और जिससे पैसा निकलवाना हो निकलवा के मुझे दे देना, और नहीं निकला पैसा तो भाई ने बोला बस क्या मैडम अपन पर डाउट किया, क्या कोई टेंशन नहीं है, अगर अगर कस्टमर पैसा नहीं देगा तो आउट ऑफ माई ओन पॉकेट आई विल पे यू। तो ये भाई मेरा एजेंट है और भाई ने क्या किया है, पेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लिया है। भाई ने बोला अगर अल्टीमेट कस्टमर पैसा नहीं देगा तो मैं अपनी जेब से पैसा दूंगा, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने कहा चलो भाई, बोलेंगे तो महाराष्ट्र का प्रॉब्लम सॉल्व्ड है, एमसी स्टैन पैसा निकलवा पाएगा आई डाउट, सलमान भाई इज दी ओके एग्जांपल हियर, चलो नो ऑफेंस टू एनीवन। तमिलनाडु, अभी तमिलनाडु में बोली कि अपने को तो तमिल ही नहीं आता है, चलो महाराष्ट्र के लोगों से तो बात भी कर सकते हैं, तमिलनाडु में तमिल तो आता नहीं है, इल्ले के अलावा आई नो नथिंग, तो फिर कैसे पैसा निकलवाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मिले अन्ना। Now since he is Anna, I will make him wear lungi. तो ये अन्ना मिले जिन्होंने लुंगी पहन रखी थी एंड अन्ना ने बोला मैडम तुम काई को टेंशन लेता, मैं इधर सबको जानता, मैं इधर का पेरिया तले, मैं इधर सबको जानता, मैं तुमको पैसा निकलवा के देगा, कस्टमर पैसा नहीं दिया मैं तुमको अपनी जेब से देगा। मैं बोली लुंगी में जेब नहीं है, तो अन्ना बोले बस क्या मैडम घर में पड़ा है मैं तुमको देगा, लुंगी में जेब नहीं है इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं बोली चलो अब सब कुछ सेटल्ड है, अब सब कुछ सेटल्ड है, गुजरात में मैं गुड्स अपने आप सेल कर लूंगी, मुझे कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में भाई को मैंने अपॉइंट कर लिया एज माई एजेंट एंड तमिलनाडु में मैंने अन्ना को अपॉइंट कर लिया एज माई एजेंट। भाई ने बोला कि मैं तो इनवॉइस अपने नाम पे ही इशू करूंगा, कैसा लगेगा सर, भाई का एकदम ऐसा रुतबा है, भाई ने बोला कि मैं अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करूंगा तो मजा नहीं आएगा, तो मैं तो अपने ही नाम पे इनवॉइस इशू कर दूंगा। लेकिन तमिलनाडु में मैंने जिनको अपना एजेंट अपॉइंट किया है उन्होंने बोला कि मैडम इनवॉइस में अपने नाम पे इशू नहीं करेगा, पैसा निकलवा के देगा, इनवॉइस अपने नाम पे इशू नहीं करेगा। तो इधर अन्ना,
अन्ना ने बोला कि मैं इनवॉइस खुद के नाम पे इशू नहीं करूंगा, मतलब ही इज गोइंग टू इशू इनवॉइस इन माय नेम, ठीक है. सो नाउ टेल मी, नाउ टेल मी, सबसे पहले एज पर द एजेंट रूल, हु इज माय एजेंट हियर. नॉर्मली हम समझते हैं कि अगर कोई बंदा है जो मेरे गुड्स सेल करवा के दे रहा है और सामने पेमेंट भी गारंटी कर रहा है, यानी उसको हम डेल क्रेडर एजेंट बोल देते हैं, यानी नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह के अकॉर्डिंग, तो दोनों ही मेरे एजेंट है और दोनों ही मेरे डेल क्रेडर एजेंट है, क्योंकि दोनों मुझे पैसा निकलवा के देने वाले हैं. जीएसटी के अकॉर्डिंग एजेंट कौन बताओ, भाई या अन्ना? जीएसटी के अकॉर्डिंग सिर्फ भाई मेरे एजेंट होंगे, बिकॉज ही इज इशूइंग इनवॉइस इन हिज ओन नेम. अन्ना विल नॉट बी माई एजेंट. अब समझो हुआ क्या, भाई ने गुड्स सेल किए कैट को, भाई ने गुड्स सेल किए कैट को, और भाई मतलब क्या, आपने थोड़े से इमोशनल टाइप के हैं, कैट से कभी पैसा मांग ही नहीं पाए. भाई ने गुड्स कैट को सेल कर दिए, लेकिन वो कैट से कभी पैसा मांग ही नहीं पाए. तो फिर ऐसे केसेस में भाई ने बोला कि अभी मैडम को तो प्रॉमिस किया है कि पैसा देना है, नहीं तो अपनी जेब से दूंगा. तो ऐसे केस में भाई ने मुझे ओन पॉकेट से पेमेंट कर दिया, मैटर क्लोज हो गया. कुछ महीनों बाद भाई को पता चला कि कैट तो गई विक के साथ. भाई ने बोला कि गुड्स मैं परचेस करके देता है, पैसा मैं पे करता है, कैट तो गई विक के साथ. तो भाई को आ गया एकदम से गुस्सा. भाई ने कैट को फोन किया, याद है वो गुड्स जो मैंने तुमको एक साल पहले दिलवाए थे, वो गुड्स 50,000 के थे, चलो फटाफट से मेरे 50,000 वापस दो, एंड प्लस मुझे उसका इंटरेस्ट भी चाहिए, तुम उसका मुझे क्या करो 8,000 इंटरेस्ट भी दो, मुझे 58,000 तुमसे चाहिए. अब ऐसे केसेस में द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो 8,000 है इसका क्या किया जाए, ये जो 8,000 है इसको हम कैसे ट्रीट करें. बिकॉज हम क्या समझते हैं, नॉर्मली हमको ये पता है कि जब कोई ओरिजिनल सप्लाई होती है और उस ओरिजिनल सप्लाई के साथ हमको कोई लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी मिलता है तो वो उसी में ऐड हो जाता है और पूरा कॉम्पोजिट सप्लाई बनके सिंगल जो प्रिंसिपल रेट ऑफ टैक्स होता है उससे टैक्सेबल हो जाता है. लेकिन अगर मुझे सिर्फ इंटरेस्ट इनकम हुई है तो एट दिस स्टेज व्हेन यू आर स्टडिंग इन पावर बैच वी ऑल अंडरस्टैंड कि इंटरेस्ट इनकम तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होती है. तो मुझे ये जो कैट से इंटरेस्ट मिला है इसको मैं कैसे ट्रीट करूं. इज दिस ऐसा मानू कि भाई ने कैट को लोन दिया था 50,000 का जिसको वो 8,000 इंटरेस्ट के साथ रीपे कर रही है, तो ऐसे केस में तो 8,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा. लेकिन क्या मैं इसको ऐसा मानू कि भाई ने 50,000 का सप्लाई किया था कैट को जिस सप्लाई के कंजंक्शन में ये 8,000 इंटरेस्ट मिला है, तो फिर ऐसे केस में तो 8,000 पूरा प्रिंसिपल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा. बताओ क्या किया जाए, जल्दी से बताओ क्या किया जाए इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन समझ में आया, हाँ, कि भाई नॉर्मली तो इंटरेस्ट जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है. मैं ऐसा मानूं कि भाई ने कैट को लोन दिया था, या मैं ऐसा मानूं कि ओरिजिनल सप्लाई के कंजंक्शन में ये इंटरेस्ट मिला है, तो फिर उस केस में तो ओरिजिनल सप्लाई की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा. नाउ अंडरस्टैंड, इसका सिंपल सा गोल्डन रूल है आप इनवॉइस रूल के हिसाब से चेक करो कि अपना एजेंट कौन. तो जब मैंने इनवॉइस रूल के हिसाब से चेक किया तो मुझे समझ में आया कि भाई मेरे एजेंट है क्योंकि उन्होंने अपने नाम पे इनवॉइस इशू किया था. व्हेयरएज अन्ना इज नॉट माय एजेंट बिकॉज ही डिड नॉट इशू इनवॉइस इन हिज ओन नेम. ऐसे केस में जब इनवॉइस रूल के हिसाब से एजेंट आपका एजेंट बन जाता है और फिर उसको इंटरेस्ट इनकम होती है तो वो एड हो जाती है ओरिजिनल सप्लाई में और ओरिजिनल सप्लाई की रेट से टैक्सेबल हो जाती है. लेकिन इन केस ऑफ अन्ना, मानो अन्ना ने भी ऐसे ही किसी से इंटरेस्ट रिकवर किया क्योंकि मुझे पहले पेमेंट कर दिया था बाद में उससे पैसा लिया, तो ऐसे केस में अन्ना रिसीविंग इंटरेस्ट दैट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी क्योंकि अन्ना ने अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं किया है. समझो, ओरिजिनल सप्लाई का जो इनवॉइस होगा वो मेरे नाम पे होगा, इंटरेस्ट का जो इनवॉइस होगा ना वो अन्ना के नाम पे होगा बिकॉज ही इज गोइंग टू कीप द इंटरेस्ट एंड नॉट मी. तो ऐसे केस में जब सप्लायर्स ही अलग है तो आप सप्लाई को एक कैसे मान सकते हो. तो जब एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करता, मतलब वो इनवॉइस रूल के हिसाब से एजेंट नहीं बनता और उसको कोई इंटरेस्ट इनकम होती है, तो हम ऐसा मानते हैं कि डेल क्रेडर एजेंट ने सेपरेटली लोन दिया जिसके सामने इंटरेस्ट मिला जो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगा. जल्दी जल्दी से बोलो यस और नो. बच्चों को जिंदगी निकल जाती है लेकिन एजेंट प्रिंसिपल और डेल क्रेडर एजेंट समझ में नहीं आता है. आपको समझ में आया क्या, कभी भी भूलोगे क्या, जल्दी जल्दी से बता दो. एक बार क्विकली सारा टेक्स्ट रीड करते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो भाई डेल क्रेडर एजेंट क्या बोला, एक सेलिंग एजेंट, ऐसा सेलिंग एजेंट जो एंगेज्ड है. बताओ ये भी एंगेज्ड है, बचा कौन, आप और मैं.
तो एक डेल क्रेडिट एजेंट है जो एंगेज्ड है बाय प्रिंसिपल टू असिस्ट इन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, ताकि वो पोटेंशियल बायर्स को कॉन्टैक्ट कर सके. एंड ऑल्सो अगर कभी टाइमली पेमेंट नहीं हो पाता है तो वो पेमेंट की गारंटी लेता है, वो पेमेंट की गारंटी लेता है कि मैं आउट ऑफ ओन पॉकेट भी आपको पेमेंट दूंगा. लेकिन समाज सेवा तो करने बैठा नहीं है. अल्टीमेटली अगर ओन पॉकेट से, अगर ओन पॉकेट से पेमेंट किया भी है तो अपने कस्टमर से रिकवर तो करने ही वाला है. तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, जब वो रिकवर करेगा तब कुछ इंटरेस्ट विंटरेस्ट भी लेटर डेट पे उसको मिलेगा. द क्वेश्चन हियर इज कि इस इंटरेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाए, इस इंटरेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाए. तो चेक करो कि ओरिजिनल इनवॉइस रूल के हिसाब से एजेंट एजेंट था क्या, मतलब ओरिजिनल इनवॉइस एजेंट के नाम पे था. हाँ, तो फिर ऐसे केस में वो वैल्यू ऑफ ओरिजिनल सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल होगा. लेकिन अगर ओरिजिनल इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे था, बोले तो एजेंट एजेंट है ही नहीं, तो ऐसे केस में ये जो इंटरेस्ट मिलेगा ये एक इंडिपेंडेंट सप्लाई होगी और ये जीएसटी में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. बोलो जल्दी से यस और नो एवरीवन. यहां एग्जेम्प्ट क्यों हुआ समझो, बिकॉज जब अल्टीमेट कस्टमर को ओरिजिनल सप्लाई किया होगा तब रिद्धि नाम का इन्वॉइस होगा, 50,000 का सप्लाई मेरे नाम के इन्वॉइस पे हुआ है. वेरस जब इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट तो एजेंट अपने नाम से ही लेगा, तो अन्ना ने क्या किया, इंटरेस्ट तो अपने नाम से लिया, फिर हम इन दोनों को कैसे मर्ज कर सकते हैं, यानी ये सेपरेट सप्लाई, इंटरेस्ट सेपरेट मिला तो ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएगा. वेरस जब इन्वॉइस एजेंट के नाम पे होता है तो भाई ने अपने ही नाम पे इन्वॉइस इश्यू किया 50,000 का और भाई ने अपने ही नाम पे इंटरेस्ट भी लिया 8,000 का, तो ये दोनों क्लब हो जाते हैं और प्रिंसिपल रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल हो जाते हैं. जल्दी से बताओ श्रुति, अब समझ में आ गया आपको? डन, यस, क्लियर. चलो इसके बाद तो सब कुछ टाइम पास है. सेल प्रमोशन क्या बोलता है, एक मस्त बात बताना मुझे. आज अगर आप जीन्स खरीदने गए, मानो आप कहीं पे जीन्स खरीदने गए जहां पे ऐसा ऑफर चल रहा था बाय वन गेट वन फ्री. नॉर्मली जीन्स 2000 की थी, नॉर्मली जीन्स 2000 की होती है, लेकिन बाय वन गेट वन ऑफर था, मतलब मैंने एक 2000 की जीन्स खरीदी, दूसरी मुझे फ्री मिल गई. घर पे आके मम्मी ने पूछा जीन्स कितने की लाए, तो क्या बोलोगे, मैम एक मम्मी एक जीन्स 2000 की लाए, दूसरी जीन्स फ्री लाए, ऐसा बोलोगे, या 2000 में टू जीन्स लाए ऐसा बोलोगे? बताओ, ऑप्शन ए. ऐसा बोलोगे क्या कि मम्मी मैं 2000 में एक जीन्स लाया और दूसरी जीन्स फ्री लाया, या ऐसा बोलोगे कि हम 2000 में दो जीन्स ले आए, मतलब वर्चुअली हमको पर जीन्स 1,000 रुपीज पड़ा? क्या बोलोगे अगर कोई आपसे पूछेगा तो, क्या बोलोगे अगर कोई आपसे पूछेगा तो, बाय वन गेट वन ऑफर में जीन्स लेके आए, आज ये जीन्स पहनी है कितने की है, अरे ये तो फ्री की है, 1-2 हजार की खरीदी थी साथ में ये फ्री मिल गई, ऐसा तो होगा नहीं. हम तो क्या बोलेंगे कि हम 2000 में दो जीन्स लाए, क्योंकि फ्री जैसा कुछ होता नहीं है, हमको भी पता है कंपनी वाले हमको बनाते हैं, फ्री जैसा तो कुछ होता नहीं है, वो हमको 2000 में दो जीन्स बेच रहे हैं. मतलब ऐसे जो भी बाई मोर सेव मोर ऑफर्स होते हैं, बाई वन गेट वन ऑफर्स होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक चीज तो सप्लाई है जो कंसिडरेशन के साथ हो रही है और दूसरी चीज सप्लाई नहीं है जो फ्री में हो रही है. नहीं, हम पूरे को मिक्स करके कॉम्पोजिट सप्लाई मानते हैं या मिक्स सप्लाई मानते हैं, बेस्ड ऑन क्या चीजें मिक्स की है. और मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि एक जीन्स का तो सप्लाई हुआ है और दूसरी जीन्स में क्योंकि नो कंसिडरेशन है तो वो नो सप्लाई हो गया. नहीं, हम बोलेंगे हमने दोनों जीन्स का बंडल बनाया और दोनों जीन्स को क्या किया है, साथ ही में सप्लाई कर दिया है. राइट, यस. उसके बाद एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप मॉल वॉल जाते हो तो उधर देखा रहेगा कि ये स्मूदीज के या मकेन फ्राइज के छोटे छोटे से काउंटर्स होते हैं जहां पे आप जाके टेस्ट कर सकते हो, फिर आपको पसंद आए तो आप परचेस करना. मैम टेस्ट तो हम हमेशा कर लेते हैं, परचेस कभी करते नहीं है. तो ऐसे केस में आपने क्या कुछ भी पे किया? द आंसर इज नो. मतलब वो कंप्लीटली फ्री था, ऐसा नहीं कि किसी चीज के साथ कुछ फ्री मिला, नहीं, वो कंप्लीटली फ्री सैंपल, फ्री गिफ्ट था, हमने लिटरली कोई कंसिडरेशन नहीं पे किया, तो उसको हम नो कंसिडरेशन नो सप्लाई बोल देते हैं. तो जब फ्री सैंपल्स गिफ्ट्स मिलते हैं जहां जेन्युइनली कोई पेमेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बंडल करके बेचा है, नहीं, जीरो पेमेंट है, तो फिर नो कंसिडरेशन नो सप्लाई. लेकिन अगर कुछ भी पे करके कुछ चीज साथ में फ्री मिल रही है तो फिर वो फ्री नहीं होती है, हम ऐसा बोलते हैं कि वो सब एक सिंगल प्राइस पे हमको पूरा बंडल सप्लाई कर दिया गया है. तो कोई चीज एकदम फ्री है अनलेस वो शेड्यूल वन में कहीं फॉल हो जाए. एज आई सेड, नो कंसिडरेशन सिर्फ शेड्यूल वन के हिसाब से सप्लाई हो सकता है, अदरवाइज ऑलवेज नो कंसिडरेशन नो सप्लाई मान लिया जाएगा. राइट. उसके बाद ये टेनेंसी राइट्स क्या होता है, बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन भी है इसके रिलेशन में, मैं आपको करवाऊंगी अभी. ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स अगेंस्ट कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. सिंपल बोला है कि अगर किसी को टेनेंसी राइट्स ट्रांसफर करते हो, अगर किसी को टेनेंसी राइट्स ट्रांसफर करते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है. उसके बाद
कोई पीरियोडिकल टेनेंसी प्रीमियम्स मिल रहे हैं, कोई पीरियोडिकल रेंट्स वगैरह मिल रहे हैं जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होते हैं। इसके रिलेशन में बहुत डिटेल्ड क्लेरिफिकेशन है जो हम चार्ज और एग्जेम्पशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब रेसिडेंशियल डिवेलिंग को रेंट पे देते हैं तो कैसे ट्रीट करना है। फॉर नाउ वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज टेनेंसी राइट्स। टेनेंसी राइट्स अगर किसी को दे रहे हो जिसके सामने आपको पूरा टेनेंसी प्रीमियम मिल रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी। जल्दी से क्वेश्चन बैंक में आओ, इसके रिलेशन में एक ही क्वेश्चन है आज तक पूरे क्वेश्चन बैंक में, वो अभी ही मैं आपको सॉल्व करवा देती हूं। कम टू क्वेश्चन बैंक ऑफ सप्लाई नहीं, दुष्यंत वाला नाम नहीं, टेनेंसी। जल्दी जल्दी से सप्लाई के क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ एंड लेट मी सर्च फॉर द क्वेश्चन। मैंने मार्क किया था बट आई डोंट नो, मार्किंग हट गया है शायद गलती से, एक सेकेंड। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 11 मिस्टर हैप्पी। क्वेश्चन बैंक में कम टू क्वेश्चन नंबर 11 मिस्टर हैप्पी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मिस्टर हैप्पी हैज अ ह्यूज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन अ प्राइम लोकेशन इन मुंबई, इसीलिए हैप्पी है, मुंबई की प्राइम लोकेशन में उसके पास प्रॉपर्टी है, हाउ कैन ही नॉट बी हैप्पी। ही हैज लेट आउट द फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर टू मिस्टर पीस फॉर रेसिडेंशियल पर्पजेज इन अप्रैल। तो जो हैप्पी 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 है, उन्होंने क्या किया है, अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है किसको, मिस्टर पीस को। नाउ पीस ने क्या किया, अपने टेनेंसी राइट्स सरेंडर कर दिया। तो पीस के पास, पीस कौन है एज ऑफ नाउ, पीस इज द टेनेंट हियर, लेकिन पीस ने अपने टेनेंसी राइट्स सरेंडर कर दिए किसको, मिस्टर सरीन को, फॉर अ टेनेंसी प्रीमियम ऑफ 10 लाख रुपीज ऑन 1st June। पीस ने क्या किया, पीस ने 10 लाख रुपीज लिए मिस्टर सरीन से और मिस्टर सरीन को सारे के सारे टेनेंसी राइट्स क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। मतलब ये क्या होगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नाउ ये मिस्टर सरीन जो है, जो मिस्टर सरीन है, उसने टेनेंसी राइट्स तो खरीदे ही है, टेनेंसी राइट्स तो खरीदे ही है ये 10 लाख का टेनेंसी प्रीमियम देके। अब इसके अलावा इनको क्या करना होगा, जो ऐसा ट्रांसफर करने के लिए जो एप्लीकेबल स्टैंप ड्यूटीज रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे वो सब भी उन्होंने पे किए हैं। मोर ओवर अब मिस्टर सरीन को क्या करना है, मंथली रेंट भी पे करना है मिस्टर हैप्पी को 1 लाख रुपीज का। तो एक बार टेनेंसी राइट्स लेने के लिए 10 लाख तो पे किया, अब इसके बाद रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रह रहे हैं तो हर महीने इनको क्या करना है, 1 लाख का मिस्टर हैप्पी को पीरियोडिकल रेंट भी देते जाना है। अब ऐसे केस में ये आपसे इसके टैक्सेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो भाई एकदम सिंपल है, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ये जो 10 लाख है ना, 10 लाख जो 10 लाख है जो मिस्टर पीस को मिले हैं फॉर सरेंडरिंग हिज टेनेंसी राइट्स टू मिस्टर सरीन, ये तो लायबल टू जीएसटी होंगे क्योंकि ये क्या है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। समझना, सेल ऑफ कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग होता है ना, तो वो जीएसटी परव्यू से बाहर है। सेल ऑफ कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग शेड्यूल 3 में फॉल होता है एंड इट इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन टेनेंसी प्रीमियम के लिए टेनेंसी राइट्स को सरेंडर करना वो सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग नहीं है। ये तो हमको ऑब्वियसली समझ में आता है कि पूरा बिल्डिंग किसी के नाम ट्रांसफर नहीं किया है, सिर्फ उस बिल्डिंग के टेनेंसी राइट्स हमने किसी को ट्रांसफर किए हैं। तो ऐसे केसेस में वो क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाता है। तो ये जो 10 लाख है जो टेनेंसी प्रीमियम टेनेंसी राइट्स को सरेंडर करने के लिए लिया गया है, This is going to be taxable because this is a supply of service. लेकिन अब एक unregistered person दूसरे unregistered person को सिर्फ रहने के लिए residential purpose के लिए monthly 1 लाख का rent देता जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये GST में exempt होने वाला है। ये नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, charge के chapter में समझाऊंगी कि भाई अगर residential dwelling residential purpose के लिए किसी unregistered person को देते हो रहने के लिए तो फिर it is exempt under GST. So renting of residential dwelling for use as a residential purpose to an unregistered person is exempt under GST and therefore ये जो 1 lakh का monthly rent है received by happy from Sarin, it is going to be exempt under GST. तो notes में क्या करो, question 11 का reference दे दो। एक ही question है जिंदगी में आज तक ICAI के history में tenancy rights को लेके, तो यहाँ पे question 11 लिख दो कि जब भी tenancy rights पढ़ोगे तो question 11 एक बार से practice कर लेना। उसके बाद डिस्टिंक्ट पर्सन वापस नहीं करवा रही, ऑलरेडी कल के लेक्चर में मैंने करवा दिया था। डिस्टिंक्ट पर्सन का सिंपल मीनिंग है सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन। डिस्टिंक्ट पर्सन का सिंपल मीनिंग क्या है, सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अब वो दोनों सेम स्टेट में है तो भी कोई बात नहीं, अलग स्टेट में है तो भी कोई बात नहीं।
अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन ने ऐसा बोला कि पुणे से मुंबई गुड्स ट्रांसफर किए हैं और कुछ नहीं बोला ये लोग सेपरेटली रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो आप क्या अज्यूम करोगे? अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि पुणे और मुंबई दोनों महाराष्ट्र में है, पुणे और मुंबई दोनों महाराष्ट्र में है, तो भाई ऐसे केस में बताओ पुणे मुंबई दोनों महाराष्ट्र में है और क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोला कि पुणे से मुंबई गुड्स ट्रांसफर किए सेम पैन में है, तो आप इसको क्या मानोगे? डिस्टिंक्ट पर्सन मानोगे या नहीं मानोगे? ये सेपरेटली रजिस्टर्ड है या नहीं ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में। चलो, क्या हम इनको क्या माने, इनको हम डिस्टिंक्ट पर्सन माने कि नहीं माने? द आंसर इज हम इनको डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानेंगे, हम इनको डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानेंगे। हमारा सिंपल सा मानना होगा कि अगर आप लोग एक ही स्टेट में हो तो एक स्टेट में तो मैंडेटरी तो एक ही रजिस्ट्रेशन है, एक स्टेट में मैंडेटरी तो एक ही रजिस्ट्रेशन है, तो फिर ऐसे केस में जब एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तो आप दूसरा क्यों लोगे जबरदस्ती, अनलेस आपको एक्सट्रीम चुल है। मतलब ऐसे केस में अगर क्वेश्चन पर्टिकुलरली बोलता है कि सेम स्टेट में भी दोनों ने अलग रजिस्ट्रेशन लिया है तो ही इसको डिस्टिंक्ट पर्सन मानना, वरना क्वेश्चन ने सीधा बोला जयपुर से उदयपुर गुड्स ट्रांसफर किए सेम पैन में, तो हम तो उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं मानेंगे और डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानने वाले हैं। अलग अलग स्टेट में होगा तो ऑटोमेटिकली वो डिस्टिंक्ट पर्सन बन ही जाएगा, राइट? यस। चलो, जिसको बहुत क्वेश्चंस हो रहे हैं, मैम अगर एसईसी होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा थांबा, वेट करना, हम अभी सेकंड लेक्चर में है, धीरे धीरे जब पूरा बैच कंप्लीट करेंगे सारी चीजें कवर हो जाएगी। आप एक ही साथ सोचो कि सारा कुछ पढ़ा दो तो दैट इज नॉट पॉसिबल, थोड़ा सा शांति रखेंगे। चलो, अगर एसईसी यूनिट है तो अलग बात है, क्योंकि एसईसी तो सेम स्टेट में होगा तो भी हमेशा उसको मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम इस बात को पढ़ेंगे। पावर बैच के बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने पहले से पढ़ रखा होता है, सफल बैच या रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स तो एकदम प्लेन बुक बन के आते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है, तो वो फ्लो के साथ चलते हैं। पावर में हमारे दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, हमको जो थोड़ा थोड़ा याद आता है बेस्ड ऑन दैट हम सोचते हैं कि चलो पूछ लेते हैं, वो पढ़ा था कहीं पे, वो पढ़ा था कहीं पे। वेट, गिव मी टाइम, आई विल कंसोलिडेट एवरीथिंग, फिर आपके डाउट्स बचते हैं तो डेफिनेटली आप पूछो, बिकॉज कहीं कहीं से कुछ कुछ याद आके आप डाउट्स पूछोगे और लिंकिंग करने की कोशिश करोगे, इट विल कंफ्यूज यू मोर। डन, चल ये रहा, देखो आया आया, किसने पूछा था एसईसी वाला? एसईसी यूनिट इज ऑलवेज अ डिस्टिंक्ट पर्सन इवन इफ इन सेम स्टेट, क्योंकि एसईसी हमेशा क्या होता है, सेपरेटली रजिस्टर्ड होता है। थोड़ा सा वेट करने का, सब कुछ आएगा। चल, ये मोल्ड डाइज वाला क्लेरिफिकेशन बहुत बार आता है, कुछ इसमें है नहीं। सबसे पहले ये समझना है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कौन, सेम स्टेट इट इज ट्रीटेड एज सेम पर्सन, अयो सेम पैन हो, तुम लोग कैसे कैसे डाउट पूछ रहे हो यार। देखो, सेम स्टेट में एक मिस्टर राज है और एक मिस रजनी है। मिस्टर राज की शॉप है अहमदाबाद में, मिस रजनी की शॉप है सूरत में, क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे बताओ? सेम स्टेट में है, चलो मान लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन, मिस्टर राज मिस्टर रजनी दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड है और सेम स्टेट में है, ये डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे क्या? क्वेश्चन नंबर टू, मिस्टर राज है ये गुजरात में है और मिस्टर रजनी है ये महाराष्ट्र में है, तो बोलो क्या होगा? हाँ, नहीं होंगे ना, बिकॉज दी फर्स्ट कंडीशन इज सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, दो अलग लोग जिनका पैन ही अलग है वो तो कभी डिस्टिंक्ट पर्सन हो ही नहीं सकते हैं। पैन सेम होना जरूरी है और सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो फिर उसी केस में आप डिस्टिंक्ट पर्सन बनोगे। सब पर्टिकुलर कोई डाउट आए तो प्लीज रिसोर्ट टू टेलीग्राम, सेशन का फ्लो इंटरप्ट हो जाता है, टेलीग्राम पे डाउट पूछो, सारा कुछ सॉल्व किया जाएगा। चलो, नाउ मोल्स डाइज ओन्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर। समझो, एक बात बताओ, टाटा है जो गाड़ी बनाता है, अब सोचा कि इस गाड़ी में सीट लगानी है, गाड़ी में हमको सीट लगानी है, तो ऐसे किस में टाटा ने सोचा कि अरे यार हम असेंबल कर देंगे, कौन इनहाउस सीट बनाए, तो इन्होंने ढूंढ लिया यहाँ पे मिस्टर राजू को। मिस्टर राजू क्या करेगा, मिस्टर राजू सीट बना के देने वाला है,
टाटा ने मिस्टर राजू को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप हमको 1 लाख सीट बना के दे देना और ये हम हमारी गाड़ी में लगा देंगे। ऐसे केस में मुझे बताओ कि ओईएम कौन, ओईएम कौन और सीएम कौन, हु इज ओईएम एंड हु इज सीएम। OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, CM यानी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। जब टाटा गाड़ी बना रहा है जो कि एक ओरिजिनल इक्विपमेंट है जिसका एक कंपोनेंट है सीट जो हमने आउटसोर्स कर दिया, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हु इज OEM एंड हु इज CM। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, टाटा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होगा क्योंकि कार ओरिजिनल इक्विपमेंट है, कार ओरिजिनल इक्विपमेंट है, सीट जिसका एक कंपोनेंट है, कार ओरिजिनल इक्विपमेंट है और सीट तो सिर्फ उसका एक कंपोनेंट है, तो ऐसे केस में कार जो बना रहा है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होगा और उसका एक सीट बनाने वाला मिस्टर राजू ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हो जाएगा। तो फिर सेकेंड क्वेश्चन, इस अरेंजमेंट में जहां पे मिस्टर राजू सीट बना के टाटा को देने वाला है, सप्लायर कौन और रेसिपियंट कौन, टेल मी सप्लायर कौन और रेसिपियंट कौन। सेकेंड क्वेश्चन टू यू, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो सबने सही दिया कि मैम गाड़ी ओरिजिनल, अरे सब क्यों हो रहा है, कैन यू सी मी, हाई गाइस, इज दिस फाइन नाउ, इज द ऑडियो स्ट्रीम फाइन नाउ, यस, हाँ ओके चल। सो यहां तक आप लोगों ने मुझे आंसर दे दिया था, लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग अगेन, चलो चलो एवरीथिंग इज फाइन नाउ, हाँ आप लोगों ने मुझे शिट, ड्रॉप द पेन, एक सेकेंड, एक मिनट रुको, अभी क्या यार, जो सब गड़बड़ हो गया, पैन गिर गया, ये केबल निकल गया, रुक जाओ एक सेकेंड, लोग एकदम ऐसा, चलो नर्वस नहीं हो रहे, नर्वस क्या होना है, चलो अभी आप लोगों ने सही बताया कि जो टाटा है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और जो राजू है वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है, सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है, जल्दी जल्दी से बताओ। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जहां पे टाटा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है राजू को कि गाड़ी के लिए सीट बना के देना है, हु इज द सप्लायर एंड हु इज द रेसिपिएंट, चलो ये फटाफट आ जाओ, 5 मिनट वेस्ट हो गए, जल्दी जल्दी जल्दी, हु इज सप्लायर एंड हु इज रेसिपिएंट इज माय क्वेश्चन हियर। यस मैम, राजू सप्लायर है, जो भी बोल रहे हैं टाटा सप्लायर है अपने आप को एक टपली देंगे, जिन भी बच्चन ने बोला कि टाटा सप्लायर है वो फटाफट से अपने आप को एक टपली दे देंगे। ध्यान रखना, राजू सीट बना के देने वाला है टाटा को, टाटा सामने कंसिडरेशन पे करने वाला है, हमारी आदत पड़ गई है देखने की कि सप्लायर लेफ्ट साइड पे होगा, रेसिपिएंट राइट साइड पे होगा, तो बस मैम ने इधर जिसको ड्रॉ कर दिया वो सप्लायर बन जाएगा, ऐसा होता है क्या? दी आंसर इज नो। तो भाई कितना सिंपल है ये, राजू सीट बना के दे रहा है टाटा को, सीट बन गया गुड्स, टाटा सामने सीट बनाने के लिए पैसा दे देगा तो टाटा बन गया रेसिपिएंट, ऐसे में डाउट नहीं आना चाहिए। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब ये जो टाटा है रेसिपिएंट है, इसका जो डिटेल क्लेरिफिकेशन है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में आता है, बट स्टिल टाटा है, टाटा है जिसने क्या किया, टाटा को ऐसा डाउट था कि हमारी जो गाड़ी है ना उसका शेप थोड़ा सा अलग ही है, अब राजू ने अगर छोटी या बड़ी सीट बना दी तो दिक्कत आ जाएगी, तो टाटा ने क्या किया, एक मोल्ड भेज दिया फ्री में, एक मोल्ड भेज दिया फ्री में किसको, राजू को, कि ये मोल्ड यूज करना और इस ही शेप का सीट बना के हमको देना। सो द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो रेसिपिएंट है इसने सप्लायर को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया है, मोल्ड भेज दिया है, तो फिर इसको सप्लाई मानना है क्या? तो देखो अगर ये शेड्यूल वन में कहीं फॉल हो जाता है तो अलग बात है, शेड्यूल वन नो कंसिडरेशन नो सप्लाई में कहीं फॉल होता है तो अलग बात है, अदरवाइज उसके अलावा ना तो ये लोग रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन है, ना ये लोग प्रिंसिपल एजेंट है, ना ये इम्पोर्ट है, कुछ भी नहीं है, तो
तो फिर गोल्डन रूल क्या बोलता है, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। तो ये कोई सप्लाई नहीं है क्योंकि कंसिडरेशन चार्ज नहीं हुआ है, ना तो दोनों रिलेटेड पर्सन है और ना ही दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो मैम इतना ही बताना था। तो ये पूरी पंचायत क्यों की, सप्लायर कौन रेसिपिएंट कौन, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में काम आएगी सारी पंचायत, और तब मैं फिर से नहीं करने वाली हूँ। तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिख के रखो, एग्जाम्पल लिख लो, ऐसा हो तो कि टाटा इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, राजू इज द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर सप्लायर होता है, और यहाँ पे जो ओईएम होता है वो रेसिपिएंट होता है। ये सब लिख के रख लो वैल्यू ऑफ सप्लाई में, फिर से नहीं समझाऊंगी, और इसी एग्जाम्पल के कंटिन्यूएशन में आगे के प्रोविजन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, कॉस्ट पेट्रोलियम प्रॉफिट पेट्रोलियम समझाने को तो पूरा समझा सकती हूँ, बट पावर बैच है इतना टाइम नहीं है, शॉर्ट में समझ लो, शॉर्ट में समझ लो। ना तो कॉस्ट पेट्रोलियम पे टैक्स लगता है, ना ही जो प्रॉफिट पेट्रोलियम का गवर्नमेंट का शेयर है उस पे टैक्स लगता है। कॉस्ट पेट्रोलियम तो सप्लाई ही नहीं है और प्रॉफिट पेट्रोलियम जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाता है। मीनिंग क्या है दोनों का, तो सिंपल, मानो एक माइनर है, माइनर अरे बच्चे वाला माइनर नहीं रहे, माइनिंग करने वाला माइनर, बच्चे वाला माइनर नहीं, एक माइनर है जिसको कोई एक्सप्लोरेशन करना है। तो ऐसा तो है नहीं जिधर आपकी इच्छा हुई उधर जाके खोदना शुरू कर दो, आपको सीधी सी बात है गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, लीज लाइसेंस लेना पड़ेगा कि इस जगह पे मुझे एक्सप्लोर करना है, माइन करना है। तो गवर्नमेंट फ्री में तो लाइसेंस देगी नहीं, आपसे कुछ फीस वगैरह चार्ज कर लेगी। अब इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि पहले आपका जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ है एक्सप्लोरेशन वगैरह करने में, आपका जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ है उसकी रिकवरी करने जितना रिसोर्सेज निकला उसको हम कॉस्ट पेट्रोलियम बोलते हैं, जो एक्सेस बच जाता है उसको हम प्रॉफिट पेट्रोलियम बोलते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्रॉफिट पेट्रोलियम से शेयर लेती है। गवर्नमेंट क्या करती है, इस माइनर का जो भी प्रॉफिट पेट्रोलियम हुआ उसमें से गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक शेयर लेती है। लेकिन ऐसा शेयर लेने से ये कोई पार्टनर नहीं बन गया, समझो। नॉर्मली अगर हम किसी के साथ अपने प्रॉफिट शेयर करते हैं मतलब वो पर्सन हमारा पार्टनर है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का रिलेशनशिप है माइनर के साथ वो पार्टनर वाला रिलेशनशिप नहीं है, वो लाइसेंसर लाइसेंसी या लेसर लेसी का ही रिलेशनशिप रहेगा। और ऐसे केस में गवर्नमेंट जो भी प्रॉफिट पेट्रोलियम का शेयर लेती है वो शेयर जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उसके ऊपर पर्टिकुलरली और जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। द वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम जो कॉन्ट्रैक्टर रिसीव करता है, जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को रिकवर करता है, उसको तो हम कॉस्ट पेट्रोलियम बोलते हैं। ये कोई कंसिडरेशन नहीं है, ये कुछ नहीं है, सप्लाई नहीं है, ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये आप किसी को कोई सर्विस नहीं दे रहे। आपकी जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई थी उतना पेट्रोलियम आप रिकवर करके अपनी कॉस्ट कवर करने अपने पास रख रहे हो, जिसको हम सिंपली कॉस्ट पेट्रोलियम बोलते हैं। दिस इज नॉट अ सर्विस, दिस इज नॉट टैक्सेबल पर से। लेकिन उसके बाद जितना आपने टोटल पेट्रोलियम माइन किया है उसमें से कॉस्ट पेट्रोलियम हटा दो तो जो बचा वो आपका पूरा प्रॉफिट है। अब उसमें से गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट का शेयर रखती है जो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है। फिर मैम जो बचा हुआ है वो सेल करते हैं तो उस पर तो फिर नॉर्मल प्रोविजंस लग जाएंगे। अगर वो हुम नैप में फॉल होता है तो जीएसटी नहीं लगेगा, हुम नैप के अलावा कुछ है तो नॉर्मली जैसे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती है वैसे आएगी। सिंपल, अगर आपको एग्जाम के दिन इसको एक मिनट में रिवाइज करना होगा तो आप पूरा क्लेरिफिकेशन नहीं पढ़ोगे, आप क्या बोलोगे कि कॉस्ट पेट्रोलियम नो जीएसटी और गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम नो जीएसटी, इतना रिवाइज करके और आगे बढ़ जाना है। डन। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मनी और सिक्योरिटी क्या है। मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना ही सर्विस है, यानी जीएसटी के परव्यू से बाहर रहेंगे। का यूज करना, एक फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन से दूसरे फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन में कंसिडरेशन के लिए कन्वर्ट करना, वो सर्विस है। उसके बाद सिक्योरिटीज सर्विसेज नहीं है, लेकिन सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करवाना क्या वो सर्विस है? द आंसर इज येस। तो ऐसे केस में डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस ने स्पेसिफिकली मनी सिक्योरिटी को एक्सक्लूड किया है, लेकिन उसके रिलेशन में कोई सर्विस चार्जेस है, मानो इश्योरेंस चार्जेस फॉर एलसी, चार्जेस फॉर मेकिंग ड्राफ्ट, चार्जेस फॉर कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस, तो वो सारे तो सर्विसेज होते हैं और जीएसटी में टैक्सेबल होते हैं। फॉरवर्ड्स फ्यूचर्स का कैश सेटल नेट सेटलमेंट करोगे तो नो जीएसटी, डिलीवरी फिजिकल डिलीवरी से सेटलमेंट करोगे तो लायबल टू जीएसटी हो जाएगा। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कल ही डिस्कस कर चुके थे। आज हमको देखना है सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। चलो, सीए फाइनल के बच्चे हो, एक बात बताओ कि आज अगर मुझे कोई शेयर्स बेचने हैं तो क्या मेरे पास वो शेयर्स होने जरूरी है क्या? अगर आज मुझे कोई शेयर बेचने हैं तो क्या ये शेयर्स मेरे पास होने जरूरी है क्या? बार बार लैग क्यों हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम?
आई थिंक इट इज वर्किंग फाइन। हाँ, अगर मुझे कोई शेयर्स बेचने हैं तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास वो शेयर्स होने ही चाहिए, मैं किसी से बोरो करके शॉर्ट सेलिंग भी कर सकती हूँ। वी अंडरस्टैंड दिस। नाउ माय क्वेश्चन टू यू हियर इज, आज मानो मुझे कोई शेयर्स बेचने हैं लेकिन मेरे पास है नहीं, सामने एक पर्सन है जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स होल्ड करके बैठा है, जिसको आज ट्रेड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ही अग्रीड टू लेंड मी दी शेयर्स, लेकिन फ्री में तो लेंड करेगा नहीं, समाज सेवा तो कर नहीं रहा है। तो भाई ऐसे केस में वो क्या करेगा, मुझसे लेंडिंग फीस चार्ज करेगा। ऐसे केस में वो मुझसे लेंडिंग फीस चार्ज करेगा। द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो बोरोवर है, ये जो लेंडिंग फीस पे करता है, क्या इस पे जीएसटी लगता है क्या? द आंसर इज येस, लगता है। देखो, अगर आप शेयर्स को सेल कर रहे हो, शेयर्स को परचेस कर रहे हो, शेयर्स को डिस्पोज कर रहे हो, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन किसी को शेयर्स लेंड करना, ये तो एक शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन हुआ ना, आप लेंड करके वापस लेने वाले हो उससे और लेंडिंग फीस कलेक्ट कर रहे हो, मतलब आप सिक्योरिटी में डील कर ही नहीं रहे हो, आप एज सच सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करवा रहे हो, इसीलिए जो लेंडिंग फीस मिलती है, ये लेंडिंग फीस बिल्कुल जीएसटी में टैक्सेबल होती है, लेंडिंग डिस्पोजल नहीं है। अंडरलाइन डिफरेंस क्या है, लेंडिंग डिस्पोजल नहीं है, लेंडिंग इज नॉट डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आप सीधा सीधा सिक्योरिटी बेच देते तो जीएसटी नहीं लगता। यहाँ पे लेंडर क्या करता है, एक अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू बोरोवर को शेयर्स लेंड करता है, मतलब रियल लाइफ में बोरोवर को एक्चुअली पता नहीं होता है कि उसने किसके शेयर्स बोरो किए हैं, ये तो जो इंटरमीडियरी होता है ये पूरा ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करवा देता है। तो ऐसे केस में जो इंटरमीडियरी है वो भी अपना कुछ कमीशन, ब्रोकरेज, एजेंसी चार्जेस लेगा, उस पर जीएसटी लगता है, वो तो हमको ऑलरेडी क्लियर है कि कोई भी इंटरमीडियरी, एजेंसी, ब्रोकिंग चार्जेस है तो उस पर तो जीएसटी लगेगा ही। उसके अलावा बोरोवर ने जो लेंडिंग फीस पे किया है, उस लेंडिंग फीस पे भी क्या लग जाता है, जीएसटी लग जाता है। सो लेंडिंग इज नॉट डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, लेंडिंग फीस पेड बाई बोरोवर टू लेंडर इज अ कंसिडरेशन एंड इट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। और ये जो अप्रूव्ड इंटरमीडियरी है जो अपना कमीशन चार्ज करेगी, ये कमीशन भी क्या होता है, जीएसटी में टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, इनमें हमको आरसीएम में टैक्स पे करना रहता है, आईजीएसटी ही लगता है हमेशा, और जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स है वो गुड्स है, सर्विसेज नहीं है। कुछ नहीं, एक सिंपल क्लेरिफिकेशन है जो आपको ध्यान में रखना है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या है, गुड्स है जो आरसीएम में टैक्सेबल होते हैं, जिन पे हमेशा आईजीएसटी ही लगता है, भले ही आपको कुछ चेक नहीं करना है, सप्लायर कहाँ, रेसिपिएंट कहाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, कुछ नहीं, अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट है तो आप ऑटोमेटिकली हमेशा उस पे आईजीएसटी में आरसीएम पे कर देते हो एट द रेट ऑफ 12%। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर देखो, जॉइंट वेंचर का क्लेरिफिकेशन क्या बोल रहा है, मानो ए, बी और सी तीन कंपनीज है जिन्होंने मिलकर एबीसी नाम का एक जेवी बनाया, एबीसी नाम का एक जॉइंट वेंचर बनाया। जॉइंट वेंचर बनाने के लिए इन सब लोगों ने पहले कुछ कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा, कुछ कुछ कैश कॉल दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर वन, कि जब जेवी बनानी है, तीन लोगों ने मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाया और तीनों ने उसमें क्या किया, पैसा दिया, तो द क्वेश्चन हियर इज, क्या इस पैसे पे जीएसटी लगना चाहिए, से यस और नो। तीनों ने क्या किया, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया, तीनों ने ही कैश कॉल दिया है, तो क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ए बी सी तीनों एक जॉइंट वेंचर के मेंबर्स है, तीनों एक जॉइंट वेंचर के मेंबर्स है और तीनों जॉइंट वेंचर में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैश कॉल दे रहे हैं, तो भाई ऐसे केसेस में तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो एक मियर ट्रांजेक्शन इन मनी है और हमको पता है कि मनी तो वैसे भी ना गुड्स होता है ना सर्विस होता है। तो जब जेवी के मेंबर जेवी में कैश कॉल देते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमको इतना समझ में आता है कि सिर्फ मनी में डील करना ये तो जीएसटी में आएगा नहीं, क्योंकि मनी ना तो गुड्स है और ना ही सर्विसेज है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, अब मानो इनमें से एक ऑपरेटिंग मेंबर है, जो मिस्टर बी है, मतलब बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड एक ऑपरेटिंग मेंबर है। अब हमने पैसा सीधा जॉइंट वेंचर को नहीं दिया, ए ने पैसा बी को दिया, सी ने पैसा बी को दिया, बी ने कुछ अपना पैसा डाला और कुछ एक्टिविटी करके और फिर वो एक्टिविटी का आउटकम जॉइंट वेंचर को दिया। बी के पास कोई मशीनरी पड़ी थी तो ए और सी ने क्या किया, बी को पैसा दिया कि तुम अपनी मशीनरी यूज कर लेना ये काम करके, एंड उसके बाद जो अल्टीमेट आउटपुट है वो जॉइंट वेंचर को दे देना। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि बी सबको सर्विस दे रहा है,
बी ए को भी सर्विस दे रहा है, बी सी को भी सर्विस दे रहा है और बी जॉइंट वेंचर को भी सर्विस दे रहा है। तो जब डायरेक्टली कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जॉइंट वेंचर में, उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन यही कॉन्ट्रीब्यूशन आप अगर किसी ऑपरेटिंग मेंबर को देते हो जो अपना खुद का कोई मशीनरी यूज करने वाला है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ये जो ऑपरेटिंग मेंबर है ये जॉइंट वेंचर को एज वेल एज बाकी मेंबर्स को उस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए सर्विस प्रोवाइड करके दे रहा है और इसीलिए ये एक टैक्सेबल सप्लाई मान ली जाती है। तो डायरेक्ट कैश कॉल, डायरेक्ट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करते हो अगर आप जेवी में, इट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज अ मियर ट्रांजेक्शन इन मनी। लेकिन यही कॉन्ट्रीब्यूशन आप किसी ऑपरेटिंग मेंबर को दे दो जो अपनी खुद की मशीन यूज करने वाला है, तो फिर ऐसे केस में हम बोलेंगे कि वो सर्विस दे रहा है किसको, जेवी को भी और बाकी सारे लोगों को भी, तो जो कंसिडरेशन मिला वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग लिक्विडेटेड डैमेजेस, कॉम्पेंसेशन एंड पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस क्लेरिफिकेशन को लेके स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन है, कोशिश कर रही हूं आपके लिए इसको सिंप्लीफाई करने की, तो पूरा ध्यान इधर, अब जो भी कर रहे हो सबका ध्यान इधर होना चाहिए। मैं कभी भी अपने आप को पैसा दूं तो उस पर जीएसटी नहीं लग सकता। समझो मेरा ही पैसा है, मानो मेरा ही पैसा है, मैंने इस लॉकर से निकाल के इस लॉकर में डाल दिया तो उस पर जीएसटी लगेगा क्या कभी भी? आंसर टू योर क्वेश्चन स्मिथ। चलो अभी सबका ध्यान इधर, जिधर भी दिमाग है सब कुछ छोड़ के पूरा का पूरा फोकस अब आप लोगों का इधर होना चाहिए, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग लिक्विडेटेड डैमेजेस। हाँ, इसको अगर एक लाइन में समराइज करना हो तो हम बोलेंगे कि अगर मेंबर्स जेवी को डायरेक्ट कैश कॉल देते हैं तो इट इज नॉट टैक्सेबल, लेकिन यही मेंबर अगर किसी ऑपरेटिंग मेंबर को कैश कॉल कॉन्ट्रीब्यूशन दे दे जो अपनी मशीन यूज करके आगे सर्विस देगा तो इट इज टैक्सेबल, समराइजिंग एवरीथिंग इन वन लाइन। चलो अब सबका ध्यान इधर, तीन चीज हमने देखी थी शेड्यूल टू जब पढ़ रहे थे तब, तीन चीज देखी थी, अग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, अग्रीइंग टू टॉलरेट एन एक्ट एंड अग्रीइंग टू डू एन एक्ट। मैंने आपको तीनों का एक एक एग्जाम्पल भी दिया था और डिटेल में भी इसको डिस्कस करते हैं। चलो बस अब कुछ नहीं अब सबका ध्यान इधर, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। सिंपल है, हमने वासु का एग्जाम्पल लिया था कल कि वासु ने पास होके बोला कि मुझे आईडीटी पढ़ाना है, मैंने बोला नहीं पढ़ाना है, ये रखो मेरी तरफ से 20 लाख रुपए। यानी वासु ने क्या अग्री किया कि वो रिफ्रेन करेगा जीएसटी पढ़ाने से, यानी उसने मेरे साथ एक नॉन कम्पीट अग्रीमेंट एंटर किया, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, क्या मैं कोई कंसिडरेशन पे कर रही हूँ? हाँ। उसके बाद मानो एक बिल्डर है जिसको ऑलरेडी लोकल अथॉरिटी से 15 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिल चुकी है, लेकिन आसपास के नेबर्स ने बोला यार हमसे 1-1 करोड़ रुपए ले लो पर प्लीज 15 फ्लोर की बिल्डिंग मत बनाओ, हमारे घर की सनलाइट वनलाइट सब कुछ ब्लॉक हो जाएगी, हमारे घर का भाव गिर जाएगा। तो एक बिल्डर जिसके पास ऑलरेडी बिल्डिंग बनाने की परमिशन है फिर भी वो बाकी लोगों से पैसा लेके और अग्री करता है कि चलो ठीक है सिर्फ 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाऊंगा, यानी वो 5 फ्लोर बिल्ड करने से क्या कर रहा है? रिफ्रेन कर रहा है। अगेन क्या बिल्डर और आसपास वाले लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, कंसिडरेशन है। हाँ, तो इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोल देते हैं, दिस इज अग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। अब समझते हैं अग्रीइंग टू टॉलरेट एन एक्ट। टॉलरेट एन एक्ट का हमने एग्जांपल लिया था लाउड स्पीकर वाला, कि भाई यहाँ पे सोसाइटी जो लाउड स्पीकर टॉलरेट कर रही है कॉम्पेंसेशन के लिए, या मानो एक बहुत बड़ा शोरूम है जिसके बाहर किसी ने आके एक पानीपुरी या गोलगप्पा जो भी आप बोलते हो उसका ठेला लगा लिया। अब ऐसे केस में शॉपकीपर ने बोला कि वैसे तो अच्छी बात है लोग पानीपुरी खाने आएंगे उस बहाने हमारी शॉप में भी आ जाएंगे, तो ऐसे केस में उन्होंने बोला कि चलो चलो ठीक है मेरी शॉप के बाहर तुम्हारा पानीपुरी का ठेला लगाना मैं टॉलरेट कर रहा हूँ, लेकिन मंथली मैं 10,000 रुपीज तुमसे लूंगा। तो एक शॉपकीपर जो किसी हॉकर को अलाउ करता है कि उसकी शॉप के बाहर वो ऑपरेट कर ले, मतलब वो टॉलरेट कर रहा है। नॉर्मली तो आप किसी के शॉप के बाहर जाकर ठेला लगा नहीं सकते, बट वो टॉलरेट कर रहा है लेकिन फ्री में नहीं कर रहा, सामने आपसे कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, तो क्या ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है? The answer is yes. And last is simply agreeing to do an act. भाई मेरे को अपने एक्स को उड़वाना था, मैंने दे दी सुपारी, इलीगल है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो उसने सिर्फ कुछ करने के लिए, किसी को उड़ाने के लिए मुझसे पैसा लिया, agreeing to do an act। क्या हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ। क्या कंसिडरेशन है? हाँ। Now, इंडस्ट्री अग्रीज टू इंस्टॉल 0 emission equipment. एक लीगल एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो भाई सिंपल, एक इंडस्ट्री
जिस जो आइडियली जो स्मोक एमिशन कर रही है वो विद इन परमिसेबल लिमिट है कि उतना स्मोक आप एमिट करो तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आसपास वाले लोगों ने बोला कि यार हमारे बच्चे खेलते हैं, आप हमसे पैसा ले लो पर प्लीज इक्विपमेंट इंस्टॉल करवा लो ताकि स्मोक कम एमिट हो या ना एमिट हो। तो ऐसे केस में एक इंडस्ट्री ने एमिशन इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के लिए अग्री किया, पैसे लिए कि चलो ठीक है हम इंस्टॉलमेंट हम इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर लेंगे। तो तीन चीजें हैं यहाँ पे, कुछ ना करना, कुछ करना, या कोई कुछ कर रहा है तो उसको टॉलरेट करना। तीनों ही केसेस में अगर कंसिडरेशन है और कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस बोल देते हैं। अब लेकिन ध्यान रखना, कई बार जो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स होते हैं वो सिर्फ हमारा लॉस हो जाएगा, हमको कोई इंजरी हो जाएगी उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए डाला जाता है, पेनल्टी फाइन्स के नेचर में होता है, तो इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है मैम, बोलो जुबा केसरी। तो विमल बोलो जुबा केसरी ने क्या किया, अजय देवगन तो काफी साल से बोलो जुबा केसरी कर ही रहा था, अभी उन्होंने शाहरुख खान और अक्षय कुमार को भी ला दिया कि अब तीनों मिलके बोलो जुबा केसरी करेंगे। अब ऐसे केस में अक्षय कुमार यूं तो इतनी पेट्रियोटिक मूवीज बनाता है तो एकदम से आउटरेज हो गया। अब विमल ने अक्षय कुमार के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, विमल ने अक्षय कुमार के साथ 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई 5 साल तक तुमको हर जगह जाके बोलो जुबा केसरी करना है, नहीं किया, मानो तुम 2 साल में ही निकल लिए तो फिर तुमको जो पैसा दिया है सारा वापस देना पड़ेगा, तुमको इनफैक्ट हमको कॉम्पेंसेट भी करना पड़ेगा, बिकॉज समझो अक्षय कुमार ने बोलो जुबा केसरी करने के लिए करोड़ों में रुपए लिए होंगे, जो विमल देने को अग्री भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर 5 साल तक अक्षय बोलो जुबा केसरी करेगा तो उसके फैंस भी करने लग जाएंगे। तो मैंने जो कंसिडरेशन दिया है वो क्या सोच के दिया है कि 5 साल तक ये मेरा एडवर्टीजमेंट करेगा, 5 साल में मुझे उससे कितना इनकम जनरेट होगा, उसका पीवीवीवी निकाल के मैं उसको आज कंसिडरेशन दे रही हूं। मतलब सीधी सी बात है, अगर इसने 5 साल तक बोलो जुबा केसरी नहीं किया तो विमल का तो लॉस हो जाएगा। तो ऐसे केस में अक्षय कुमार ने बोलो जुबा केसरी करना शुरू भी कर दिया, लेकिन बिल्कुल उसके फैंस उसके अपोज हो गए कि ऐसे कैसे तुम बोलो जुबा केसरी कर सकते हो, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और मजबूरी में मानो अक्षय कुमार को 1 साल में विमल छोड़ना पड़ा। तो ऐसे केस में जब अक्षय कुमार विमल का लॉस कॉम्पेंसेट कर रहा है, अक्षय कुमार विमल का लॉस कॉम्पेंसेट कर रहा है, तो इस पे जीएसटी लगेगा क्या? दी आंसर इज नो, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एक दिव्या दिव्या करके कोई क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया था May 23 में, उसमें ये सेम चीज थी, और एक अजात शत्रु इंडस्ट्रीज नाम का भी क्वेश्चन था पुराने क्वेश्चन बैंक में, इफ यू रिमेम्बर। तो ओइंग टू दिस क्लेरिफिकेशन उस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है, जहां पे अब हम ये समझते हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसी का लॉस किसी की इंजरी को कॉम्पेंसेट करते हैं। विमल कभी नहीं चाहता था कि अक्षय कुमार छोड़ के जाए, क्या विमल ऐसा सोचता कि कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा कि 1 साल में अक्षय कुमार हमको छोड़ के चला जाए ताकि हमने जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन सोचा है वो हमारा ना अचीव हो, लेकिन हम अक्षय से पेनल्टी लेंगे। क्या विमल का ये इंटेंशन होगा कभी भी? द आंसर इज नो। समझो आज अगर किसी ने आपको चेक दिया और चेक डिसऑनर हो जाता है तो चेक डिसऑनर फीस लगती है, पर क्या आप ये चाहोगे कि चेक डिसऑनर हो ताकि चेक डिसऑनर फीस मिले, या आप ये चाहोगे कि बस यार कैसे भी करके चेक क्लियर हो जाए और हमको पैसा मिल जाए? मतलब इन सिचुएशंस में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर कॉन्ट्रैक्ट का जो अंडरलाइन इंटेंशन होता है ना, वो ये नहीं होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करो ताकि हमको पैसा मिले। नहीं, हम तो चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रहे, लेकिन फिर भी ब्रीच होने पे हमको लॉस हो रहा है, हमको इंजरी हो रही है जिसको आप कॉम्पेंसेट कर रहे हो, तो फिर ऐसे केसेस में इसको हम जीएसटी में टैक्सेबल नहीं मानते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं जो आपको सेल्फ रीड करने हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स बैर नोटिफिकेशन के हैं, जो गवर्नमेंट ने बैर नोटिफिकेशन इशू किया था इस क्लेरिफिकेशन को लेके। तो बहुत बहुत चांसेस है कि अगर ICAI इसमें से कोई MCQ पूछता है तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं बैर क्लेरिफिकेशन में से, उसी में से कोई पॉइंट आ जाए। तो शांति से आफ्टर सेशन आपका आज का होमवर्क रहेगा कि सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ के आपको लर्न कर लेना है। एक बार मैं अभी करवा देती हूँ। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या बोलता है कि कॉम्पेंसेशन आप किसी अग्रीव्ड को दे रहे हो जस्ट बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रीच्ड, यानी अमाउंट आपने इसीलिए पे किया है ताकि सामने वाले को जो इंजरी हुई है, जो लॉस हुआ है, जो डैमेज हुआ है, वो कैसे ना कैसे करके कॉम्पेंसेट हो जाए, तो ये जीएसटी में टैक्सेबल नहीं होता। चलो एक और एग्जाम्पल, हमारे सारे IDT के लेक्चर्स क्या होते हैं, एनक्रिप्टेड होते हैं। मानो आप पावर बैच या सफल बैच कुछ भी परचेज करते हो पेड मोड में, तो 1-2-3 डेमो सेशंस के बाद वो सब कुछ एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ऐसे केस में कोई एकदम डेढ़ शाना स्टूडेंट निकला,
कोई एकदम डेढ़ शाना स्टूडेंट निकला जिसने कुछ तो टेक्निकल मस्त झोल लगा के और पूरे लेक्चर्स डाउनलोड कर लिया, सारा 100 hours ऑफ सफल बैच डाउनलोड कर लिया। अब मैं तो सफल बैच 6,500-7,000 में सेल कर रही हूँ, उसने बोला कि 3,000 में ले लो। रिद्धि मैम का सफल बैच 3,000 में दे रहा हूँ, सेम लेक्चर्स है, सब कुछ सेम है। अब ऐसा करते करते मानो उसने 300-400 लेक्चर सेल भी कर दिया, मुझे तो लॉस हुआ। अगर वो ऐसा ना करता तो ये 300-400 लोग मुझसे लेक्चर खरीदते, राइट? तो 300 × 6,000 मुझे इतना सारा लॉस हो गया उस पर्सन के कारण। अब ये पर्सन पकड़ा गया तो सीधी सी बात है मैं इससे अपना लॉस रिकवर करूंगी, मैं बोलूंगी कि चलो भाई तुमने 300 लेक्चर सेल किए हैं तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 6,000 पे करके दो। तो ऐसे केस में क्या मैं कभी भी ऐसा चाहूंगी क्या कि कोई स्टूडेंट जाए जाके मेरे लेक्चर्स पायरेट करे ताकि मैं उससे पेनल्टी रिकवर कर सकूं? बिल्कुल भी नहीं, ये इंटेंशन तो मेरा कभी होगा ही नहीं। हावेवर उसने फिर भी कर दिया और अब पकड़ा गया तो फिर मैं उससे क्या करूंगी, मेरे लॉसेस मेरे डैमेजेस तो रिकवर करूंगी ही ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि देखो जैसे कोई डैमेजेस रिजल्ट हुआ कि आपने किसी की प्रॉपर्टी पायरेसी अनऑथराइज यूज कुछ भी आपने क्या किया पायरेट किया है एंड उसके बाद आपको ये पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इस सिचुएशंस में दिस इज जस्ट कॉम्पेंसेशन फॉर इंजरी और लॉस दैट समवन हैज सफर्ड, और इस सिचुएशन में आपने जो पैसा दिया उस पे GST नहीं लगता है। नेक्स्ट, डिलेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। अब बिल्डर्स है, बहुत बार घर बनाने में काफी डिले कर देते हैं तो इनको जो कॉम्पेंसेशन पे करने पड़ते हैं। अब आप समझो कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसका घर उसको लेट मिले, पेनल्टी क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में कि घर लेट मिलेगा तो पैसा हमको पेनल्टी मिलेगी, पर मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैंने घर खरीदा है तो मुझे घर लेट मिले। यानी ऐसे सिचुएशंस में अगर मुझे घर लेट मिल रहा है, मुझे कोई पेनल्टी मिल रही है, तो वो सिर्फ मेरा लॉस ऑफ इंजरी कॉम्पेंसेशन टू इंजरी है, बिकॉज जब तक वो घर नहीं मिलेगा कहीं और रह रही हूँ, कहीं और का रेंट पे कर रही हूँ तो मेरा तो लॉस हो रहा है ना। घर घर का घर खरीदा है फिर भी कहीं और रेंट पे करना पड़ रहा है, तो वो मेरा क्या है, सिर्फ लॉस जो इंजरी हुई है उसका कॉम्पेंसेशन है। तो ऐसे केसेस में इन पे GST नहीं लगते हैं। लेकिन सिमिलरली कुछ बहुत ही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि एक सप्लायर है जो गुड्स सेल करता है और इसने लोगों को 3 months का क्रेडिट पीरियड दे रखा है कि 3 months में गुड्स पेमेंट करोगे तो वेरी गुड, वरना मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। अब समझो एक आध कस्टमर लेट पेमेंट कर भी दे तो क्या सप्लायर को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा? द आंसर इज नो, वो पर्सन लेट पेमेंट करेगा तो वैसे भी इंटरेस्ट के साथ पे करेगा, जो हायर इंटरेस्ट रेट ही होगा कंपेयर टू बैंक एंड एवरीथिंग। तो ऐसे केस में ये इन लोगों के लिए ना बिल्कुल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है कि ठीक है लेट पेमेंट मिला उसके साथ कोई इंटरेस्ट मिलना, तो ये सब कुछ हम GST में टैक्सेबल कर देते हैं मान के कि चलो भाई कॉन्ट्रैक्ट में हमने ऑलरेडी अग्री कर रखा था। एक ट्रिक बताती हूँ जो कहीं नहीं लिखी है और ये हमेशा काम करेगी ऐसा भी नहीं है। 90% ऑफ द टाइम्स हाउएवर अगर आप अटक जाते हो तो आपको मेरी ये ट्रिक काम आ जाएगी। आई एम अगेन रिपीटिंग, फुल प्रूफ नहीं है, बेस्ड ऑन दी एग्जाम्पल्स ऑब्जर्वेशंस आई एम गिविंग यू दिस टेक्निक ऑफ जो 90% इनफैक्ट 95% ऑफ द टाइम काम कर जाएगी। क्योंकि आपको कई बार यहाँ पे ना ये डाउट होगा। देखो समझो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि घर बनाने में डिले किया तो जो पेनल्टी दिया वो तो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन मानो मैंने कोई टूर पैकेज बुक किया था और एंड मोमेंट पे मैं नहीं शो अप हुई, मेरा सारा अमाउंट उन लोगों ने फोरफिट कर लिया, तो ये टैक्सेबल होगा। तो आप सोचोगे यार एक ही तो बात है, इधर भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, इधर भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, एक जगह टैक्सेबल कर रहे हो एक जगह टैक्सेबल नहीं कर रहे हो, यहाँ पे एम्बिग्यूटीज है। द ट्रिक दैट आई हैव डिराइव्ड आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द एग्जांपल्स इज वेरी मच सिंपल। अगर सप्लायर ब्रीच करता है ना, दो चीज है, अगर रेसिपियंट ने ब्रीच किया, रेसिपियंट ने ब्रीच किया मतलब मुझे 3 महीने में पैसा देना था मैंने नहीं दिया इसलिए मैं पेनल्टी पे कर रही हूँ, मुझे टूर पे जाना चाहिए था मैं नहीं गई इसलिए मैं अपना टूर पैकेज कैंसिल करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ पेनल्टी पे कर रही हूँ। या फिर मानो पैसेंजर, मैंने कोई टिकट बुक की और एंड मोमेंट पे मैं नहीं शो हुई, मेरा टिकट का पैसा फोरफिट हो गया, ये सारे ब्रीचेस कौन कर रहा है? रेसिपियंट कर रहा है। ये सारे ब्रीचेस कौन कर रहा है? रेसिपियंट कर रहा है। इन सबको टैक्सेबल किया है। अगर आप एग्जाम्पल्स से गो थ्रू करोगे तो यहाँ पे ब्रीच कौन कर रहा है? रेसिपियंट्स कर रहे हैं। इनको इन लोगों ने हर जगह पे टैक्सेबल किया, बिकॉज समझो एक सप्लायर के बहुत सारे रेसिपियंट होंगे, एक आध ऐसा लफड़ा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सप्लायर को पता है कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स में, उसका तो रोज का बिजनेस का काम है ना, रोज लोग टिकट कैंसिल करते होंगे, रोज लोग डिलेट पेमेंट करते होंगे और वो सबसे पेनल्टी रिकवर करता है, ये उसका बिजनेस ही है, इसको इन्होंने किया है टैक्सेबल। ऑन दी अदर हैंड सप्लायर ब्रीच करता है, जैसे कि मानो घर बनाने में डिले किया तो कंस्ट्रक्टर कौन था? सप्लायर था।
अक्षय कुमार एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा था विमल को, अक्षय कुमार कौन था, सप्लायर था। इन सारे केसेस में इन्होंने इसको नॉट टैक्सेबल किया है। ये कहीं नहीं लिखा है, एग्जाम में लिख के मत आना, मैंने पढ़ाया है किसी को मत बताना। ये एज अ स्टूडेंट एज अ फ्रेंड जब अपन पढ़ते हैं और अपन को कोई आइडिया मिल जाता है ना, ये सिर्फ वो सिंपल टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर की है जो 95% वर्क कर जाएगी। अगर क्वेश्चन देख के कभी भी कंफ्यूजन हो और आपको लगे, देखो यहाँ पे सेम चीज है, इधर इन्होंने क्या बोला, डीलेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए इट इज नॉट टैक्सेबल, लेकिन यही अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे लेसी ने टर्मिनेट कर दिया, लेसी कौन, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ने टर्मिनेट कर दिया, तो इन्होंने इसको इधर टैक्सेबल बनाया है। तो ये टेक्निक मैंने नहीं पढ़ाई है, मैंने एज अ फ्रेंड आपको बताई है कि भाई अगर सप्लायर गड़बड़ करता है ना तब ये लोग इसको नॉट टैक्सेबल बना देते हैं, रेसिपिएंट गड़बड़ करता है तब ये लोग इसको टैक्सेबल बना देते हैं। तो अब जिनको भी कंफ्यूजन है इस एग्जाम्पल को और इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रख के फिर से पढ़ना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जल्दी से बोलो यस और नो, जल्दी से बोलो यस और नो, आगे बढ़े, क्या सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये चीज रिद्धि मैम ने नहीं बताई है, ये चीज आपको रिद्धि ने बताई है, ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़े जल्दी जल्दी, यस। चलो चेक डिसऑनर का एग्जाम्पल ऑलरेडी ले चुकी हूँ, कोई नहीं चाहेगा कि चेक डिसऑनर हो ताकि चेक डिसऑनर फीस मिले, तो नो नॉट टैक्सेबल, नो कॉन्ट्रैक्ट। सेम अगर वायोलेशन ऑफ लॉस करते हो, रेड लाइट तोड़ दो, क्या सरकार को मजा आएगा, क्या क्या गवर्नमेंट को मजा आएगा कि चलो चलो फटाफट ट्रैफिक सिग्नल तोड़ो ताकि हमको फीस मिले? बिल्कुल नहीं। सरकार ने तो इनफैक्ट ट्रैफिक सिग्नल वायोलेशन का फीस बनाया है, क्यों बनाया है, ताकि आप वायोलेट ना करो। सरकार बोलती है कि आप पीयूसी बनाओ गाड़ी की ताकि पोल्यूशन ना हो, आप रेड लाइट सिग्नल मत तोड़ो ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, फिर भी तोड़ोगे तो तुमसे पेनल्टी लेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, सरकार ने बोला है पेनल्टी लेंगे, पर वो ये नहीं चाहते कि आप लॉस ब्रीच करो ताकि उनको पेनल्टी मिले, आप लॉस ब्रीच ना करो इसलिए वो उन्होंने पेनल्टी डाल रखी है। तो अगेन ये भी नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, राइट? उसके बाद फोर फीचर ऑफ सैलरी और पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन इवेंट ऑफ एम्प्लॉय लीविंग द कंपनी। भाई आजकल ये बॉन्ड साइन होते हैं कि आप 4 साल 5 साल पहले कंपनी को छोड़ के नहीं जा सकते हो, अगर गए तो आपका बॉन्ड से पैसा हम रिकवर कर लेंगे। तो क्या कंपनी चाहेगी क्या कि आप 2 साल में छोड़ के चले जाओ ताकि आपकी सैलरी फोरफिट कर ले? नहीं, वो तो चाहते हैं कि नॉन सीरियस लोग ना ज्वाइन हो, एम्प्लॉयज लंबे टाइम तक टिके रहे हमारे पास। तो ऐसे केस में ये भी टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि हम इसलिए इम्पोज करते हैं ताकि हम नॉन सीरियस एम्प्लॉयज को, हम नॉन सीरियस एम्प्लॉयज को क्या करें, डिस्करेज कर सके। लेकिन यही लेट पेमेंट होता है जो आप सप्लायर को करते हो, तो फिर ऐसे केसेस में ये क्या होता है, प्रिंसिपल सप्लाई की सेम रेट से टैक्सेबल हो जाता है। पावर, इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है, जिनको नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। कभी लाइट बिल देखना घर का, अगर कोई मीटर चार्जेस, शिफ्टिंग चार्जेस ऐसा कुछ होगा तो वो सब टैक्सेबल होता है, वो सब टैक्सेबल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में जो यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो, जितना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है, इट इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। अब मानो मैंने पूरे पीरियड में एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी भी यूज नहीं किया, घर बंद पड़ा था, मैं तो बढ़िया घूमने गई थी, फिर भी लाइट बिल तो आएगा, कुछ मिनिमम पावर चार्जेस तो आएंगे, हाँ 0 यूनिट्स कंज्यूम करने के लिए भी एक मिनिमम बिल तो आता ही है। तो ऐसे केसेस में क्या ये मिनिमम बिल टैक्सेबल होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ये एज सच है तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही, इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्प्ट है और इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे हो, 0 यूनिट्स यूज कर रहे हो, फिर भी अगर कोई मिनिमम पावर चार्ज आपसे चार्ज कर लिया जाता है तो उसको भी हम एग्जेम्प्ट ही जीएसटी में मान लेते हैं। देन क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सेल ऑफ लैंड आफ्टर लेवलिंग लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज पाइप्स। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर देना, सही दिया तो आपको आता है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ क्लेरिफिकेशन ऐसे होते हैं जो पढ़ाने भी नहीं होते हैं, मतलब बेयर एक्ट समझ के ही हमको आते हैं, इंडस्ट्री में डाउट्स क्रिएट होते हैं इसीलिए गवर्नमेंट को क्लेरिफिकेशन इशू करने पड़ते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री में सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है। तो ये अगर मैं आपको ना भी बताऊं, ये मैं आपको ना भी बताऊं फिर भी आपको आएगा। देखो ये एक लैंड है, चलो यहाँ पे हमारे साथ है सोनम। सोनम ने क्या किया, सोनम ने एक लैंड खरीद ली, अरे सोनम का स्पेलिंग ही नहीं आ रहा है मेरे को, सोनम, हाँ सोनम ने क्या किया, सोनम ने ये लैंड खरीदी मान लो फॉर 60 लाख रुपीज, बहुत पैसा है सोनम के पास, एक बढ़िया सी जमीन खरीद ली 60 लाख में। लेकिन ये जमीन क्या थी, बहुत उबड़ खाबड़ थी और जमीन में बहुत ऐसे कंकड़ थे, लैंड वॉज नॉट लेवल्ड, नॉट प्रॉपर, ड्रेनेज पाइप्स कुछ भी नहीं था, इसलिए उसको सस्ते में मिल गई। जमीन की वर्थ तो बहुत ज्यादा है पर लैंड की हालत थोड़ी सी खराब थी तो उसको सस्ते में मिल गई। सोनम ने क्या किया, लैंड के ऊपर 6-7 लाख का खर्चा कर दिया, 6-7 लाख का खर्चा किया, बढ़िया पूरा लैंड लेवल करवाया, ड्रेनेज पाइप्स डलवाई और अब लैंड एकदम सुंदर दिख रही है।
उसके बाद लैंड एकदम सुंदर दिख रही थी, तो फिर क्या हुआ, उसके बाद सोनम को मिला स्मिथ। सोनम ने स्मिथ को मस्त फसाया और यही लैंड, यही सेम लैंड 2 करोड़ में बेच दी स्मिथ को। देख कितनी सुंदर लैंड है, कितना मस्त है। स्मिथ उसके झांसे में आ गया और 2 करोड़ में लैंड खरीद ली। 3 क्वेश्चन के आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 1, जब सोनम ने फर्स्ट टाइम किसी पर्सन से लैंड खरीदी होगी तो क्या उस पे GST लगेगा, हाँ या ना? अगर लगेगा तो किस वैल्यू पे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सोनम ने जब लैंड को लेवल करवाया, ड्रेनेज पाइप्स डलवाई, 7 लाख का खर्चा किया, तो क्या इस पे GST लगेगा, से यस और नो। एंड थर्ड, जब सोनम ने स्मिथ को लैंड सेल कर दिया तो क्या इस पे GST लगेगा, से यस और नो। अगर लगेगा तो फिर 60 लाख पे लगेगा, 2 करोड़ पे लगेगा, खाली 7 लाख पे लगेगा, 2 करोड़ माइनस 7 लाख कोई ऐसी फिगर, 2 करोड़ माइनस 60 लाख कोई ऐसी फिगर, क्या लगता है आपको? 0.123 किसमें कहां कितना GST लगेगा या नहीं लगेगा, जल्दी से इसका आंसर दे दो। बहुत सिंपल है, सबका एक ही आंसर है, सबका एक ही आंसर है। केस नंबर 1, नो GST मैम, क्योंकि लैंड खरीदना, लैंड बेचना, कोई GST नहीं लगता। केस नंबर 2, लेकिन जब लैंड पे काम करवा रहे हो, लैंड पे कोई भी काम करवा रहे हो, तो वो तो आप इंडिपेंडेंट सर्विसेज ले रहे हो, तो यस, इस पे GST लगना चाहिए। और फिर जब सोनम ने स्मिथ को अल्टीमेटली सेल कर दिया, सोनम ने स्मिथ को अल्टीमेटली 2 करोड़ में सेल कर दिया, तो अगेन फिर अब लैंड सुंदर हो गई है, लैंड पहले सुंदर नहीं थी, अब सुंदर हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन दिस एंटायर 2 करोड़ इज गोइंग टू बी नॉट टैक्सेबल ओनली। इसके लिए क्लेरिफिकेशन इशू करने की जरूरत क्या थी, हमको ऑलरेडी आता था, लेकिन गवर्नमेंट ने किया है तो हम पढ़ लेंगे। तो क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ लैंड, तो लैंड आप एज इट इज बेच दो या उसको कुछ डेवलपमेंट करवा के बेचो, सब कुछ शेड्यूल 3 में ही कवर होता है और अकॉर्डिंगली GST नहीं लगता है। हावेवर आप नोट करना कि लैंड पे अगर कोई सर्विस करवा लेते हो, आप लेवलिंग, लेइंग ऑफ ड्रेनेज पाइप्स एक्सेट्रा, तो उस पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर GST लग जाता है। तो अपन ने अभी जो एग्जांपल लिया था, केस नंबर 1 नो GST, केस नंबर 2 फुल 7 लाख GST, एंड केस नंबर 3 अगेन नो GST। यस एंड नो, क्लियर, डन। चलो अब सिर्फ 2 क्लेरिफिकेशन और बचे हैं एंड देन वी एंड अप द चैप्टर। नंबर 16 क्या बोलता है, तो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, बहुत बहुत सिंपल है। देखो मेरी एक शॉप है अहमदाबाद में, मेरी दूसरी शॉप है मुंबई में। अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, मान लो 1 लाख गुड्स का, जितने मेरे पास मेरे गोडाउन में थे नहीं, तो मैंने मुंबई से मंगवाए। अब मुंबई ने क्या किया, उन लोगों ने एक ट्रक में सारे गुड्स लोड किए और मुझे भेज दिए। अब हमको पता है कि सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, अब दोनों मेरी ही ब्रांच है, सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये डिस्टिंक्ट पर्सन बन गए। तो ये जो 1 लाख गुड्स आए हैं, ये तो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माने जाएंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि सिर्फ गुड्स को ही सप्लाई मानना, पता चला तुम पूरी ट्रक को सप्लाई मान के बैठे हो कि ट्रक भी तो वहां से यहाँ आया है, ट्रक भी तो मुंबई से अहमदाबाद आया है। मान लो 25 लाख का ट्रक है, 25 लाख का ट्रक है, तो पूरे ट्रक को भी डीम्ड सप्लाई मान लेंगे क्या? दी आंसर इज नो। सिंपल इन्होंने क्या बोला कि भाई जब भी कन्वेयंस आ रहा है, जब भी कोई कन्वेयंस मूव होता है इंटरस्टेट बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, अब कन्वेयंस ट्रेन, बस, ट्रक, टैंकर, ट्रैक्टर, ट्रेलर, कुछ भी हो सकता है, जो या तो गुड्स या पैसेंजर्स को कैरी कर रहा है या तो रिपेयर पर्पज के लिए आया है। भाई अहमदाबाद में ट्रक खराब हो गई, पूरे अहमदाबाद में कोई मैकेनिक नहीं मिला जो इस ट्रक को ठीक कर सके, तो ट्रक को ठीक करने के लिए मैंने मुंबई भेजा, तो ठीक करने के लिए ट्रक गया, ठीक होके वापस आ गया, तो क्या इस ट्रक को डीम्ड सप्लाई मान लेंगे? द आंसर इज नो। भाई नॉर्मली आप गुड सर्विसेज सप्लाई करो रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच, वो बिना कंसिडरेशन के सप्लाई होता है, पूरे कन्वेंस को सप्लाई मत मान लेना, इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। लेकिन फर्दर सप्लाई होने वाला है, हमारा तो बिजनेस ही ट्रक बेचने का है, ट्रक हमारे लिए गुड्स है, हमारा तो बिजनेस ही ट्रक बेचने का है, मैंने ट्रक उधर भेजा ताकि ट्रक आगे सेल हो सके, तो हाँ, तो ऐसे केस में वो डीम्ड सप्लाई बन जाएगा। बाकी नॉर्मली इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सिर्फ जो वहां पे मान लो रिपेयर करने के लिए ट्रक भेजा, तो जो रिपेयरिंग चार्जेस होगा उस पे GST लग जाएगा, जो गुड्स आए हैं सिर्फ उन पे GST लग जाएगा, पूरे के पूरे कन्वेयंस को सप्लाई मत मान लेना, यही यहाँ की बॉटम लाइन है। और एज इट इज कोई भी और गुड्स ऑन व्हील्स है, क्रेन्स है, रिग्स है, टूल्स है, स्पेयर्स है, सबके ऊपर सेम सर्कुलर भी पड़ा वो अप्लाई हो जाएगा कि इन सारे कन्वेयंसेस को आपको सप्लाई नहीं मानना है, जो अल्टीमेट गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हुई है
बस उन्हीं को डीम्ड सप्लाई अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वन मानना है। नाउ ये भी अगेन पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी आता है, चलो बिना पढ़ाए पूछती हूँ। अमेंडमेंट है लेकिन बिना पढ़ाए अमेंडमेंट आपको आता है, यस जादू। मानो ए बी सी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो 80% शेयर्स होल्ड करती है पी क्यू आर कंपनी में, यानी पी क्यू आर क्या हुई, सब्सिडी हुई एबीसी की। अब एक होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रही है, बोलो क्या इस पे जीएसटी लगेगा, सही है सर नो? होल्डिंग ये लोग रिलेटेड पर्सन है क्या? हाँ ये लोग रिलेटेड पर्सन है, कंट्रोल भी है और मोर देन इक्वल टू 25% शेयर्स भी है, यानी एबीसी और पी क्यू आर रिलेटेड पर्सन तो है। लेकिन ऐसे होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड करना क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है और ना ही सर्विस है, ऐसा इन लोगों ने क्लेरिफिकेशन इशू किया है। बोलो ना करते तो भी हमको आता, द आंसर इज येस। तो कोई शेयर कैपिटल सब्सिडरी कंपनी में जब पेरेंट कंपनी होल्ड करती है तो एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, कैन नॉट बी टैक्स्ड अंडर जीएसटी, क्योंकि सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है ना ही सर्विस है। ए तो बोलो, ये क्लेरिफिकेशन इशू ना करते तो भी हमको आता था क्या? बिल्कुल आता था। तो ये क्लेरिफिकेशन सिंपल है, सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स पेरेंट कंपनी होल्ड कर रही है तो शेयर्स होल्ड करने का कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही वो अपने रिलेटेड पर्सन को, वो सिक्योरिटीज में डील कर रही है एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज इज नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। डन है, चलो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या बोलू आएगा ऐसा लग रहा है। ये वाला पर्टिकुलर पेज, टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्सनल एंड कॉर्पोरेट गारंटी, सबका ध्यान इधर, काम का अमेंडमेंट है। दो चीजें हैं एक ही अमेंडमेंट में, अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। चलो सबसे पहले, पर्सनल गारंटी प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू अ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर सैंक्शनिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू द सेड कंपनी विदाउट कंसिडरेशन। ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है एंड मिस्टर ए इस कंपनी का डायरेक्टर है, ये दोनों रिलेटेड पर्सन है। हाँ, डायरेक्टर ऑफिसर इन वन अनदर्स बिजनेस आप रिलेटेड पर्सन होते हो, यानी एक चीज तो क्लियर है कि डायरेक्टर कंपनी का रिलेटेड पर्सन होता है, ठीक है। इस कंपनी को लोन चाहिए था बैंक से, मानो मालामाल बैंक है, मालामाल बैंक है जहां से इस कंपनी को लोन चाहिए, कंपनी को लोन मिले इसलिए डायरेक्टर ने अपना पर्सनल गारंटी दिया, कंपनी को लोन मिले इसीलिए डायरेक्टर ने अपना पर्सनल गारंटी दिया है। ये यहाँ पे पूरा ट्रांजैक्शन बन रहा है, मतलब डायरेक्टर ने कंपनी को क्या दिया, सर्विस दिया। डायरेक्टर ने कंपनी को कौन सा सर्विस दिया बताओ, डायरेक्टर ने कंपनी को कौन सा सर्विस दिया, डायरेक्टर ने कंपनी को गारंटी प्रोवाइड करने का सर्विस दिया। अब यहाँ पे मुझे किसी स्टूडेंट ने ऐसा डाउट पूछा था कि मैम कंपनी को कहाँ सर्विस दिया, बैंक को सर्विस दिया ना, बैंक को गारंटी दिया। अयो, कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दिया है, बैंक को आप सर्विस नहीं दे रहे हो। आज अगर मुझे लोन लेना है और आपने बोला कि मैम आप ले लो लोन, हम आपकी गारंटी लेते हैं, आप लोन ले लो हम आपकी गारंटी लेते हैं, तो ऐसे केस में आप मुझे सर्विस दे रहे हो क्योंकि आप मेरे बिहाफ पे गारंटी ले रहे हो। तो जिनको भी ये लगता है कि मिस्टर ए बैंक को सर्विस दे रहा है, बहुत गलत बात है। मिस्टर ए गारंटी सर्विस कंपनी को दे रहा है ताकि कंपनी बैंक से लोन ले सके, गारंटी हम बैंक को देते हैं बट ये सर्विस एक्चुअली दी किसको है, हमने कंपनी को, ठीक है। तो अब हमको समझ में आया कि एक रिलेटेड पर्सन है, एक रिलेटेड पर्सन है जो बिजनेस पर्पज से ना, कंपनी को लोन लेना इज अ बिजनेस पर्पज, हाँ, तो एक रिलेटेड पर्सन है जो बिजनेस पर्पज से आपके लिए कोई गुड सर्विसेज करता है और आपसे कोई कंसिडरेशन नहीं चार्ज करता है, तो ये शेड्यूल वन के हिसाब से डीम्ड सप्लाई हुई। द क्वेश्चन योर इज, इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? रूल 28 किसी को याद है क्या? वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में हम रूल 28 पढ़ते हैं, जहां पे रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कोई सप्लाई हो जाता है तो उसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल 28 में पढ़ते हैं। हाँ राइट, यस, पावर बैच है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको थोड़ा सा याद होगा, बाकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में फिर से आएगा लेकिन आई एम अज्यूमिंग के थोड़ा सा होगा। चलो ऐसे केस में रूल 28 में हम देखते हैं कि जब भी रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में कोई सप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं क्या ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है क्या, इफ यस तो वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाता है,
नहीं तो फिर लाइक काइंड क्वालिटी देखते हैं, वो होता है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाता है, ये भी नहीं तो फिर वो 110% बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, राइट। तो रूल 28 हमने पढ़ा है वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में, नहीं याद आ रहा है तो नोट्स में एक बार फटाफट से रूल 28 खोल लो, तब फिर से समझाऊंगी, अभी सिर्फ ध्यान दो इधर। तो हम देखते हैं कि जब भी रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई होता है तो ओपन मार्केट वैल्यू है क्या, अगर हाँ तो वो लेंगे, नहीं तो लाइक काइंड क्वालिटी वो लेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब डायरेक्टर ने बिना किसी कंसिडरेशन के कंपनी को गारंटी देने की सर्विस दे दी है, तो हमको सिंपली रूल 28 लगाना है, और रूल 28 के हिसाब से जो वैल्यू आएगा वो इधर इस सप्लाई का वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब समझना, आरबीआई का एक सर्कुलर है, क्या क्या पढ़ा रहे हो मैम, एक साथ रूल 28, जीएसटी, आरबीआई, हाँ इसीलिए बोला ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। आरबीआई का क्या है, आरबीआई का एक सर्क्यूलर है, और आरबीआई का सर्कुलर ऐसा बोलता है कि अगर कोई डायरेक्टर अपनी पर्सनल गारंटी कंपनी को देता है तो वो कंसिडरेशन चार्ज कर ही नहीं सकता, प्रोहिबिटेड है। आरबीआई अलाउ नहीं करता है कि एक डायरेक्टर लोन लेने के लिए अगर कंपनी को गारंटी दे तो वो उससे कंसिडरेशन चार्ज कर सके, ऐसा आरबीआई ने अलाउ नहीं किया है। मतलब एक डायरेक्टर का किसी कंपनी को लोन देना, उस किसी कंपनी को लोन लेने के लिए गारंटी देना, उसका ओपन मार्केट वैल्यू क्या हुआ, जीरो हुआ, क्योंकि आरबीआई ने मना कर दिया है तो ओपन मार्केट वैल्यू जीरो है। यानी ये क्लेरिफिकेशन ने क्या बोला, जब एक डायरेक्टर ने कहीं से लोन लेने के लिए कंपनी को गारंटी सर्विस दिया, इट इज अ सप्लाई, यस इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन क्योंकि ये दोनों रिलेटेड पर्सन है तो वैल्यू डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू रूल 28। रूल 28 ने बोला ओपन मार्केट वैल्यू लो, और आरबीआई ने बोला कि डायरेक्टर ऐसे सिचुएशंस में कंपनी से कोई कंसिडरेशन ले ही नहीं सकता, इट इज प्रोहिबिटेड, यानी ओपन मार्केट वैल्यू जीरो है। ये सप्लाई है जिस सप्लाई का वैल्यू जीरो है, और जीरो पे आप कोई भी परसेंटेज जीएसटी लगाओ आंसर जीरो ही आएगा, इसीलिए जीएसटी नहीं लगता। समझना, एमसीक्यू में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्या ये एग्जेम्प्ट है, नहीं, क्या ये नील रेटेड है, नहीं, ये कंप्लीट प्रॉपर टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन सप्लाई का वैल्यू जीरो आ रहा है इसीलिए इस पे जीएसटी नहीं लगता है। बोलो ये चीज सबको समझ में आई, अब मेरे साथ एक बार पढ़ो तो और बेटर समझ में आएगा। पर्सनल गारंटी जो एक डायरेक्टर ने किसी कंपनी को प्रोवाइड किया है ताकि क्रेडिट फैसिलिटीज मिल सके बिना किसी कंसिडरेशन के, ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, क्योंकि शेड्यूल वन ने बोला कि रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में बिजनेस पर्पज से सप्लाई करे तो वो सप्लाई होता है बिना कंसिडरेशन के भी, यानी शेड्यूल वन के हिसाब से दिस इज अ सप्लाई। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस है, और आरबीआई की गाइडलाइंस क्या बोलती है, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या बोलती है कि डायरेक्टर कोई कंसिडरेशन चार्ज कर ही नहीं सकते, वो प्रोहिबिटेड है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड के बहुत केसेस है, मैं गारंटी प्रोवाइड करने के लिए कोई भी अमाउंट चार्ज कर सकती हूँ और ऐसे करके हम फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ऐसे केस में डायरेक्टर्स कोई अमाउंट चार्ज ही नहीं कर सकते गारंटी देने के लिए, ऐसा आरबीआई ने बोला। मतलब एक डायरेक्टर का पर्सनल कैपेसिटी में गारंटी देना, उसका ओपन मार्केट वैल्यू ही जीरो है, उसका ओपन मार्केट वैल्यू ही जीरो है, एंड हेंस हम बोलेंगे कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो जीरो आ जाएगा, और इसीलिए इस पे कोई टैक्स पेएबल नहीं होता है। आपको शॉर्ट में लिखना है तो ऐसा लिख लो, क्या ये सप्लाई है, यस अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वन। क्या ये टैक्सेबल भी है, यस yes. तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे एज पर रूल 28, जहां पे ओपन मार्केट वैल्यू इसकी जीरो आ गई। क्यों जीरो आ गई, क्योंकि आरबीआई ने मना किया है। दिस इज द जिस्ट ऑफ द एंटायर क्लेरिफिकेशन, सप्लाई है, टैक्सेबल है, लेकिन वैल्यू जीरो है, इसीलिए जीएसटी नहीं लग रहा है। बोलो बोलो सबको समझ में आया, हाँ या ना, दिल दिल आगा बम बम हुआ क्या, हाँ, अब आगे पढ़ते हैं चलो। नाउ व्हाट इफ मैम, ये तो डायरेक्टर की पर्सनल बात हुई, अब मानो एक पैरेंट कंपनी है, एक पैरेंट कंपनी है जहां पे सब्सिडियरी कंपनी को लोन लेना था, ये पैरेंट कंपनी है सब्सिडियरी कंपनी को बैंक से लोन लेना था। अब ये दोनों कौन है, कंपनीज है, और ये भी रिलेटेड पर्सन है, हाँ, यानी दो रिलेटेड पर्सन जो कॉर्पोरेट गारंटीज दे रहे हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया वो डायरेक्टर का पर्सनल गारंटी था, नाउ आई एम सेइंग के दो कंपनीज है और हम कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं, कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं, तो वहां पे आरबीआई को प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आरबीआई बोल रही है कि आप रेम्यूनरेशन चार्ज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पे तो ओपन मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे आरबीआई की कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्लेरिफिकेशन विच इज इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हियर, तो देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये सेकेंड पॉइंट लास्ट में लेती हूँ, एक बार इधर आओ, कॉर्पोरेट गारंटी है जो प्रोवाइड किया है किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को जो कि रिलेटेड है। देखो नॉन रिलेटेड है ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मानो एक कंपनी ए है और एक कंपनी एक्स है, इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, एक्स है, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, एक्स के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है,
ऐसे में अगर मैं गारंटी दे रही हूँ तो सिंपल है, गारंटी फ्री में दूंगी नहीं क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, तो गारंटी देने के लिए जो कंसिडरेशन चार्ज करूंगी वही कंसिडरेशन बन जाएगा, उसी पे जीएसटी लग जाएगा। जब आप लोग रिलेटेड पर्सन नहीं होते हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप रिलेटेड नहीं हो तो जो आप एक्चुअल कंसिडरेशन गारंटी के लिए चार्ज करोगे वही टैक्सेबल हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है, जहां पे आप रिलेटेड हो। सारी की सारी इशू कहाँ पे है, जहां पे आप रिलेटेड हो। तो हम बोल रहे हैं कि एक कंपनी ए है जो इस छोटी कंपनी ए से रिलेटेड पर्सन है और ये गारंटी देती है, तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, हमको क्या करना है, सिंपली दो चीजों को कंपेयर करना है। अब रूल 28 का अमेंडमेंट है ये, रूल 28 में इन लोगों ने क्या किया है कि रूल 28(2) करके एक सबसेक्शन ऐड किया है और वहां पे ऐसा बोल दिया, मतलब सब रूल 2 ऐड किया है जहां पे ऐसा बोल दिया कि कोई कॉर्पोरेट गारंटी है, जो आप रिलेटेड वर्ड को ना 10 बार हाईलाइट करके सर्कल कर लेना, एग्जामिनर आपको क्या मस्त घुमा सकता है पता है। एग्जामिनर आपको बोलेगा कि कंपनी ए है और कंपनी एक्स है जो रिलेटेड नहीं है, और ए ने गारंटी दिया तो भी आप ये रूल लगा के आ जाओगे और गलत हो जाएगा। ये रूल सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब कंपनीज रिलेटेड है, रिलेटेड नहीं है तो नॉर्मल कंसिडरेशन ही टैक्सेबल हो जाएगा। रिलेटेड को 1000 बार सर्कल कर लेना कि ये रूल सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब कंपनीज रिलेटेड है। अब ऐसे केस में आप चाहे विद कंसिडरेशन चाहे विदाउट कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन चाहे विदाउट कंसिडरेशन, आप ऐसा गारंटी देने को अग्री करो, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐसे ही निकालना है। बाकी सब भूल जाना, ओपन मार्केट वैल्यू भूल जाना, आपने क्या कंसिडरेशन चार्ज किया है वो भूल जाना, सब कुछ भूल जाना। हमेशा अगर किसी रिलेटेड कंपनी ने किसी दूसरे रिलेटेड कंपनी को कॉर्पोरेट गारंटी दिया है तो ऐसे ही वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगा। एक्चुअली गारंटी देने के लिए क्या कंसिडरेशन चार्ज किया, और 1% ऑफ द गारंटेड अमाउंट व्हिचएवर इज हायर। मानो 10 लाख का लोन लेना था, 10 लाख का लोन लेना था तो 10 लाख का 1%, या तो फिर ये कंसिडरेशन प्रोवाइड, ये गारंटी प्रोवाइड करने के लिए मैंने सिंपली 15,000 का रेम्यूनरेशन चार्ज कर लिया। दोनों में से क्या हायर है, या तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन या तो कितने अमाउंट का गारंटी दे रहे हो, उस अमाउंट का 1% जो हायर होगा सिंपली उतना टैक्सेबल हो जाता है। बोलो येस और नो, ये आपको लर्न करना है। एंड मेरे को पक्की फीलिंग आ रही है, या तो पर्सनल गारंटी या तो कॉर्पोरेट गारंटी से एक क्वेश्चन डेफिनेटली May 24 की एग्जाम में आना ही चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि एक डायरेक्टर है, मैं फिर से क्यों रिपीट करवा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तब मेरे को याद करना। एक पर्सनल, एक डायरेक्टर है जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कंपनी को कोई गारंटी प्रोवाइड करता है, क्या सप्लाई है, हाँ, क्या टैक्सेबल है, हाँ, लेकिन ओपन मार्केट वैल्यू जीरो है और इसीलिए टैक्सेबल वैल्यू जीरो है तो जीएसटी जीरो आएगा। अब क्या किया, अब उस डायरेक्टर ने कंपनी छोड़ दी, अब वो डायरेक्टर नो लॉन्गर कनेक्टेड विद कंपनी है, मतलब अब वो रिलेटेड पर्सन नहीं है, लेकिन गारंटी फिर भी कंटिन्यू हो रही है, तो वॉट एवर रेम्यूनरेशन ही इज चार्जिंग फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब वो कंपनी का डायरेक्टर है नहीं तो फिर वो फ्री में काम करेगा नहीं, कुछ तो रेम्यूनरेशन चार्ज करेगा, तो फिर ये तो नॉर्मल ही हो गया ना। अब आप रिलेटेड बच्चे नहीं, रिलेटेड नहीं हो तो फिर नॉन रिलेटेड लोगों के लिए तो नॉर्मल प्रोविजन लगते हैं कि आप नॉर्मली जो कंसिडरेशन चार्ज करोगे वही जीएसटी में टैक्सेबल हो जाता है, नहीं चार्ज करोगे तो नो कंसिडरेशन नो सप्लाई हो जाएगा। तो इस पॉइंट में तो कोई है नहीं, डायरेक्टर नहीं रहे, रिश्ते नाते तोड़ दिए, डायरेक्टर नहीं रहे, रिलेशनशिप खत्म, आप रिलेटेड नहीं हो तो फिर नॉर्मल जीएसटी के रूल्स लगेंगे। लेकिन एक रिलेटेड कंपनी किसी दूसरे रिलेटेड कंपनी को कॉर्पोरेट गारंटी देती है, मैं बार बार रिलेटेड वर्ड पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि रिलेटेड नहीं हो तो अगेन जो एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज करोगे वही टैक्सेबल होगा। तो एक रिलेटेड कंपनी ने दूसरे रिलेटेड कंपनी को क्या किया है, कुछ गारंटी सर्विस दिया है, तो ऐसे केस में सब कुछ भूल जाना, एक्चुअल कंसिडरेशन क्या है और गारंटी कितने अमाउंट की थी उसका 1%, दोनों में से जो भी हायर होगा उतना ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। जल्दी बताओ, पूरा का पूरा क्लेरिफिकेशन सबको समझ में आ गया है क्या, येस और नो? मेरे साथ लर्न भी हो गया, सिर्फ समझ आना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आई हैव मेंशन्ड दिस मल्टीपल टाइम्स नाउ, समझ आना चाहिए, याद होना चाहिए और मजा तो डेफिनेटली आना ही चाहिए। हाँ, तो फिर ये नहीं पढ़ाना चाहिए, मतलब इंटर सीए के बच्चों की बातें हैं कि जीएसटी लगने के लिए दो कंडीशन है, जो पर्सन सप्लाई कर रहा है वो खुद टैक्सेबल होना चाहिए। मानो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मैं आज जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं आपको टीचिंग प्रोवाइड कर दूँ और मेरा मतलब मेरा जो टर्नओवर है वो 20 लाख तक रीच नहीं हुआ है और आप मुझे जो अमाउंट दोगे तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, तो जो सप्लायर है वो भी टैक्सेबल होना चाहिए और जो सप्लाई कर रहे हो वो भी टैक्सेबल होना चाहिए। मैं आपको मिल्क सेल करूँ, मिल्क जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है,
मेरा ग्रोसरी स्टोर है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी मिल्क खुद से एग्जेम्प्ट है, तो इस पे जीएसटी नहीं लग सकता। यानी दो कंडीशन है, जो सप्लायर है वो भी टैक्सेबल होना चाहिए और जो गुड्स सर्विसेज सप्लाई हो रहे हैं वो भी टैक्सेबल होने चाहिए, तो जीएसटी लग जाता है। रेसिपिएंट चाहे टैक्सेबल हो चाहे नॉन टैक्सेबल हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रेसिपिएंट से तो जीएसटी चार्ज कर लिया जाएगा। टैक्सेबिलिटी डिपेंड करेगी सप्लायर के ऊपर। यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं पूरा का पूरा सप्लाई अंडर जीएसटी का चैप्टर, हाँ या ना? डन है? चल, सारे के सारे अमेंडमेंट्स क्लियर हुए ना? हमने बहुत सारे अमेंडमेंट्स डिस्कस किए हैं। इफ यू सी, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे थे जो नहीं करवाते तो भी चलते, कोई काम के नहीं थे, बट हाँ अमेंडमेंट है तो ऑटोमेटिकली थोड़े से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक बार जल्दी से मुझे ओके बता दो। डन है? चलो, तो अब स्टार्ट करेंगे हम कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ये खत्म करने के बाद आपको ब्रेक मिलेगा, इसमें भी अमेंडमेंट है, कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई में भी अमेंडमेंट है, तो अच्छे से इसको पूरा वाइंड अप करेंगे एंड उसके बाद आई विल गिव यू ब्रेक। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सीजीएसटी एक्ट, हम पढ़ रहे हैं सीजीएसटी एक्ट 2017, जहां पे हमने बोला एस फॉर सेवन एस फॉर सप्लाई, एस फॉर सेवन एस फॉर सप्लाई, सेक्शन सेवन स्कोप ऑफ सप्लाई। उसके बाद बचपन में हम एट कैसे लिखते थे, अब तो हम ऐसे एट लिखते हैं। जब हम छोटे थे पहली पहली बार एट लिखना सीखा था, तब कैसे लिखते थे? दो जीरो किए मिक्स बना एट, दो जीरो किए मिक्स बना एट। तो याद कैसे रखोगे सेक्शन एट को? दो जीरो किए मिक्स बना एट, यानी सेक्शन एट कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। याद कैसे रखना है? तो S फॉर सेवन S फॉर सप्लाई, सेक्शन सेवन स्कोप ऑफ सप्लाई। दो जीरो हुए मिक्स, दो जीरो हुए मिक्स बना एट, तो सेक्शन एट कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। एज आई हैव सेड, मैं आपको कुछ ना कुछ टेक्निक दूंगी जिससे हम सारे सेक्शन नंबर्स क्लास में लर्न कर सके, बस मेरे साथ बने रहना है। शुरू से ये मत सोचना कि सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ना, अपन को तो याद करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? कोशिश करो, याद हो जाएगा तो मजा आएगा, तो एटलीस्ट ट्राई। फिर भूल जाते हो तो दिक्कत नहीं है, पर शुरू से गिव अप नहीं करेंगे और यही सोचना है कि नहीं हमको तो सेक्शन नंबर लर्न करने हैं। ठीक है? हाँ, यहाँ जो भी ग्रीन है बुक में वो सारा कुछ अमेंडमेंट है। चलो, तो दो जीरो हुए मिक्स बना एट, दो जीरो हुए मिक्स बना एट, सेक्शन एट कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपने इंटर सीए लेवल पे अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा टाइम मैं इस पे नहीं दूंगी पावर बैच में, सिंपली एक बार बता देती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। दो या दो से ज्यादा सप्लाई जब मिक्स कर दी जाती है, एक बंडल बना दिया जाता है, तो डाउट अराइज होता है कि कौन से रेट ऑफ टैक्सेस को टैक्सेबल किया जाए। जैसे कि मानो मैंने एक हैम्पर खरीदा, मैंने एक गिफ्ट हैम्पर खरीदा जिसमें परफ्यूम है, जिसमें फ्लावर्स है, जिसमें चॉकलेट है, किसको देना है मैम वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। तो सुनो, मैंने एक गिफ्ट हैम्पर खरीदा, बढ़िया सा, ये हैम्पर के लिए मैंने एक अच्छी सी बास्केट खरीदी, इसके अंदर मैंने एक मस्त परफ्यूम, एक ऐसा वॉलेट, एक चॉकलेट, फ्लावर्स और ऐसा सब सामान रखवा दिया। अब हमको समझ में आता है कि चॉकलेट नॉर्मली अलग रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल है, परफ्यूम अलग रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल है, पर मुझे नहीं पता किसकी क्या वैल्यू है। मैंने तो ये पूरा का पूरा हैम्पर 6700 में परचेज कर लिया था एट अ सिंगल प्राइस, तो इस पे क्या रेट ऑफ जीएसटी लगना चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। इसके लिए हम समझते हैं कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई का प्रोविजन। अगर कोई चीजें नेचुरली बंडल्ड है, अगर आपने जो भी मिक्स किया है वो सारी सप्लाईज नेचुरली बंडल्ड है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। जैसे कि ये है, ये क्या है, ये रिमोट है। अब रिमोट के अंदर सेल, रिमोट के अंदर सेल तो आएगा ही, सेल के बिना रिमोट चलेगा कैसे? तो रिमोट के अंदर सेल आएगा ही, सेल के बिना रिमोट चलेगा कैसे? मोबाइल लिया तो मोबाइल के अंदर बैटरी आएगी ही, वरना मोबाइल चलेगा कैसे? घड़ी है तो घड़ी के अंदर सेल आएगा ही, वरना घड़ी चलेगी कैसे? तो ये सब क्या है, नेचुरली बंडल्ड है, कि भाई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम ऐसा ही मानते हैं कि अगर हम नया रिमोट खरीद रहे हैं तो एटलीस्ट पहली बार तो उसके अंदर सेल आएगा ही। क्या सेल अलग से मार्केट में खरीद सकती हूँ? द आंसर इज यस। और हो सकता है कि रिमोट और सेल का जीएसटी का रेट अलग अलग हो, लेकिन जब मैंने इन दोनों को साथ में खरीदा तो रिमोट क्या है, प्रिंसिपल, सेल क्या है, सेकेंडरी, तो जो प्रिंसिपल रेट ऑफ टैक्स है वही इस पूरे के पूरे बंडल पे लग जाता है। Yes और no, yes। लेकिन यहीं पे ये जो हैम्पर है ये जबरदस्ती बंडल किया गया है, क्या मैं चॉकलेट और वॉलेट अलग से खरीद सकती हूँ? हाँ। क्या मैं परफ्यूम और फ्लावर अलग से खरीद सकती हूँ? हाँ।
फिर भी जबरदस्ती का बंडल करके इसको सिंगल प्राइस पे सप्लाई किया है, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। और इसमें हम देखते हैं कि पूरे बंडल में जो भी ऐसा सप्लाई है जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल है, उसी रेट से पूरा का पूरा सप्लाई टैक्सेबल बन जाता है। तो सिंपल है कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, जहां पे हम बोलते हैं कि सेक्शन 8A कॉम्पोजिट सप्लाई जो प्रिंसिपल रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल होगा, और जो 8B है, जो 8B है मिक्स सप्लाई, वो सप्लाई अट्रैक्टिंग हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल होगा। डेफिनेशन अगर हम समझे तो कॉम्पोजिट सप्लाई क्या बोलता है, ऐसी सप्लाईज दो या दो से ज्यादा गुड सर्विसेज बोथ का एक बंडल जो नेचुरली बंडल्ड है, एक दूसरे के साथ ही सप्लाई किया जाता है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की बात है, तो इसको हम प्रिंसिपल सप्लाई मान लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, चलो ये सब एकदम सिंपल है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या, जो मेन होगा, आज मैं सेल खरीदने के लिए रिमोट खरीदूंगी या रिमोट खरीदने के लिए साथ में सेल लूंगी, ऑब्वियसली मेरे लिए रिमोट इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी चीज तो सिर्फ उसको बेटर एंजॉय करने में हेल्प कर रही है, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो प्रिंसिपल सप्लाई बन जाएगी, जो प्रीडोमिनेंट है वो प्रिंसिपल सप्लाई होगा, नॉट इंपॉर्टेंट, दी वर्ड दैट यू आर सपोज टू यूज इज प्रीडोमिनेंट। तो जो प्रीडोमिनेंट चीज है वो बन जाएगी प्रिंसिपल, और उसी रेट ऑफ टैक्स से पूरा बंडल टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही बंडल्ड है, नॉर्मली सारे सप्लायर्स इसको साथ में ही सप्लाई करते हैं, नॉर्मली सारे रेसिपिएंट्स की एक्सपेक्टेशन भी होती है कि ये साथ में ही मिलेगा। मानो के मानो 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 एक आई शेडो पैलेट है, ये क्या बोल रहे हो मैम, है ई का पढ़ा रहे हो, चलो ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए एग्जाम्पल है। मानो के एक आई शेडो पैलेट है, मस्त इधर सारे अलग अलग कलर के इसमें आई शेडोज है। अब नॉर्मल है यार, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आई शेडो पैलेट के साथ एक छोटू सा ब्रश तो साथ में फ्री आना ही चाहिए, जिससे ऐसा ऐसा लेके हम आई शेडो लगा सके। क्या ब्रश मार्केट में अलग से मिलता है, हाँ हो सकता है ब्रश का रेट ऑफ टैक्स 12% है, लेकिन आई शेडो मेकअप खरीदने जाओ तो मेकअप का जीएसटी का रेट मान लो 28% या 18% है। अब ऐसे केस में यार ये नेचुरली बंडल्ड है, हमारी सारे रेसिपिएंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट पैलेट के साथ एक ब्रश तो आना चाहिए, सारे सप्लायर्स भी पैलेट के साथ एक ब्रश बेचते ही है, एडवर्टीज भी इनको ऐसे ही किया जाता है कि हमारा ब्रश कितना मस्त है, तुमको आई शेडो लगाने में मजा आ जाएगा। तो भाई ऐसे केसेस में ये क्या है, नॉर्मली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इनको ऐसे ही देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इसको ऐसे ही सप्लाई करते हैं, नेचर ही ऐसा है कि ब्रश होगा तो आई शेडो बढ़िया से लगेगा, तो नेचर ही इनका है कि जो सेकेंडरी चीज है वो प्रिंसिपल चीज को बेटर एंजॉय करने में हेल्प करती है, और बाकी इनकी पैकेजिंग भी ऐसे ही की जाती है, इनको एडवर्टीज भी ऐसे ही किया जाता है। तो इस केसेस में हम बोल देंगे कि हाँ ये चीजें क्या है, ये चीजें नेचुरली बंडल्ड है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बंडल्ड है, और इसको आप क्या मान लेना, इसको आप कॉम्पोजिट सप्लाई मान लेना। द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, मेजॉरिटी, इन लोगों ने ऑल वर्ड यूज नहीं किया है। तो जब मैं बोलती हूँ मोबाइल विथ चार्जर इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, और मोबाइल पहली बार खरीदो उसके साथ ईयरफोन मिलना इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नहीं नहीं मैम एप्पल तो नहीं देता, एप्पल ही आजकल बहुत सारी दूसरी कंपनीज में मोबाइल के साथ चार्जर नहीं देती है। आई एम नॉट सेइंग ऑल, मैंने बोला ही नहीं कि ऑल, कुछ चापले हो सकते हैं। अब हर कंपनी आई शेडो के साथ ब्रश भी नहीं देती है, कुछ कुछ बोलती है ब्रश अलग से खरीदो, तो क्या इस चक्कर में इसको मिक्स सप्लाई मान ले, द आंसर इज नो। मेजॉरिटी लोग ऐसा करते हैं ना, तो हम उसको कॉम्पोजिट मान लेंगे। कुछ डॉढ़े चापले हमेशा अलग होते ही है, जिनको नहीं करना है तो वो ना करें, उनकी बात अलग है। तो ध्यान रखना यहाँ पे आप ऑल नहीं लिख के आओगे, यहाँ पे आप मेजॉरिटी या लार्ज लिखोगे कि भाई नॉर्मली सारे लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग अलग से कर भी सकते हैं, विच इज ओके, जो हमारे नेचर को कॉम्पोजिट सप्लाई को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो टेलीविजन सेट जिसके साथ एक मैंडेटरी वारंटी आना, ट्रैवल टिकट जिसके साथ फ्री फूड मिलना, स्टे इन होटल है विद ब्रेकफास्ट है, ये सब क्या है, ये सब कॉम्पोजिट सप्लाई है। लैपटॉप अलॉन्ग विद लैपटॉप बैग एक्सेट्रा एवरीथिंग इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। चलो अब ये प्रिंटिंग क्लेरिफिकेशन वाला एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है, फटाफट से सबका ध्यान इधर। ये मैंने बनाई बढ़िया सी हैंड रिटन बुक, पूरी हैंड रिटन बुक आईपैड में लिख दी, पीडीएफ बना दिया, और फिर मैंने वो पीडीएफ भेज दिया प्रिंटर को। अब प्रिंटर मुझे दो सप्लाईज करके देने वाला है, प्रिंटर मुझे प्रिंटिंग की सर्विस भी देगा, और प्रिंटर सीधी सी बात है अपने खुद के ही पेजेस यूज करेगा, मैं तो उसको पेजेस भेज नहीं रही, यानी वो मुझे पेजेस हार्ड बाउंड स्पाइरल सब कुछ करके देने वाला है। तो एक तो उसने मुझे प्रिंट करके देने का प्रिंटिंग सर्विस दिया, दूसरा उसने मुझे ये पेजेस और पुट्ठा और स्पाइरल सब कुछ दिया जो कि गुड्स है।
तो ये बताओ क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई होगा या ये मिक्स सप्लाई होगा। माई क्वेश्चन टू यू इज कि क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई होगा या ये मिक्स सप्लाई होगा, जल्दी जल्दी से बता दो। जब मेरा प्रिंटर मुझे प्रिंटिंग के साथ पेजेस भी सप्लाई कर रहा है, पेज पे प्रिंट करके दे रहा है, इज इट अ कॉम्पोजिट सप्लाई और अ मिक्स सप्लाई? क्योंकि पता तो चल गया दो चीजें सप्लाई हो रही है, सर्विस भी सप्लाई हो रही है और गुड्स भी सप्लाई हो रहे हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। हाँ, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे ही सोचेगा कि हम प्रिंटिंग में दे रहे हैं तो वो अपना पेज यूज कर लेगा, तो ऑर्डिनरीली लोग इसको ऐसे ही देखते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है मतलब हम इसको कॉम्पोजिट मानेंगे। अगर कॉम्पोजिट मानेंगे तो फिर सेकेंड क्वेश्चन है प्रिंसिपल क्या, क्योंकि मुझे तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। खाली पेज का कुछ काम नहीं है और पेज बिना हवा में तो प्रिंट कर नहीं सकते, तो मेरे हिसाब से तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और आप बोलो कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो फिर मैं प्रिंसिपल किसको मानूं, तो फिर मैं प्रिंसिपल चीज किसको मानूं? तो इसके लिए आपको देखना होगा कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी ऑफ पेजेस। अब आप देखोगे कि कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने छपवाई है बुक, बुक है, पैम्पलेट है, ब्रोशर्स है, एनुअल रिपोर्ट है, जहां पे अंदर क्या कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब आज अगर आप हैंड रिटन बुक खरीदो और मैं उसमें आपको सोने के पेजेस दे दूं, हैंड रिटन बुक में सोने चांदी के पेजेस दे दूं, मानो एकदम ऐसा लिस्ट से बढ़िया पेजेस, खोलो तो पेज में से खुशबू आ रही है, अंदर कंटेंट एकदम लुल, कंटेंट में कोई दम नहीं, कंटेंट एकदम फालतू, जो आईसीआई मॉड्यूल थी पूरी कॉपी पेस्ट करके दे दी, तो क्या आप उस बुक को खरीदोगे? द आंसर इज नो, क्योंकि आपको पेज की क्वालिटी से कोई मतलब ही नहीं है, आपको कंटेंट से मतलब है। मतलब आपके लिए ये जो गुड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपके लिए तो प्रिंटिंग सर्विस इंपॉर्टेंट है। तो हम बोलेंगे कि जब कंटेंट प्राइमरी है, बुक, पैम्पलेट, ब्रोशर्स, एनुअल रिपोर्ट, ऐसा कुछ प्रिंट करवाया, जब कंटेंट प्राइमरी है, तो इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, और जो सर्विस का रेट होगा वो पूरे सप्लाई पे लग जाएगा। लेकिन मानो मैंने टिश्यू पेपर प्रिंट करवाया, मैंने एनवेलप प्रिंट करवाए, सबको बुक के साथ टिश्यू पेपर फ्री भेजा, क्यों मैम? ब्रेकअप होगा तो रोने के टाइम काम आएगा एकदम ऐसा, या तो पढ़ते पढ़ते कभी रोना आ जाएगा कि नहीं हो रहा है, तो टिश्यू पेपर आपको बहुत काम लाइफ में आने वाला है। तो भाई इसलिए मैंने क्या किया, आप लोगों को साथ में टिश्यू पेपर भेजा, जिसके ऊपर मस्त ऐसा फास्ट का लोगो प्रिंट करके भेज दिया। ऐसे केस में क्या रोते टाइम फास्ट का लोगो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा या टिश्यू पेपर की क्वालिटी इंपॉर्टेंट होगी कि भाई एक बार में मस्त सारे आंसू पोंछ ले? भाई मैं तो चाहूंगी नहीं कि आप कभी रो, लेकिन फिर भी खुशी के आंसू रोते टाइम आपको काम आएगा। तो ऐसे केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? टिश्यू पेपर का क्वालिटी। यानी अब आपको कंटेंट से कोई मतलब नहीं, अब आपको कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, तो फिर ऐसे केस में हम बोलेंगे यहाँ पे इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, क्योंकि वो टिश्यू एनवेलप का क्वालिटी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि प्रिंटिंग सर्विस। से यस और नो एवरीवन। इस क्लेरिफिकेशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखना। तो प्रिंटिंग सर्विस जहां पे मैं बोलूं कि सप्लाई रेसिपिएंट ने कंटेंट दिया और सप्लायर ने पेपर और प्रिंटिंग दोनों दिया, अगर कंटेंट प्राइमरी है तो उसको सर्विस मानना, कंटेंट एंसिलियरी है तो उसको गुड्स मान लेना। बस बॉडी बिल्डिंग केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स एकदम सिंपल है, टायर अगर सप्लायर का है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानना, टायर अगर रेसिपिएंट का है तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना। रीट्रेडिंग क्या होता है, जब गाड़ी बहुत चला लेते हो तो टायर घिस जाते हैं, तो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, तो वो फिर से टायर पे हम जो लाइंस बनवाते हैं उसको रीट्रेडिंग बोलते हैं। तो अगर आप अपना खुद का टायर लेके जाओ तो ऐसे केस में वो सिर्फ रीट्रेडिंग करके दे रहा है, तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर टायर भी उसका खुद ही का है कोई पुराना जिसपे रीट्रेडिंग करके दे रहा है, तो फिर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। अब समझते हैं ये क्लेरिफिकेशन जो बहुत ही सिंपल है। मानो आप मूवी देखने गए, आप गए 12th फेल देखने, आप लोग गए 12th फेल मूवी देखने गए। अब ऐसे केस में आजकल ये होता है कि जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो ना, तो उसके साथ ही आप अपना पॉपकॉर्न का टब और कोक भी बुक कर सकते हो। तो ऐसा बोलेंगे सिर्फ मूवी टिकट लेनी है तो 180 की, लेकिन एक काम करो आप तो 300 दे दो, अनलिमिटेड फिल बास्केट, पॉपकॉर्न मिलेगा, आपको कोक मिलेगा और मूवी का टिकट भी मिल जाएगा। तो भाई ऐसे केस में किसके साथ गए थे मैम? बहुत पंचा दे तुमको, मम्मी पापा के साथ गई थी। चलो हमारे पास तब ऑप्शन था, तब कौन सी मूवी आई थी 12th फेल और उसके साथ ना वो एक आई हुई थी शाहरुख खान या सलमान खान की तो कोई मूवी आई हुई थी, तो फिर हम लोग लास्ट में 12th फेल देखने गए थे और बहुत मजा आया था। सही में बहुत बहुत सही मूवी है। चलो
The supply of food or beverages coming back to the example here. तो भाई ऐसे केस में हाँ डंकी डंकी नहीं डंकी आई हुई थी डंकी नहीं थी कोई और आई हुई थी आई एम नॉट श्योर मैं भूल गई हूँ चलो जो भी था तो सप्लाई ऑफ फूड और बेवरेजेस इन सिनेमा हॉल तो मैंने क्या किया ऑनलाइन टिकट के साथ ही पॉपकॉर्न भी बुक कर लिया मैंने 300 पे किया जिसमें अनलिमिटेड पॉपकॉर्न और टिकट दोनों मैंने बुक कर लिए हैं या तो सेकेंड केस ही हो सकता है दिस इज केस वन अब केस टू क्या हो सकता है कि टिकट अलग से बुक किया फिर वहां पे जाके टिकट अलग से बुक किया क्या करते हो तुम चल टिकट अलग से बुक किया और फिर वहां जाके मैंने पॉपकॉर्न अलग से खरीदा दैट इज केस नंबर टू ऐसे केस में हम बोलते हैं तो देखो अगर जो सेल ऑफ टिकट है वो फूड बेवरेजेस के साथ क्लब कर दिया गया है एक बात बताना पॉपकॉर्न खाने मूवी देखने जाते हो या मूवी देखने जाते हो इसलिए पॉपकॉर्न खाते हो पॉपकॉर्न खाने नहीं नहीं डंकी ही आई थी राइट डंकी ही आई हुई थी तब चलो पॉपकॉर्न खाने के लिए मूवी देखने जाते हो या मूवी देखने जाते हो इसीलिए पॉपकॉर्न खा लेते हो जल्दी से बताना रिटर्न ऑफ हनुमान तो मैंने पहली बार सुना है चलो पॉपकॉर्न खाने मूवी देखने जाते हो या मूवी देखने जाते हो इसीलिए इसीलिए पॉपकॉर्न खा लेते हो मैम मूवी देखने जाते हैं तो फिर साथ में पॉपकॉर्न खाते हो तो प्राइमरी क्या हुआ यहाँ पे प्राइमरी तो मूवी हुआ ना तो ऐसे केस में हम सिंपली बोल देते हैं कि जब भी आप टिकट्स के साथ और ये कॉम्पोजिट सप्लाई क्योंकि नॉर्मली जो मूवी देखने जाता है पॉपकॉर्न खाता है ऐसा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है हाँ तुम लोग पॉपकॉर्न खाने जाते हो वो अलग बात है हम जैसे नॉर्मल लोग मूवी देखने जाते हैं इसलिए पॉपकॉर्न खा लेते हैं पॉपकॉर्न खाने तो घर पे बनाओ बेटा उधर जाके 200-200 के पॉपकॉर्न खा रहे हो शर्म आ रही है तुमको चलो द वेयर द सेल ऑफ सिनेमा टिकट एंड सप्लाई ऑफ फूड बेवरेजेस आर क्लब्ड टुगेदर तो इस बंडल को हम क्या बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई बोलते हैं और ये क्या होगा कि जो मूवी टिकट का रेट ऑफ जीएसटी है ना उसी से टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन उसी केस में मानो कि आपने क्या किया टिकट अलग खरीदा फिर वहां अंदर जाके आपने पॉपकॉर्न अलग खरीदा तो ये एक नॉर्मल रेस्टोरेंट सर्विस इंडिपेंडेंट होगा टिकट पे टिकट का जीएसटी लगेगा और फिर वो पॉपकॉर्न खरीदने पे उधर जो रेस्टोरेंट का सप्लाई का रेट होता है वो लग जाता है राइट तो भाई रेस्टोरेंट सर्विस मींस सप्लाई बाई वे ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ एनी सर्विस गुड्स रेस्टोरेंट का सिंपल मीनिंग क्या है भाई कहीं पे भी आपको खाना मिल रहा है जहां पे आप बैठ के खा सकते हो इट्स अ रेस्टोरेंट ठीक है अब रेस्टोरेंट मतलब फिर वो रेस्टोरेंट में आपको खाना मिल सकता है ड्रिंक मिल सकता है बेवरेज मिल सकता है आप कैफे बोलो रेस्टोरेंट बोलो मेस बोलो कुछ भी बोल लो ईटिंग जॉइंट बोल लो कैंटीन बोल लो सबका सब रेस्टोरेंट ही होता है तो उधर जाके पॉपकॉर्न खरीद के मैं उधर खा सकती हूँ द आंसर इज येस तो वो रेस्टोरेंट हुआ हाँ तो अगर मूवी टिकट और पॉपकॉर्न को क्लब कर दिया गया है तो फिर वो सिनेमा सर्विस के रेट ऑफ टैक्सेस सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा कंसीडरिंग अ कंपोजिट सप्लाई लेकिन टिकट अलग खरीदी और पॉपकॉर्न अलग लिया टिकट पे टिकट का रेट लगेगा और पॉपकॉर्न पे रेस्टोरेंट सर्विस का रेट लग जाता है इज व्हाट द क्लेरिफिकेशन इज सेइंग से यस और नो वासु ने एकदम सही बात की देखो मैम जब अकेले मूवी देखने जाते हैं ना सेविंग वेविंग करके एकदम आर्टिकल शिप के पैसे बचाए होते हैं पिक्चर देखने जाते हैं तो कुछ नहीं खाते चुपचाप पानी भी अलाउ करे तो ठीक है घर से ही लेके जाते ताकि बॉटल भी ना खरीदनी पड़े ना अलाउ करे तो अलग बात है चुपचाप जाते हैं मूवी देखते हैं और वापस आ जाते हैं लेकिन मैम जब उसको साथ में लेके जाते हैं तो दिखाने के लिए कि भाई हम पॉपकॉर्न खरीद के खा सकते हैं तो फिर हम पॉपकॉर्न खरीदते हैं और एक ही लेते हैं ऐसा बोल दी कि बेबी शेयर करेंगे तो सच्चाई होती है कि दो लेने वाला अपना बजट नहीं होता है हाँ तो बात ये है कि मैम हम पॉपकॉर्न खाते हैं अगर साथ में कोई हो अकेले जाते हैं तो चुपचाप पिक्चर देखते हैं और वापस आ जाते हैं तो ये बिल्कुल क्या है ये बिल्कुल कॉम्पोजिट सप्लाई है जहां टिकट पॉपकॉर्न साथ में है तो मूवी के रेट से सब कुछ टैक्सेबल होगा और टिकट पॉपकॉर्न अलग है तो अपने अपने रेट से टैक्सेबल हो जाएगा सेकेंड क्लेरिफिकेशन है जहां पे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय रियल एस्टेट अब समझो एयरपोर्ट्स पे या मॉल्स में क्या होता है एक मॉल ओनर होगा जिसने अंदर जितनी भी शॉप्स है वो सारी सारी दूसरी दूसरी कंपनीज को रेंट पे दे रखा होगा या एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट में स्पेसेस दिए होते हैं अलग अलग कंपनीज को ताकि वो अपना शॉप चला सके अब ऐसे केस में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं या तो जो भी शॉप्स हैं मॉल में सबके सब मीटर्स हैं मतलब कौन सी शॉप पर्टिकुलरली कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है हमको पता चलेगा और उस एक्चुअल बेसिस पे हम उससे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कलेक्ट करेंगे सेकेंड हो सकता है कि ओनर ने बोला कि भाई ये तो मंथली रेंट है और प्लस ये फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है जो आपको हमको दे देना है तो दो तरीके के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी को रेंटिंग के साथ ही बंडल कर दिया है कि भाई महीने का रेंट है मान लो 2 लाख रुपए और साथ में आपको हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट भी पे कर देना है
तो वेन एवर इलेक्ट्रिसिटी इज बंडल्ड विथ रेंटिंग ऑफ इमुएबल प्रॉपर्टी, तो ऐसे केस में हम इसको एक कॉम्पोजिट सप्लाई ही बोल देते हैं, भले ही आप पैसा अलग अलग लो। आप बोलो कि 2 लाख रेंट देना और 15,000 इलेक्ट्रिसिटी देना, अल्टीमेटली हम आप ऐसा ही बोलोगे कि आप 2,15,000 रेंट ले रहे हो जिसमें आप सामने जगह इलेक्ट्रिसिटी दोनों दे रहे हो। दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। और जो भी इमुएबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग का रेट होगा वही इस पूरे कंसिडरेशन पे लग जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी अलग से सप्लाई किया जा रहा है और आप एज इट इज बेसिस पे एक्चुअल बेसिस पे उससे जो एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ है वही चार्ज करते हो, तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं कि ये सेपरेट सप्लाईज है और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी का जो पेमेंट लिया वो अलग चीज है। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली जीएसटी में एग्जेम्प्ट होती है, आप एज प्योर एजेंट काम कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो रेंटिंग है उतना वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्लेरिफिकेशन है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को रेंटिंग के साथ मर्ज कर दिया है, एज इट इज एक्चुअल बेसिस पे नहीं चार्ज कर रहे हो, मर्ज कर दिया, तो फिर ये सारा कुछ कॉम्पोजिट सप्लाई है और सारा कुछ जो रेंटिंग का रेट है उसी से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एज इट इज एक्चुअल बेसिस पे जितना इलेक्ट्रिसिटी पे किया बस उतना ही रिकवर करते हो, यानी आप एज अ प्योर एजेंट काम कर रहे हो, तो फिर ऐसे सिंपल केस में ये जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो आपने अमाउंट लिया है, इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। डन, उसके बाद कुछ नहीं है। मिक्स सप्लाई आप लोगों को ऑलरेडी आता है। सिंगल प्राइस के लिए हमने कुछ साथ में सप्लाई कर दिया जो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंटली भी सप्लाई कर सकते थे पर हमने उसको नेचुरली बंडल्ड नहीं है, हमने उसको आर्टिफिशियली जबरदस्ती बंडल बनाया है। मतलब जैसे कि हैम्पर ऑफ परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स, या मानो एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जहां पे नीचे कमर्शियल एरिया है ऊपर रेसिडेंशियल एरिया है, पर हमने पूरा साथ में रेंट पे दे दिया। अब नॉर्मली कमर्शियल रेंट पे 18% जीएसटी लगता है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिडेंशियल पर्पस जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है, हमने पूरा साथ में दे दिया। अब हमको पता नहीं कितना रेसिडेंशियल है कितना कमर्शियल है, तो ये क्या होगा, ये मिक्स सप्लाई बन जाएगा, जबरदस्ती का बंडल है। आप चाहते तो अलग अलग दे सकते थे, हमने जबरदस्ती का मिक्स बंडल बना दिया है, तो फिर ऐसे केसेस में पूरा का पूरा ये कमर्शियल रेट से ही टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप अलग अलग देते तो रेसिडेंशियल पे आप जीएसटी बचा सकते थे। तो सिंपल है, इन अ कॉम्प्लेक्स जहां पे रेसिडेंशियल एग्जेम्प्ट है और कमर्शियल टैक्सेबल है, आप एक साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एक रेंट के लिए रेंट आउट कर देते हो तो इट विल बिकम अ मिक्स सप्लाई, क्योंकि जबरदस्ती का बंडल बनाया है तो मिक्स सप्लाई के केसेस में हायर रेट ऑफ टैक्स क्या है, 0 या 18, 18, तो पूरा का पूरा हायर रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन मानो आप एक मॉल गए, आप गए रिलायंस फ्रेश, और वहां से आपने बहुत सारी अलग अलग चीजें खरीदी, आपने जूस खरीदा, शैम्पू खरीदा, बिस्किट खरीदा, मैदा खरीदा, थोड़े से फ्रूट्स खरीद लिए, और अब आप बिलिंग काउंटर पे बिल बनाने गए, ऐसे केसेस में ये कॉम्पोजिट सप्लाई होगा कि मिक्स सप्लाई होगा। मानो मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी एंड मेरा 4,900 का बिल बना, कॉम्पोजिट सप्लाई होगा कि मिक्स सप्लाई होगा, जल्दी से बताओ। ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, जो NA नाम का जो स्टूडेंट है जो डाउट पूछ रहा है, ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है, आप एक्चुअल बेसिस पे करो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, दैट इज द ओनली ऑल्टरनेटिव वे आउट। चलो, माय क्वेश्चन टू यू इज, मैं रिलायंस फ्रेश गई, बहुत सारी चीजें खरीदी और बिल बनाने गई, टोटल 4,900 का बिल बना, कॉम्पोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है, जल्दी जल्दी से बोलो। चलो, ये कुछ भी नहीं है मैम, ये नोटा है, ये नन ऑफ दी अबव है, हमने सिर्फ पेमेंट साथ में किया है, बंडल नहीं बनाया है। अब रिलायंस फ्रेश का जब आप बिल देखोगे तो शैम्पू का अलग प्राइस होगा, जूस का अलग प्राइस होगा, सोप का अलग प्राइस होगा, और दूसरी जो भी चीजें आपने परचेस की है सबका अलग प्राइस, अलग जीएसटी का रेट मेंशनड होगा, ये कोई बंडल नहीं है। जस्ट दैट दे आर इनवॉइस टूगेदर एंड आई एम पेइंग द अमाउंट टूगेदर। मानो एक ऐसा कॉम्बो है इसमें जहां पे शैम्पू, सोप और टूथपेस्ट का कोई कॉम्बो बनाया हुआ है, वो अपने आप में मिक्स सप्लाई है, लेकिन यहाँ पे जब इनवॉइस में सारी चीजों का इंडिपेंडेंटली रेट मेंशनड है, इंडिपेंडेंटली अमाउंट मेंशनड है, तो ना ये कॉम्पोजिट सप्लाई है और ना ही ये मिक्स सप्लाई है। वेरी गुड, सब पे अपने अपने इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। जैसे मानो आपने कार सर्विस में दिया और कार सर्विस वाले ने क्लियरली बोला कि हमारा लेबर इतना है और जो स्पेयर पार्ट चेंज किया है उसका हम इतना प्राइस चार्ज कर रहे हैं,
कॉम्पोजिट सप्लाई है नहीं, मिक्स सप्लाई है नहीं, बिकॉज दोनों का अलग अलग प्राइस चार्ज किया है, लेबर पे लेबर का रेट लगेगा और पार्ट पे पार्ट का रेट लग जाएगा। लेकिन वही वो बोलता कि आप तो सीधा क्या करो 15,000 दे दो, जो भी पार्ट वर्ट करना होगा चेंज हम सब अपने हिसाब से कर देंगे, तो ये मिक्स सप्लाई बन जाएगा। बोलो येस और नो। तो कार सर्विस्ड एंड सेपरेट अमाउंट चार्ज्ड फॉर स्पेयर पार्ट्स एंड लेबर्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंडिविजुअली अपने अपने रेट ऑफ टैक्स से ही टैक्सेबल होते हैं। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? हाँ, अगर पहले से कॉम्बो बना हुआ है जहां पे मुझे इंडिविजुअल प्राइसेस पता ही नहीं है, वो कॉम्बो प्राइस में ही खरीदना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि वो कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई होगा। बाकी अगर इंडिविजुअली बिल में सबका अमाउंट सेपरेटली मेंशन है, आप सिर्फ सबका पेमेंट साथ में कर रहे हो, तो वो ना कॉम्पोजिट सप्लाई है और ना ही वो मिक्स सप्लाई है। अब 10 मिनट और फटाफट क्वेश्चन बैंक में आओ, 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाती हूँ, उसके बाद ब्रेक ले लेना। 100% बैकअप अवेलेबल है, किसी का सेशन थोड़ा बहुत मिस हो जाता है तो 100% बैकअप अवेलेबल है, आप आराम से बाद में देख सकते हो। क्वेश्चन करके ही ब्रेक लेते हैं ताकि फिर ब्रेक के बाद हम ना फ्रेश चार्ज का चैप्टर शुरू कर सके। क्वेश्चन करके ब्रेक लेते हैं, चलो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब कैलकुलेटर बुक लेके आ जाओ। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, वेरी गुड, नहीं है तो फर्स्ट 100 पेजेस ऑफ क्वेश्चन बैंक मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था, तो ऐसा हो तो स्टार्टिंग के 20-30 पेजेस का प्रिंट निकाल लो ताकि मेरे साथ क्वेश्चंस कर पाओ। कैलकुलेटर, क्वेश्चन बैंक और पेन लेके आ जाओ। सत्यमेव प्रिंटर्स क्या है? एक प्रिंटिंग हाउस है। फुल स्पीड में क्वेश्चंस करने हैं, 10 मिनट में जितने होंगे उतने करवाऊंगी। सत्यमेव प्रिंटर्स क्या है? एक प्रिंटिंग हाउस है रजिस्टर्ड अंडर GST। उनको एक ऑर्डर मिला है फॉर प्रिंटिंग 5000 कॉपीज ऑफ बुक। बुक प्रिंट करने का ऑर्डर मिला है। एक योगा गुरु है जिन्होंने कोई बुक लिखी है और वो प्रिंट करवानी है। कंटेंट भी योगा गुरु ने ही दिया है। अग्री किया कि पेपर हमारा खुद का यूज करेंगे। अब सर्विस का जो रेट है, प्रिंटिंग सर्विस का रेट 18% है और पेपर का रेट 12% है। बोलो इस पे कौन सा रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा? हाँ, कल मैंने बोला था कि 50% बैकअप अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद इसीलिए बोल रही हूँ कि प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट भी कर दिया था कि द बैकअप हैज नाउ बीन इंक्रीज्ड 200%, यानी 3 घंटे के लेक्चर के लिए आपको फुल 3 घंटे का बैकअप मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ताकि ये सारी गड़बड़ ना आए। हाँ जी मैम, अभी देखा बुक प्रिंट करना, बुक में क्या होगा, योगा गुरु ने क्या लिखा है वो कंटेंट इंपॉर्टेंट है। कंटेंट इंपॉर्टेंट है मतलब हमारे लिए सर्विस प्राइमरी हो जाएगा, ना कि क्वालिटी ऑफ पेपर। सर्विस प्राइमरी है तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, 18% से ही टैक्सेबल हो जाएगा। आंसर लिखना कैसे है, 3-4 क्वेश्चन में ये चीज बताऊंगी कि आंसर लिखना कैसे है, एंड देन आई विल अज्यूम कि आपको फॉर्मेट ऑफ आंसर आता है। हमेशा हम एग्जाम में 3-paragraph अप्रोच फॉलो करेंगे। ICAI के सजेस्टेड आंसर्स अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे। कभी वो सब कुछ एक साथ लिख देते हैं, कभी वो बहुत डिटेल लिखते हैं, कभी वो 10-15 paragraph बना देते हैं। हमको हमेशा 3-paragraph रूल को स्टिक करना है। 3-paragraph रूल जहां पे फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, प्रोविजन समझाएंगे। क्वेश्चन आया कहां से, आपको समझ में आया कि क्वेश्चन कहां से आया, कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई से आया। तो पहले उनको समझाओ कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है, अभी हमने देखा, और लैंग्वेज का कोई टेंशन नहीं है, जो हमारी हैंड रिटन नोट्स में लैंग्वेज है वही सेम लिख के आनी है। वर्ड टू वर्ड एक वर्ड का भी चेंज नहीं होगा, सारी मैंने लैंग्वेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, सिर्फ चीजें आपके लिए सिंपल बनाई है। अभी क्या पढ़ी, कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन, मेड बाय अ पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर सप्लाईज, जहां पे वो नेचुरली बंडल्ड है, सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और उनमें से एक प्रिंसिपल है। नोट्स खोलो जल्दी से, नोट्स में चार पॉइंटर्स बना के ये सेम 4 लाइन लिखी हुई है। नेचुरली बंडल्ड है, कंजंक्शन विद ईच अदर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और एक प्रिंसिपल है। ये हमने समझाया कि कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है, फिर हमने उनको क्लैरिफिकेशन समझा दिया। तो यहाँ पे प्रोविजन एक नहीं लग रहा है, 2 लग रहे हैं। पहला प्रोविजन तो उनको समझाना है कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है और वो प्रिंसिपल रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल होता है। दूसरा कि वो जो क्लैरिफिकेशन है प्रिंटिंग वाला, उसको यहाँ पे यूज किया है। तो पैराग्राफ 1 में मैंने उनको पूरा का पूरा प्रोविजन समझा दिया। पैराग्राफ 2 में मैं उनको फैक्ट्स ऑफ द केस बताऊंगी कि अब देखो भाई, इस केस में हमने बुक छपवाई है। बुक छपवाई है मतलब जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट प्राइमरी है। कंटेंट प्राइमरी है यानी इसको हमको सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। एंड उसके बाद जो 3rd पैराग्राफ होगा उसमें मैं क्या करूंगी, अल्टीमेट कंक्लूजन लिख दूंगी कि इसीलिए
ये वाला प्रोविजन और ये वाले फैक्ट्स को एसोसिएट करके हमको समझ में आता है ये एक कॉम्पोजिट सप्लाई है जहां पे सर्विस प्राइमरी है और इसीलिए ये 18% से टैक्सेबल होना चाहिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, थियोरी की बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल कैसे लिखना है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझाऊंगी। अगर थियोरी की हम बात करते हैं तो आपको स्ट्रिक्टली हमेशा 3 पैराग्राफ अप्रोच को ही फॉलो करना है। अगर कभी एक से ज्यादा प्रोविजन लग रहे हैं तो अलग बात है, तो 2 प्रोविजन के लिए 2 पैराग्राफ बन जाएंगे। नॉर्मली 1 for provision, 1 for facts एंड 1 for conclusion। तो भाई ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, उसकी हमने डेफिनेशन बताई। सर्कुलर नंबर लिखना है क्या एग्जाम में? पागल हो क्या, याद थोड़ी ना रहता है। सर्कुलर नंबर, नोटिफिकेशन नंबर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एट द मैक्स सेक्शन नंबर याद है तो लिखो, नहीं है तो फिर एज पर प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017 करके शुरू कर दो। हावेवर मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि मैं सेक्शन नंबर याद करवाऊंगी, थोड़ा सा होमवर्क में रिविजन करोगे तो सारे सेक्शन नंबर आपको याद हो ही जाएंगे। तो भाई यहाँ पे हमने पूरा सर्कुलर समझा दिया, उसके बाद हमने उनको बता दिया कि भाई कॉम्पोजिट सप्लाई में वो प्रिंसिपल सप्लाई की रेट से ही टैक्सेबल होता है जो कि प्रीडोमिनेंट, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट वर्ड प्रीडोमिनेंट है, याद है नोट्स में एज इट इज सर्कल करवाया था। नोट्स का लैंग्वेज सुप्रीम लैंग्वेज है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, नोट्स को एज इट इज घोल के पी जाओ, 100% आपका लैंग्वेज सजेस्टेड आंसर से मैच होगा। तो प्रीडोमिनेंट सप्लाई जो होगा उसी से हम पूरा कॉम्पोजिट सप्लाई टैक्सेबल कर देंगे। तो इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई कर दिया कि कंटेंट सप्लाई किया तो इसको हम सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विस मानेंगे और इसीलिए ये पूरा सर्विस है जिसपे 18% GST का रेट लगता है। बोलो आंसर कैसे लिखते हैं, समझ में आया हाँ या ना? तो ये जो डाउट होता है कि मैम हैंड रिटन नोट्स में आपने सब कुछ छोटा कर दिया है तो हम लैंग्वेज कैसे करेंगे, मैंने कुछ छोटा नहीं किया है, मैंने कुछ भी छोटा नहीं किया है, मुझे भी पता है कि अगर मैं सब छोटा करके दे दूं, ये जो 400 पेज के नोट्स है अगर मैं चाहूं तो मैं इसको 200 पेज में भी कर सकती हूँ। देखो 400 पेज हैंड रिटन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको टाइप करके प्रिंट करूं तो क्या आपको लगता है कि एक पेज में सिर्फ 2 ही क्लैरिफिकेशन आएंगे? अगर यही चीज मैं टाइप कर दूं तो क्या एक पेज में सिर्फ 2 ही क्लैरिफिकेशन आएंगे? नहीं, मैं नंबर ऑफ पेजेस और भी कम कर सकती हूँ क्योंकि मैंने हाथ से सब कुछ लिखा है और मेरे हैंडराइटिंग काफी बड़े हैं, इसलिए दिस इज 400 पेजेस। इफ यू कंपेयर इट विद सम ऑफ योर प्रिंटेड बुक तो यू अंडरस्टैंड कि प्रिंट करने में ये 300 पेज हो जाएंगे, उसमें भी अगर लैंग्वेज काट दूं तो ये पूरा GST मैं 200 पेज में भी आपको कवर करके दे सकती हूँ। बट अल्टीमेटली आपको उसमें भी समझ तो सब आएगा, जब लिखने जाओगे ना एग्जाम में तो सेंटेंस ही नहीं फ्रेम कर पाओगे। आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि आपको ऐसी नोट्स यूज करनी है जो कंसाइज है, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम के एक दिन पहले आप 1000-1500 पेज नहीं पढ़ सकते हो। और ये सिर्फ IDT के लिए नहीं, 2 मिनट टाइम लेके मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ये बात बता रही हूँ कि आप जो भी बुक पे रिलाई करते हो ना, मेक श्योर कि वो बहुत बड़ी नहीं है, ऑल्सो मेक श्योर कि वो बहुत ज्यादा छोटी नहीं है। कोई आपको बोले कि भाई 100 पेज में मैंने पूरा पूरा सब्जेक्ट कवर कर दिया है तुम इसी में से पढ़ लो, तो ध्यान रखना पढ़ते टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी, MCQ सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर लिखने जाओगे तो लैंग्वेज ही दिमाग में नहीं बैठेगा। मैं चाहती तो सिंपली ऐसा लिख सकती थी, कॉम्पोजिट सप्लाई जो कि नेचुरली बंडल्ड है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है टैक्सेबल एट प्रिंसिपल रेट, ये चीज मैं 2 लाइन में भी खत्म कर सकती थी। एग्जाम में कैसे लिखोगे 2 लाइन? एग्जाम में तो पूरा समझाना पड़ेगा ना कि नेचुरली बंडल्ड है, सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जहां पे एक प्रिंसिपल है तो इसको प्रिंसिपल से टैक्सेबल करेंगे। प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है कि एक प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होता है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि कोई ऐसा आपको बोले कि 100 पेज में पूरी बुक है तो मतलब समझ लेना कि आप समझ तो जाओगे सब कुछ, कॉन्सेप्ट आपको सारे आएंगे। स्टूडेंट्स को ये डाउट क्या होता है पता है, मैम मुझे आता तो सब था, मुझे एग्जाम में आता तो सब था, फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए? आएगा तो सही ना बेटा, उसका प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा सब कुछ है, सेंटेंस नहीं बना पाओगे एग्जाम में, पूरा फ्रेम नहीं कर पाओगे, इसीलिए हमेशा एक मीडियम बुक यूज करने की जो मैनेजेबल है। एग्जाम के एक दिन पहले प्रिंटेड पेजेस की बात करें तो आप 250 से 450 प्रिंटेड पेजेस एक दिन पहले पढ़ सकते हो, दिस इज समथिंग विच इज मैनेजेबल। तो ऐसी ही बुक यूज करो जो सब कुछ कवर कर रही है और ऑल्सो जिसमें सेंटेंसेस अधूरे नहीं है, ताकि जब वो सेम चीज लिखनी आए, अब ये सेम आपने पढ़ा है, इसमें से आप थोड़ा भूल भी जाओ, मानो मैं इन कंजंक्शन विद ईच अदर भूल गई तो भी कोई बात नहीं, मैंने 4 पॉइंट पढ़े हैं जिसमें से मैं एक भूल जाऊं तो भी 3 लिख के आऊंगी तो मुझे मार्क्स मिलेंगे, मैं पढ़ ही 3 रही हूं उसमें से एक भूलूंगी, 2 लिख के आऊंगी तो फिर मुझे कैसे मार्क्स मिलेंगे। सो अंडरस्टैंड, आप ये सोचो कि आपने अगर 200 पेज पढ़े हैं वो सारे आपको याद रहेंगे और वो सारे आप लिख के आओगे, विच इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन ब्रेन। हम अगर 10 चीज पढ़ते हैं तो हमको 8 याद रहती है, जिसमें से हम एग्जाम में 6 या 7 लिख के आ पाते हैं, जिसमें से एग्जामिनर हमारे 4-5 ठीक होते हैं जिसके बेसिस पे हमको मार्क्स देता है। आप पढ़ोगे ही 4-5 तो मार्क्स कहाँ से आएंगे? ठीक है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी बुक,
एनी फैकल्टी, आई हैव नेवर डन दैट इन माय लाइफ. आई एम सिंपली ट्राइंग टू गाइड यू कि जब भी कोई बुक चूज कर रहे हो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट डे पे कोई फैकल्टी काम नहीं आएगा, कोई वीडियो काम नहीं आएगा, आप और आपकी बुक हो गई. तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? हमेशा एक का चैप्टर रीड करके देखने का, एक प्रोविजन रीड करोगे, फिर आंख बंद करके सोचो कि अगर मुझे ये प्रोविजन लिखना है, अगर मुझे ये प्रोविजन लिखना है तो क्या मैं इसका सेंटेंस फ्रेम करके लिख पा रही हूँ. अगर आंसर हाँ आता है, मतलब आपकी बुक सही है, आप सही जा रहे हो, आप इससे एमसीक्यू भी टैकल कर लोगे और आप इसको सेंटेंस बना के डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिख पाओगे. चलो, सो कमिंग बैक, आपको अपनी बुक में तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो हमने पढ़ा है उससे आप सारे आंसर्स एज इट इज बना पाओगे. मैंने सिर्फ चीजों को ब्रेक किया है, लैंग्वेज का छेड़छाड़ नहीं किया, वो ब्रेक चीजों को आपको सिर्फ मिक्स करना है, पैराग्राफ बनाना है और एग्जाम में लिख के आना है. चलो, उसके बाद सुदामा एसोसिएट्स, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, डिस्पोजेस द कंप्यूटर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन एंड नॉट क्लेम्ड ITC. बोलो, बिना कंसिडरेशन डिस्पोजल किया, परमानेंट ट्रांसफर है, कंप्यूटर मेरा बिजनेस असेट भी है, लेकिन ITC नहीं क्लेम किया था. हमारी तो तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस असेट, ITC क्लेम्ड. यहाँ पे ITC क्लेम्ड नहीं है, सिर्फ परमानेंट ट्रांसफर है और सिर्फ बिजनेस असेट है. सिर्फ परमानेंट ट्रांसफर है और सिर्फ बिजनेस असेट है, ITC अवेल नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉट अ सप्लाई हो जाएगा. क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट बहुत सिंपल है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ, होमवर्क में करके आना. इन्होंने बोला कि एक एक्सकवेटर नाम की मशीन है जो हम हायर आउट करते हैं, पर मशीन चलाने के लिए हम साथ में ऑपरेटर भी देते हैं. ऑपरेटर बिना मशीन चल नहीं सकती, ठीक है? हम मशीन देते हैं, साथ में ऑपरेटर भी देते हैं, क्योंकि ऑपरेटर उस मशीन को चलाएगा. तो ये कंपोजिट सप्लाई हुआ. हाँ, कि सिर्फ ऑपरेटर तो किसी काम का नहीं है, मशीन इंपॉर्टेंट है, आदमी भेज के तो कुछ होगा नहीं, मशीन इंपॉर्टेंट है. मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर कौन है, एक एंसिलरी पर्सन है. तो ये हो गया कॉम्पोजिट सप्लाई, जिसमें प्रीडोमिनेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो एक्सकवेटर, एक्सकवेटर प्रिंसिपल है. तो ऐसे केस में एक्सकवेटर का रेट उन्होंने दे रखा है 12%, मैन पावर का रेट उन्होंने दिया है कितना, मैन पावर और टेस्टिंग दोनों का रेट 18% है. तो मुझे समझ में आ गया कि एक्सकवेटर का जो भी कंसिडरेशन है 18 लाख और मैन पावर का जो कंसिडरेशन है 20,000, क्योंकि ये कॉम्पोजिट सप्लाई है. तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल रेट, विच इज एक्सकवेटर का रेट, 12% से टैक्सेबल हो जाएगा. तो 18,20,000 दोनों 12% से टैक्सेबल हो गया. सॉइल टेस्टिंग एक सेपरेट सप्लाई है, सॉइल टेस्टिंग अपने आप में ही एक सेपरेट सप्लाई है. तो अपने आप में एक सेपरेट सप्लाई है, तो वो अपने खुद के रेट ऑफ टैक्स 18% से टैक्सेबल हो जाएगी. एक्सप्लेनेशन दे दिया है, बाकी आप होमवर्क में क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो. और कोई भी चीज आपने क्यों की है उसका आपको नोट लिख के आना है. मैंने क्यों 12% लिया तो मैं उनको समझाऊंगी कि देखो मेरे हिसाब से ये सेक्शन 8A कॉम्पोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल होना चाहिए. बट ये एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है, तो ये अपने खुद के रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल होना चाहिए. कोई भी फिगर अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो यू हैव टू बी वेरी मच श्योर कि वो फिगर आई कहां से है, उसका आप एक वर्किंग नोट लिख के आ रहे हो. मिस्टर कांजीलाल अदानी, ये है ऑयल, वो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है. नोट्स में जाके जहां पे कॉस्ट पेट्रोलियम प्रॉफिट पेट्रोलियम समझाया है उधर आप क्वेश्चन 4 का रेफरेंस दे दो, कि जब भी कॉस्ट पेट्रोलियम पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ लेना. मिस्टर कांजीलाल अदानी इज एन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड अंडर GST है इन द स्टेट ऑफ गुजरात. प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, वेर इन ही गेट्स अ लाइसेंस टू एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट एंड सेल द पेट्रोलियम, क्रूड, नेचुरल गैस, एक्सेट्रा. ठीक है, इन द मंथ ऑफ जून उन्होंने एक्सप्लोर किए थे रिजर्व्स और उन्होंने क्या किया है, ही गॉट अ पोर्शन ऑफ पेट्रोलियम स्लिट जो कि टैक्सेबल नहीं है. इन्होंने खुद ही बोल दिया कि जो 3 लाख इनको मिला है ना, ये टैक्सेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट पेट्रोलियम है, खुद ही क्वेश्चन में आंसर है. उसके अलावा इसका एक पार्ट जो उनका प्रॉफिट का पार्ट था वो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किया है. तो ये जो पेट्रोलियम स्लिट है, जो प्रॉफिट पेट्रोलियम स्लिट है जो हम गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहे हैं, उसकी टैक्सेबिलिटी ये लोग पूछ रहे हैं. इतना बड़ा क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत थी, हमको पता है ना तो कॉस्ट पेट्रोलियम पे GST लगता है ना ही गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट जो प्रॉफिट पेट्रोलियम से शेयर लेता है उस पे GST लगता है. तो हम सिंपली बोल देंगे कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट अ कंसिडरेशन, वो बात तो क्लियर है. और उसके अलावा ये जो हम गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जहां पे हम उनको प्रॉफिट पेट्रोलियम का एक स्लिट देने वाले हैं, वो भी GST में क्या होता है, टैक्सेबल नहीं होता. तो द शेयर इन प्रॉफिट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल अंडर GST. तो सिंपल, जहां पे वो क्लेरिफिकेशन है प्रोडक्शन शेयरिंग वाला, उधर क्वेश्चन नंबर 4 का रेफरेंस दे दो. तो वो पढ़ोगे तब साथ में ही क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है,
अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। एज एन इंसेंटिव अंगद ने 75,000 पे किया है अपने एम्प्लॉय को ताकि वो एक सेल्स टारगेट अचीव कर सके। जो इंसेंटिव है वो सैलरी का पार्ट है। हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आपको सैलरी के साथ ये 75,000 इंसेंटिव दिया जाएगा। अंगद बोलता है कि इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो क्या अंगद सही है या गलत है? अंगद ने बोला कि इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, तो मुझे बताओ ये अंगद जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? अंगद बिल्कुल सही बोल रहा है। अंगद जो है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे एक सेकेंड, क्या हुआ? हाँ, स्क्रीन गया, सॉरी, वन सेकेंड। चलो, अंगद ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है कि भाई कोई भी चीज अगर परक्विजिट्स का पार्ट है, सैलरी का पार्ट है, कॉस्ट टू कंपनी का पार्ट है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, देखो सेक्शन 7(2) शेड्यूल 3, सारे रेफरेंसेस दिमाग में आ रहे हैं। हाँ, अब इसमें इन्होंने क्या किया, एक ही पैराग्राफ में आंसर दे दिया। हम ऐसे देंगे क्या? नहीं, हम इनको कैसे आंसर देंगे? हम हमारे 3 पैराग्राफ फॉर्मेट से आंसर देंगे। पैराग्राफ 1 में हम उनको समझाएंगे कि भाई सेक्शन 7(2) के हिसाब से हम शेड्यूल 3 में ऐसा पढ़ते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो होता है वो क्या होता है, जीएसटी के परमिट से बाहर होता है। फिर उनको फैक्ट्स ऑफ द केस बताएंगे कि ये जो इंसेंटिव दिया है ये भी सैलरी का पार्ट ही है, कॉस्ट टू कंपनी का पार्ट ही है। एंड देयरफॉर हम थर्ड पैराग्राफ लिख के बोलेंगे कि क्योंकि ये सब सैलरी का, कॉस्ट टू कंपनी का पार्ट है, नेगेटिव लिस्ट में फॉल होता है, और इसीलिए ये नॉट लेबल टू जीएसटी है, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई। देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में इन्होंने पैराग्राफ पैराग्राफ में आंसर दिया, इधर क्या किया, यस लिख के पूरा एक ही पैराग्राफ दे दिया। दिस इज नॉट हाउ वी प्रेजेंट आंसर्स इन एग्जाम। हमको तो हमेशा अपना 3 पैराग्राफ अप्रोच ही फॉलो करना होता है, ठीक है? यस, चलो उसके बाद मोक्ष भूमि, रॉब शेयर होल्डिंग, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, कृष्णदेव, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। एक दिव्या वाला क्वेश्चन करवाती हूँ जो May 23 की एग्जाम में आया था। एक लास्ट क्वेश्चन करवाती हूँ एंड उसके बाद आई विल गिव यू ब्रेक। हाँ, नॉट दिव्या, सॉरी, दिस इज दीवा। कम टू क्वेश्चन 22, दिस इज May 23 एग्जाम का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करवा के ब्रेक दे रही हूँ पक्का। चलो, लास्ट क्वेश्चन करा के ब्रेक दे रही हूँ, ब्लिंक नहीं तोड़ना है। इसलिए कम टू क्वेश्चन 22 दीवा फैशन वाला, क्योंकि भी स्टार्ट किया है तो एक बार आपको बता दूं कि थियोरी क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, ये लैंग्वेज क्या होगी, सब कुछ एक बार डिस्कस हो जाएगा, तो रिमेनिंग चैप्टर्स में फिर बार बार हम इस पर टाइम नहीं देंगे। क्वेश्चन 22, मेसर्स दीवा फैशन रजिस्टर्ड सप्लायर है पंजाब में, अंडर जीएसटी लॉ ने फॉलोइंग सप्लाईज किया है। डिजाइनर सिल्क ड्रेसेस सप्लाई की है पैक्ड बॉक्सेस में, 25 लाख साथ में चार्ज किया है। अब बताओ अगर आप साड़ी सप्लाई कर रहे हो तो ऐसे ही हाथ में दोगे कि ये लो साड़ी, या डब्बे में डाल के दोगे? एक बात बताओ, ऐसे ही साड़ी फेंक दोगे या डब्बे में डाल के दोगे? सीधी सी बात है, साड़ी डब्बे में डाल के देंगे। तो एक हो गया कॉम्पोजिट सप्लाई। साड़ी का रेट क्या है, 18%, बॉक्स का रेट क्या है, 28%, पर साड़ी ऐसे तो फेंक नहीं देंगे, सीधी सी बात है डब्बे में डाल के ही साड़ी देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगा, और पूरे 25 लाख पे 18% जो साड़ी का रेट है वही अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सप्लाई ऑफ 600 किट्स 1000 ईच अमाउंटिंग टू 6 लाख अरोड़ा को दिया है, जिसमें दुपट्टा, ब्रॉच और लिपस्टिक है। ये हमको पता है मिक्स सप्लाई है, जबरदस्ती का बनाया है। दुपट्टा बिना लिपस्टिक के चलेगा, ऐसा नहीं है लिपस्टिक है तो ही दुपट्टा होगा, तो इट वर्क्स। तो भाई ऐसे केस में ये एक मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई है मतलब हम पूरे के पूरे 6 लाख को क्या करेंगे, दुपट्टा, ब्रॉच और लिपस्टिक का हाइएस्ट रेट क्या है, 18%, तो पूरा का पूरा कंसिडरेशन हम क्या करेंगे। अब सी है या आईजीएसटी वो आपको पता चल जाएगा, पंजाब होगा तो सी प्लस एसजीएसटी, बाकी केस में आईजीएसटी। तो यहाँ पे हम लोग सेम स्टेट में है तो ना 18% के हिसाब से मिक्स सप्लाई को टैक्सेबल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, दीवा फैशन ऑर्गेनाइजेस अ फैशन शो इन चंडीगढ़, रजिस्टर्ड एंटिटी है और स्पॉन्सर किया है शो। अब आरसीएम का पॉइंट है लेकिन आई बिलीव कि आपको आता होगा, अगर स्पॉन्सरशिप है, एनी पर्सन प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, आरसीएम का पॉइंट है लेकिन आता ही होगा कि एनी पर्सन प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, तो उसमें आरसीएम लग जाता है। तो हमारा जो रेसिपियंट है जियोन एक्सपोर्ट्स, जिसने स्पॉन्सरशिप सर्विस लिया है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब आरसीएम लगेगा। यानी हमको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा रेसिपियंट ही
गवर्नमेंट को आरसीएम में टैक्स पे कर देगा। ये पॉइंट नहीं आता है कोई बात नहीं, चार्ज पढ़ाऊंगी उसके बाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 किट्स रिसीव्ड एज अ फ्री गिफ्ट टू कस्टमर ऑन ओकेजन ऑफ 5th एनिवर्सरी। हर एक किट में साड़ी है, ब्रॉच है, दुपट्टा है, सब कुछ है, हमको फ्री में मिला है और ITC भी नहीं लिया। चलो हमने क्या किया, फ्री में साड़ी बांट दी लोगों को जिसपे हमने ITC नहीं लिया था। फ्री है मतलब गोल्डन रूल, नो कंसिडरेशन, नो सप्लाई। कस्टमर को दिया है, कस्टमर हमारे रिलेटेड पर्सन भी नहीं है। परमानेंट ट्रांसफर किया है, हाँ साड़ी बिजनेस एसेट है, हाँ हमारा स्टॉक है, लेकिन ITC अवेल किया था क्या? नहीं, ITC हैज नॉट बीन अवेल्ड, यानी ये शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई नहीं होगा तो निल आ जाएगा। क्या बोला, नो कंसिडरेशन है, कस्टमर रिलेटेड पर्सन है, यानी कस्टमर को फ्री में साड़ी दिया, तो भाई ऐसे केस में परमानेंट ट्रांसफर है, हाँ बिजनेस एसेट है, हाँ, लेकिन क्या ITC लिया था? नहीं, ITC नहीं लिया था, तो ऐसे केस में ये नो सप्लाई बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेशनल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है अपने इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर को। बताओ सिस्टर अपनी रिलेटेड पर्सन होगी क्या? स्पाउस और चिल्ड्रन तो ऑलवेज रिलेटेड पर्सन होते हैं, लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर डिपेंडेंट होंगे तो ही रिलेटेड होंगे। इसकी सिस्टर तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, मैरिड है, उसको फ्री में सर्विस दिया तो क्या वो शेड्यूल 1 में फॉल होगा? द आंसर इज नो, वो हमारे रिलेटेड पर्सन है नहीं, तो नॉर्मली फ्री में दिया, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई बन जाएगा, तो नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, कोई GST नहीं आएगा। उसके बाद डीवा फैशन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये वो है अक्षय कुमार और विमल वाला एग्जांपल। डीवा फैशन ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया शिखा के साथ कि वो 3 साल तक उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर रहेगी, लेकिन शिखा ने क्या किया, बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया और इसके लिए 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट फीस, उससे टर्मिनेशन फीस चार्ज की गई है। क्या ये GST में टैक्सेबल होगी? द आंसर इज नो, ये कहाँ फॉल हो जाएगा, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस में फॉल हो जाएगा, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस में फॉल हो जाएगा, क्योंकि शिखा के कारण डीवा का नुकसान होगा, इसीलिए शिखा को डीवा को कॉम्पेंसेशन देना है। तो अकॉर्डिंग टू द लिक्विडेटेड डैमेजेस वाला क्लेरिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल अंडर GST। उसके अलावा इन लोगों को कुछ इंटरेस्ट भी मिला है, तो इंटरेस्ट लेट पेमेंट के कारण मिला है, तो वो हम समझते हैं कि लेट पेमेंट के कारण मिला हुआ इंटरेस्ट हम इंक्लूसिव ट्रीट करते हैं उसको, और जो ओरिजिनल सप्लाई का रेट है उसी से टैक्सेबल बना देते हैं। से यस और नो, May 23 एग्जाम का क्वेश्चन है ये, आई होप क्लियर है, सबको समझ में आ गया है। डरने का नहीं, अगर एक का पॉइंट गलत हो भी जाता है तो ये पूरा क्वेश्चन 9 मार्क का आता है, तो 9 मार्क में से ऐसा नहीं कि आपको 0 मिल जाएगा। मानो इतने सारे पॉइंट्स में से आपने कोई एक आध पॉइंट गलत भी कर दिया, कोई बात नहीं, सिर्फ उसके मार्क्स कट होंगे, बाकी जो सही है, जिसके सही नोट्स लिखे हैं, उसके तो आपको मार्क्स मिलने ही वाले हैं। चल बढ़िया है, अब अच्छे से ब्रेक ले लो, एक 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो, एंड फिर उसके बाद हम लोग हमारा सेशन रिज्यूम करते हैं। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट टर्म्स, सप्लाई, कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई, अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर्स। ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे चार्ज ऑफ GST। फर्स्ट 3-4 लेक्चर काफी स्लो ही चलेगा, बिकॉज ये कोर चैप्टर्स है, सप्लाई, चार्ज, टाइम वैल्यू, प्लेस, ITC, ये होने के बाद, ठीक है, चलो जाओ ब्रेक ले लो फटाफट से। हाँ हर्षित चलेगा, यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम, जाओ ब्रेक लेके आओ फटाफट से।
चलो आर वी बैक गाइस, जल्दी जल्दी बताओ आर वी बैक एवरी वन, स्टार्ट करें क्या फटाफट से। यस जल्दी जल्दी बता दो, वीडियो लाइक क्यों नहीं किया अभी तक। चलो चलो लाइक दे वीडियो। यस सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर विच इज चार्ज ऑफ जीएसटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा सी जी एस टी एक्ट, एस फॉर सेवन, एस फॉर सप्लाई, दो जीरो हुए मिक्स, बना एट सेक्शन एट कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। अब हमको पढ़ना है चार्ज ऑफ जीएसटी। थोड़ी देर के लिए अब हम सी जी एस टी एक्ट से ब्रेक लेंगे और आई जी एस टी एक्ट को देखते हैं। आई जी एस टी एक्ट के तीन सेक्शन, चलो उसके भी पहले हमको ये पता है कि जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया क्या होता है, इंडिया क्या है तो हवा पानी और जमीन। हवा पानी और जमीन क्या है, इंडिया है, यानी जो लैंड है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 के हिसाब से जो इतना हमारा लैंड टेरिटरी है वो तो पूरा इंडिया है ही। उसके अलावा टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, यानी ये जो हमारा बेस लाइन है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, और यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स हमारा इंडियन वाटर्स होता है। मतलब क्या हुआ, तो देखो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया तो पूरा इंडिया है ही, ये 200 नॉटिकल माइल्स में भी अगर यहाँ पे कोई शिप वगैरह घुस जाए तो हमारे ऑफिसर्स के पास पावर होती है कि उसको स्टॉप करे, उस पर चढ़ के इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कुछ एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड जोन्स होते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह करने के लिए। इन पर्टिकुलर जगहों को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं। और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं वो जीएसटी में एज अ अदर टेरिटरी इन यूनियन टेरिटरी माने जाते हैं। ऑल सिटी वाली पांच यूनियन टेरिटरी तो हमने देखी है, प्लस उसमें मैंने नीचे लिखा था अदर। तो ये अदर क्या है, तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ये इंडियन वाटर्स के डेजिग्नेटेड डेडिकेटेड एरियाज जहां से ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह होता है, इनको हम ईईजी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ये खुद ही में जीएसटी में क्या माने जाते हैं, एक यूनियन टेरिटरी अपने आप में माने जाते हैं। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स इज टेरिटोरियल वाटर्स, बेस लाइन से 24 नॉटिकल मतलब टेरिटोरियल से और आगे 12 नॉटिकल माइल्स इज कंटेजियस जोन, और इसको हम 200 नॉटिकल माइल्स तक पूरा इंडियन वाटर ही बोलते हैं। दिस इज एंटायरली इंडिया, एंड यहाँ पे ये जो डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वो पर्टिकुलरली इंडिया का पार्ट माने जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो पानी है तो पानी के नीचे का सी बेड, सब सॉइल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो सब भी क्या हो जाएगा, इंडिया ही हो जाएगा। तो हमारे टेरिटोरियल वाटर, सी बेड, सब सॉइल, उसके नीचे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हर चीज क्या है, इंडिया है। तो ये हो गया वाटर, हवा, लैंड एंड वाटर, एंड जितना भी लैंड और वाटर इंडिया है उसके ऊपर का एयर स्पेस, यानी हमारा जो लैंड टेरिटरी है हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर जो स्पेस है वो भी क्या हो जाता है, इंडिया ही हो जाता है। सो सिंपल कोई आपसे पूछे कि इंडिया क्या है, इंडिया क्या है तो क्या बोलोगे, हवा पानी और जमीन। जमीन जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी है, पानी जो जमीन से 12 नॉटिकल माइल्स और उसके आगे कुछ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, और ये इंडियन लैंड और टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर का जो एयर स्पेस है वो भी इंडिया ही बन जाता है। सो लैंड, वाटर एंड द एयर स्पेस अबव इंडियाज टेरिटरी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंडिया ओनली। ये जो ईईजी है इसको हम यूनियन टेरिटरी मानते हैं, यानी आप ईईजी को या ईईजी से कोई सप्लाई लेते हो तो फिर आईजीएसटी चार्ज करना रहेगा, बिकॉज वो एक नॉर्मल अदर यूनियन टेरिटरी है। अब बात करते हैं आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 की। शॉर्ट में क्विकली बताती हूँ, बाकी बहुत सिंपल है, आप इसको होमवर्क में कर सकते हो, इनफैक्ट ना भी करवाऊं पावर बैच में तो चलता है। सेक्शन 7 बात करता है इंटर स्टेट सप्लाई की, सेक्शन 8 बात करता है इंट्रा स्टेट सप्लाई की, सेक्शन 9 बोलता है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। तो ये जो इंडिया का बेस लाइन है, जो इंडिया का बेस लाइन है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर्स है। यहाँ तो आपने बोल दिया मैम कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इनको खुद को हम यूनियन टेरिटरी मान लेते हैं। वॉट अबाउट दीज 12 नॉटिकल माइल्स, ये 12 नॉटिकल माइल्स में कोई सप्लाई किया, यहां से कोई सप्लाई लिया, तो ये तो अपने आप में कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो इधर गवर्नमेंट ने बोला कि सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई में से कुछ भी अगर ये 12 नॉटिकल माइल्स तक मतलब टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में है, तो यहां से जो डीम्ड नियरेस्ट कोस्टल स्टेट होगा
इंडिया के लैंड मास पे जो डीम्ड नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या यूटी होगा, ऐसा मान लेना कि वहीं पे सप्लायर या वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो भाई यहाँ पे मानो 12 नॉटिकल माइल्स में इधर सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई में से कुछ भी है, तो यहाँ से देख लो नियरेस्ट यहाँ पे बेस लाइन पे सबसे नजदीक में कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी पड़ता है, फिर उसी को आप सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई का लोकेशन मान लेते हो। दिस इज व्हाट सेक्शन 9 इज सेइंग। अब बात करें सेक्शन 8 की, विच इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो सिंपल है कि अगर सेम स्टेट या तो सेम यूटी, गुजरात से गुजरात, दिल्ली से दिल्ली, लक्षद्वीप से लक्षद्वीप, मुंबई, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र, यानी सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी में ही सप्लायर है और सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी में ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, मतलब सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में लोकेटेड है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और ऐसे सिचुएशंस में सी प्लस एस जी एस टी या सी प्लस यू टी जी एस टी रिस्पेक्टिवली डिपेंडिंग अपॉन स्टेट है यूनियन टेरिटरी चार्ज हो जाता है। सेक्शन 7 इंटर स्टेट सप्लाई क्या बोलता है कि जब सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग स्टेट, दो अलग यूटी या एक स्टेट एक यूटी में है, मानो दिल्ली से गुजरात, महाराष्ट्र से तमिलनाडु, आंदमान निकोबार से लक्षद्वीप, ऐसे सप्लाई किया है जहां पे सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग स्टेट दो अलग यूटी या एक स्टेट एक यूटी में है, तो इसको हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं और यहाँ पे क्या होता है तो IGST चार्ज हो जाता है। एक बात बताना मुझे, इंपॉर्टेंट क्या है, ए लोकेशन ऑफ सप्लायर, बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, सी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मुझे डिसाइड करना है कि ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, तो इन तीन में से मुझे कौन सी दो चीज की जरूरत है और कौन सी एक चीज की जरूरत नहीं है, ऑन व्हाट आई हैव टू फोकस, सप्लायर या रेसिपिएंट या सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, कि ये सेम स्टेट में है तो इंट्रा, ये अलग स्टेट में है तो इंटर। यस मैम, हमको फोकस करना है ए और सी पे, सप्लायर कहाँ है और फिर हम जब प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है। सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में हुआ तो इंट्रा, अलग में हुआ तो इंटर। रेसिपिएंट का लोकेशन कहीं का भी हो वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होता है। मानो मैं रहती हूँ गुजरात में, मैं रजिस्टर्ड हूँ गुजरात में और मैं गोवा घूमने गई, बढ़िया पावर बैच कंप्लीट करके मैं मस्त गोवा घूमने निकल ली, गोवा में मैंने एक रिसॉर्ट बुक किया, तो हमको पता है जब भी हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बुक करते हैं तो उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। रिसॉर्ट का ओनर यानी सप्लायर कहाँ पे है, गोवा में है, रिसॉर्ट कहाँ पे है, गोवा में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहाँ पे है, गोवा में। रेसिपिएंट हूं मैं कहाँ से हूँ, गुजरात में, तो ये इंटर स्टेट होगा कि इंट्रा स्टेट होगा, ये इंट्रा स्टेट ही माना जाएगा। रेसिपिएंट गुजरात का है इज इररिलेवेंट, सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है, तो यहाँ पे सी प्लस SGST ही चार्ज होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट किसी काम का नहीं है। उसके अलावा अगर आप इंपोर्ट करते हो चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज का, या आप एक्सपोर्ट करते हो चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज का, दोनों ही सिचुएशन में इसको हमेशा इंटर स्टेट ही मानना है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों हमेशा इंटर स्टेट होते हैं, कभी भी इंट्रा स्टेट नहीं होंगे। एक SEZ यूनिट या एक SEZ डेवलपर को सप्लाई करना या उनसे सप्लाई लेना, ये भी हमेशा इंटर स्टेट माना जाता है, इसमें भी हमेशा IGST चार्ज होता है। गुजरात में ही एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मैंने गुजरात से ही गुजरात के SEZ में सप्लाई कर दिया, एज सच देखने जाओ तो दोनों सेम स्टेट में है, लेकिन फिर भी इसको भी हमेशा कंपल्सरी इंटर स्टेट सप्लाई ही मानना होता है। और उसके अलावा अगर कोई टूरिस्ट है, टूरिस्ट इंडिया के बाहर का, नॉन इमिग्रेंट पर्पस से इंडिया आ रहा है फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ्स, ऐसे टूरिस्ट को भी अगर आप सप्लाई कर देते हो तो उसको भी हम हमेशा क्या मानते हैं, इंटर स्टेट मानते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, CA फाइनल लेवल पे ICAI आपसे ये नहीं पूछेगा कि इंटर स्टेट सप्लाई है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कहीं आपका इसमें लूप होल हो तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह में आप जाके अटक जाओगे, इसीलिए एक बार बता रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना। चलो, तो भाई सेक्शन 7 बात करता है इंटर स्टेट सप्लाई की, सेक्शन 7 बात करता है इंटर स्टेट सप्लाई की, जहां बोलेंगे दो स्टेट दो यूटी या एक स्टेट एक यूटी में सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई है तो इंटर स्टेट, इंपोर्ट है सर्विसेज का या गुड्स का, या तो एक्सपोर्ट है मतलब सप्लायर इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर मतलब एक्सपोर्ट हो गया,
या तो ऐसी यूनिट डेवलपर को सप्लाई किया, उनसे सप्लाई लिया, या तो ऐसी कोई भी सप्लाई जो टैक्सेबल टेरिटरी में हो रही है लेकिन वो इंट्रा स्टेट में कवर नहीं हो रही है, कहीं पे भी कवर नहीं हो रही है, तो फिर उसको हम ऑटोमेटिकली इंटर स्टेट मान के IGST लगा देंगे। बात करेंगे अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई की, तो फिर चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, अगर सप्लायर सेम स्टेट सेम ड्यूटी में है एज प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इंट्रा स्टेट हो जाएगा। एक्सेप्शन है कि SEZ भले ही सेम स्टेट में है फिर भी हमेशा IGST चार्ज होगा, टूरिस्ट है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, ये हमेशा इंटर स्टेट ही माने जाते हैं, राइट। और ये टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया सेक्शन 9, जहां पे सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई में से कुछ भी टेरिटोरियल वाटर्स में सिचुएटेड है, तो जो डीम्ड नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या यूटी होगा वहां पे सिचुएटेड है, ऐसा मान के चलेंगे। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का हमको कोई काम नहीं है, इट इज नॉट मटीरियल, ओनली एंड ओनली प्लेस ऑफ सप्लाई इज मटीरियल। डन, इतना IGST एक्ट का मुझे आपको 5 मिनट में फटाफट से बताना था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारा CGST एक्ट। तो भाई CGST एक्ट के 3 सेक्शन किए थे, सेक्शन 7 और सेक्शन 8, 2 सेक्शन किए, S से 7 S से सप्लाई, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, 2-0 हुए मिक्स, बना 8 सेक्शन 8 कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई। अब हमको करना है सेक्शन नंबर 9, विच इज चार्जिंग सेक्शन, के भाई GST कब कहाँ कैसे लेवी होगा, कौन कलेक्ट करेगा, कौन पे करेगा, ये सब कुछ इसका करिस्पॉन्डिंग IGST एक्ट में है सेक्शन 5। मतलब CGST एक्ट का चार्जिंग सेक्शन क्या है, CGST एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 9, और IGST एक्ट का चार्जिंग क्या सेक्शन क्या है सेक्शन 5, लेकिन दोनों है तो सेम ही, 9-1 भी सेम, 5-1 भी सेम, 9-2, 5-2 सेम वैसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 9-1 की, विच टॉक्स अबाउट नॉर्मल लेवी, सेक्शन 9-1 या बोलो सेक्शन 5-1, विच टॉक्स अबाउट नॉर्मल लेवी। तो भाई देखो नॉर्मल लेवी के केस में, हम बोलेंगे कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है तो C+SGST चार्ज हो जाएगा, अगर इंटर स्टेट सप्लाई किया है तो IGST चार्ज हो जाएगा। मतलब सेक्शन 9-1 में CGST के बारे में लिखा है और सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट में IGST के बारे में लिखा है। तो नॉर्मल लेवी सिंपली क्या बोलती है, नॉर्मल लेवी सिंपली इतना ही बोलती है कि भाई CGST चार्ज होगा इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे और IGST चार्ज हो जाएगा इंटर स्टेट सप्लाईज पे ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स सर्विसेज और बोथ। क्योंकि ये चीज क्लियर है कि अगर कोई चीज गुड्स या सर्विसेज नहीं है, तो फिर उसके सप्लाई पे GST वैसे भी नहीं लगना है। टैक्स शेल बी कलेक्टेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड पेड बाई दी टैक्सेबल पर्सन, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, टैक्सेबल पर्सन कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कल के लेक्चर में बताया था, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था कि भाई अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे ना GST लगता था, ना GST लगता है, ना GST लगने वाला है, बेयर एक्ट में ही लिख के इसको क्या किया है, GST के परव्यू से बाहर निकाल दिया है। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जिसपे GST ना तो लगता था, ना तो लगता है और ना ही फ्यूचर में कभी लगने वाला है। अब मुझे बताओ अगर मुझे GST की अमाउंट चाहिए, तो कौन से दो वेरिएबल्स है जो मुझे चाहिएंगे, वॉट मल्टीप्लाई बाय वॉट करने से मुझे GST का अमाउंट मिल जाएगा, क्विकली टेल मी, वॉट मल्टीप्लाई बाय वॉट करूं तो मुझे GST का अमाउंट मिल जाएगा, वैल्यू इनटू रेट ऑफ टैक्स। दो ही चीज है, मतलब अगर 100 रुपए के गुड्स है जिसपे 5% GST है, यानी 5 रुपीज का GST आ गया, तो अगर मुझे GST का अमाउंट चाहिए तो मेरे लिए तो दो ही वेरिएबल्स काम के हैं, एक वैल्यू और दूसरा रेट ऑफ टैक्स। वैल्यू कैसे निकलेगी, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू हम सेक्शन 15 में पढ़ते हैं, तो वैल्यू कैसे निकलेगी, जो सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी। और रेट का तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने HSN कोड में हर एक गुड्स के लिए और स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन में हर एक सर्विसेज के लिए रेट प्रिस्क्राइब कर दिया है। तो काउंसिल के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट क्या करती है, सारे गुड सर्विसेज के लिए रेट नोटिफाई कर देती है और वही रेट हम लोग क्या करते हैं, GST के लिए अप्लाई कर देते हैं। प्रैक्टिकली आज की तारीख में आपको मैक्सिमम 28% GST का रेट दिखने मिलेगा किसी भी चीज पे, लेकिन थियोरेटिकली गवर्नमेंट के पास 40% तक का पावर है, 20% CGST, 20% SGST, यानी 40%
IGST is the maximum rate of GST that government can levy on any goods or services. तो भाई charging section normal levy 9151 क्या बोला कि भाई सारी supplies पे GST लगेगा, जो भी गुड्स सर्विसेज या बोथ को आप सप्लाई करोगे तो उसके ऊपर हम जीएसटी चार्ज कर लेंगे. टैक्सेबल पर्सन इसको कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं करना है. और दो ही वेरिएबल्स चाहिए, वैल्यू और रेट. वैल्यू जो ट्रांजेक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 है, और रेट जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, जो मैक्सिमम 40% अंडर IGST और 20% अंडर CGST हो सकती है. उसके बाद हम बात करते हैं GST ऑन HMNAP. ये HMNAP क्या था? ये HMNAP क्या था? प्रैक्टिकली GST मैक्सिमम 28% से लगता है. आई एम अगेन रिपीटिंग, थियोरेटिकली गवर्नमेंट के पास 40% तक का पावर है. अगर आपको इन चीजों में डाउट है तो आई एम सॉरी, आप पहली बार पावर बैच अटेंड कर रहे हो जीएसटी के लिए, विच इज नॉट एडवाइजेबल. कोई भी रेगुलर बैच के स्टूडेंट को कभी लाइफ में ये डाउट नहीं आएगा. इफ यू आर अटेंडिंग पावर बैच फर्स्ट टाइम कि कुछ जीएसटी का आइडिया नहीं है और स्क्रैच से जीएसटी शुरू कर रहे हैं पावर बैच से, प्लीज आई एम अगेन रिपीटिंग, ऐसा रिस्क मत लेना. आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग बट देन इट हैज टू बी ऑन योर ओन रिस्क, अगर इतने बेसिक लेवल के डाउट्स है तो. अगर हम बात करें जीएसटी ऑन HMNAP, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड. हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, ये पांच चीजों पे आज जीएसटी नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि हमने इनको बोला तुम जाके नैप ले लो. हमने इनको बोला तुम जाके नैप ले लो, मतलब आज की तारीख में तुम पे जीएसटी नहीं लग रहा, लेकिन फ्यूचर में गवर्नमेंट काउंसिल के रिकमेंडेशन पे एक डेट नोटिफाई करेगी, तब से तुम्हारे ऊपर क्या होगा, जीएसटी लग जाएगा. उसके बाद 9.3 बात करता है RCM on notified categories of goods, services or both. November 23 की एग्जाम तक ICAI सिर्फ RCM on services ही एग्जाम में पूछा करता था. November 23 की एग्जाम तक ICAI ने कभी भी RCM on goods नहीं पूछा था, और मॉड्यूल में भी लिखा था कि RCM on goods अपने सिलेबस के बाहर है. ठीक है, न्यू सिलेबस में May 24 की एग्जाम से ICAI ने RCM on goods भी एप्लीकेबल कर दिया है. अभी लास्ट वीक या 10 डेज पहले ICAI का स्टैट्यूटरी अपडेट आया था, जिसमें उन्होंने अब बोल दिया है कि हम RCM on goods भी आप लोगों से पूछने वाले हैं. तो ऐसा सपना मुझे पहले से तो नहीं आ सकता था कि इंस्टीट्यूट RCM on goods भी इस बार से एप्लीकेबल करने वाला है. तो जो बुक्स आपको मिली रहेगी, जो बुक्स आपको मिली रहेगी, मतलब अभी जो नया लॉट प्रिंटिंग में गया है उसमें इट हैज बीन चेंज्ड, बट ऑलरेडी जिसकी बुक्स डिस्पैच हो चुकी है, या आप लोगों के पास जिनके पास ऑलरेडी ये बुक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि मैम आपकी बुक अमेंडेड नहीं है, आपकी बुक अमेंडेड नहीं है क्योंकि अब RCM ने तो ICAI ने RCM on goods इंक्लूड किया है, आपकी बुक में नहीं है. समझो मैं क्या इनकॉर्पोरेट कर सकती थी बुक में, जो नोटिफिकेशन या अमेंडमेंट 31 अक्टूबर तक इशू हो चुके थे, उसमें कुछ मिस आउट नहीं है. सारे अमेंडमेंट, सारे क्लेरिफिकेशन, सारे सेक्शन, सब कुछ अपनी बुक में इनकॉर्पोरेटेड है. 31 अक्टूबर के दिन वाले क्लेरिफिकेशन भी इनकॉर्पोरेटेड है. RCM on goods तो सालों से चल रहा है, 2017 से. ICAI ने कभी इनकॉर्पोरेट किया नहीं था सिलेबस में, इस बार से इन्होंने किया है. तो मैं सपने में नहीं सोच सकती थी कि RCM on goods इस बार से आपके सिलेबस में एप्लीकेबल होगा. दैट इज द रीजन बुक में ऐसा लिखा है कि RCM on goods इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जामिनेशन. However, do not worry about it. मैंने ऑलरेडी नया चार्ज ऑफ जीएसटी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, जहां पे सिर्फ एक पेज का RCM on goods है. मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो. जहां पे ये रहा RCM on goods का लिस्ट. बस इतना छोटा सा है, कौन कौन से ऐसे गुड्स है, कौन कौन से ऐसे गुड्स है जो RCM में टैक्सेबल होते हैं. तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये एक पेज का प्रिंट ले लेना है, बाकी सब कुछ ओके है. और दूसरी चीज ये पॉइंट स्ट्राइक ऑफ करना है, मतलब आप सिर्फ ये दो पेज का प्रिंट ले लोगे जहां पे आपका RCM on services खत्म हो रहा है, ये वाला पेज और ये वाला पेज, इन दो पेज का आप सिर्फ प्रिंट ले लोगे तो आपको और बुक में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. दो चीजें हैं जो आपके बुक में मिस आउट हो गई है, जो आपको रिसीव हो गई है या जो डिस्पैच भी हो गई है तो उसमें होगा. अब जो लॉट आज प्रिंटिंग में गया है
उसमें ये चीज रेक्टिफाइड है, बट आपको जो बुक्स मिली है या मिलने वाली है या मिल चुकी है उसमें आपको सिर्फ दो चेंज करने रहेंगे। एक ये जो IGST का सेकेंड पॉइंट है इसको ओमिट कर देना, जब आएगा कल हम इसको डिस्कस करेंगे तब कवर करवा दूंगी कि ये वाला एक पॉइंट अब हट चुका है, इस पे RCM नहीं है, समझना नया कुछ नहीं है, ये जो पढ़ा था इसको भूल जाओ, दिस इज नाउ ओमिटेड। नई चीज क्या है, गुड्स कौन से हैं जो RCM में टैक्सेबल होते हैं वो भी अब सिलेबस में एप्लीकेबल हो गया है। दूसरी चीज, इसमें मेरे पास आपको समझाने के लिए कुछ नहीं है, दिस यू हैव टू लर्न। कि भाई समझो अगर कैश्यूज है, कैश्यू नट्स है, जो कोई एग्रीकल्चरिस्ट है जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना पड़ेगा, RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर BD रैपर है, टेंडू लीव्स है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या समझाऊं बताओ, काजू का फोटो दिखाऊं, तेंदू लीव्स का फोटो दिखाऊं, टोबैको लीव्स का फोटो दिखाऊं, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ICAI ने पहली बार RCM ऑफ गुड्स आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है। उसका सिंपल मीनिंग है इस बार इसमें से एक MCQ आएगा, वरना ये लोग क्यों इसको इंक्लूड करते। पहली बार RCM ऑन गुड्स सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, मतलब डेफिनेटली इसमें से एक MCQ या एक आध क्वेश्चन का कोई छोटा पार्ट एक्सपेक्टेड है। कुछ नहीं करना है, सातों पॉइंट को लर्न कर लेना है। अभी बताओ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट अभी करवाया था कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट देता है तो रेसिपिएंट को कंपलसरी क्या करना पड़ता है, IGST RCM 12% से पे कर देना होता है। सिमिलरली यूज्ड सीज्ड व्हीकल्स है, गुड्स है, जो गवर्नमेंट है अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देती है तो ये RCM में टैक्स पे करेगा। लॉटरी है, अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा है, तो किसी का डाउट था कि मैम सेंट्रल गवर्नमेंट तो लिखा नहीं है, क्योंकि लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट से इशू करती है, जैसे लिकर लाइसेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट ही देती है, वैसे ये जो सप्लाई ऑफ लॉटरी वगैरह है इसमें डील सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरीज ही करती है। ये लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स को लॉटरी देते हैं जो आगे नॉर्मल कस्टमर्स को देते हैं, तो जब नॉर्मल कस्टमर लॉटरी खरीदते हैं तब तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही टैक्स लगता है, सिर्फ जब गवर्नमेंट इन लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स को लॉटरी देती है तब RCM में टैक्स लग जाता है। रॉ कॉटन है, तो रॉ कॉटन एग्रीकल्चरिस्ट ने पहली बार रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तब RCM लगेगा। अब एक बार मानो कोई कॉटन का ट्रेडर है जिस एग्रीकल्चरिस्ट ने कॉटन उगाया उससे परचेज कर लिया, अब वो आगे सप्लाई करेगा तो FCM ही लगेगा। सेम समझो काजू, कैश्यू नट्स, एग्रीकल्चरिस्ट पहली बार रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तब RCM लगेगा, और अगर उसके बाद क्या होगा कि ये फर्दर सप्लाई करेगा किसी ट्रेडर को, किसी कस्टमर को, तब तो FCM ही लग जाएगा। तो मेरे पास इस टेबल में आपको समझाने के लिए कुछ नहीं है, 7 गुड्स का लिस्ट है, ये 7 गुड्स का लिस्ट आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि पक्के से ICAI ने नया इनकॉर्पोरेट किया है, तो या तो May 24 या तो November 24 में इसमें ऐसे MCQ इनको पूछना है, इसीलिए इनकॉर्पोरेट किया है। तो ये अच्छे से लर्न कर लेना कि भाई कौन से गुड्स है जो कौन किसको सप्लाई करता है तो RCM में टैक्स लग जाता है। सर्विस में बहुत टेक्निकलिटीज होती है जो हमको समझनी रहती है, गुड्स में देयर इज नथिंग। सिल्क यान है भाई, सिल्क यान है, जो कोई भी पर्सन जो सिल्क यान का मैन्युफैक्चरिंग करता है वो ओरिजिनल कुकून से जो पहली बार सिल्क बनाता है वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा तो RCM लग जाएगा। इसने खरीद लिया फिर ये आगे सप्लाई करेगा तो FCM लग जाएगा। तो मैं क्या समझाऊं इसमें, आप बताओ। टेबल है गुड्स का पूरा, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, टेलीग्राम पे जाके CA रिद्धि बागमार सर्च करना है, टेलीग्राम पे जाके CA रिद्धि बागमार सर्च करना है, ओपन पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, उसमें खोलोगे, कल ही मैंने पूरा नया चार्ज ऑफ GST शेयर किया है, खाली ये एक पेज का प्रिंट निकाल लेना और इसको लर्न कर लेना। डन है, क्लियर है, बोलो डन है, क्लियर है, जल्दी जल्दी से बता दो। तो अब किसी का मुझे ये टेक्स्ट नहीं आना चाहिए कि मैम आपकी बुक अमेंडेड नहीं है, बुक अमेंडेड है पर मैं सपना नहीं देख सकती थी कि ICAI इस बार सप्लाई ऑफ गुड्स भी पूछने वाला है। क्या सीधी सी बात है, वो स्टैट अपडेट में बताते हैं तो ही पता चलता है कि हाँ वो ये लोग पूछने वाले हैं। अब आ जाओ फिर से अपनी नोट्स पे, आधा घंटा और है अपने पास, तो फटाफट से जितने सर्विसेज के एंट्रीज हम कवर कर सकते हैं कर लेते हैं। गुड्स का क्या सीन है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, अब आ जाओ फिर से सर्विसेज पे। चलो, तो दिस इज नाउ एप्लीकेबल फॉर एग्जाम, दिस इज नाउ एप्लीकेबल फॉर एग्जाम, जिसका टेबल जो है वो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर्ड है, प्रिंट निकालना है, लर्न करना है, पक्के से MCQ आएगा या तो इस एग्जाम में या इसके अगली एग्जाम में। अब RCM होता क्या है ये समझते हैं, वैसे तो आप पावर बैच के बच्चे हो तो आपको पता है RCM क्या होता है, पर फिर भी मैं एक बार समझा रही हूं, मेरे को रिस्क नहीं लेना है।
देखो नॉर्मल ट्रांजेक्शन में क्या होता है, मिस्टर ए है जिसने मिस्टर बी को सप्लाई किया, तो ऐसे केस में मिस्टर ए होता है सप्लायर, मिस्टर बी होता है रेसिपियंट। तो ए क्या करेगा, गुड्स या सर्विसेज देगा मिस्टर बी को, बी क्या करेगा, ए देगा गुड्स सर्विसेज मिस्टर बी को, बी क्या करेगा सामने कंसिडरेशन देगा। कंसिडरेशन में क्या देगा, मानो 100 रुपए के गुड्स है और प्लस 5% जीएसटी का रेट है, तो टोटल 105 देगा, जिसमें से सप्लायर क्या करेगा 100 अपनी जेब में रखेगा और 5 जो है वो गवर्नमेंट को दे देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, रेसिपिएंट से टैक्सेबल अमाउंट भी कलेक्ट करता है और जीएसटी भी कलेक्ट करता है, टैक्सेबल अमाउंट अपने पास रखता है और जीएसटी जाके गवर्नमेंट को दे देता है। दिस इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दिस इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। उसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। यस कल्याण, आई हैव दैट इन माय माइंड, वो अपडेट हो जाएगा फास्टैग पे। चलो उसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। वहां पे क्या होगा, तो ये सेम सप्लायर है, मानो इसने रॉ कॉटन सप्लाई किया, इसने रॉ कॉटन सप्लाई किया 100 रुपीज का, जिसपे जीएसटी का रेट है 5%। अब सप्लायर ने रॉ कॉटन सप्लाई किया रेसिपियंट को, आरसीएम में क्या होगा, रेसिपियंट सप्लायर को देगा 100 सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू, जो 5 रुपए का जीएसटी है, जो 5 रुपए का जीएसटी है वो हमको क्या करना है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली रेसिपियंट ही दे देगा। एक बात समझना, ये सप्लायर है, ये रेसिपियंट है और ये गवर्नमेंट है। जब एफसीएम में ट्रांजैक्शन हुआ था, रेसिपियंट की जेब से सीधा गए 105, जो सप्लायर को मिल गए 105, इसमें से सप्लायर ने -5 दे दिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को मिले +5। यानी ये पूरा ट्रांजैक्शन जब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कंप्लीट हुआ, तो सप्लायर की जेब में आए 100 रुपए, रेसिपियंट की जेब से गए 105 और गवर्नमेंट को मिल गए 5। यही ट्रांजैक्शन जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हुआ, तो पहले रेसिपियंट की जेब से गए 100 जो मिले सप्लायर को, फिर इसकी जेब से गए 5 जो सीधा मिल गए गवर्नमेंट को। यानी अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हो चाहे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हो, पूरा ट्रांजैक्शन होने के बाद तीनों की जेब में पैसे तो सेम ही बचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे सप्लायर का ज्यादा खर्चा हो गया या रेसिपिएंट का ज्यादा खर्चा हो गया। चाहे ट्रांजैक्शन आरसीएम हो या ट्रांजैक्शन एफसीएम हो, दोनों ही केसेस में हम बोलते हैं कि पूरा ट्रांजैक्शन होने के बाद तीनों की पॉकेट में जो पैसे बचेंगे ना, वो तो सेम ही बचेंगे। गवर्नमेंट को उतना ही टैक्स मिलेगा, रेसिपिएंट की जेब से उतना ही पैसा जाएगा, सप्लायर को उतना ही टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। इट इज जस्ट अबाउट द कंप्लायंस। यहाँ पे ये इसको देगा, फिर ये गवर्नमेंट को देगा, आरसीएम में ये इसको टैक्सेबल वैल्यू दे देगा और गवर्नमेंट को सीधा जीएसटी दे देगा। दिस इज हाउ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वर्क्स। से यस और नो एवरीवन। तो यहाँ पे आप लिख लेना, जेब तो सेम पर्सन की खाली होगी, जेब हमेशा एक ही पर्सन की खाली होगी। ऐसा नहीं है कि कंप्लायंस शिफ्ट कर देने से जीएसटी का बर्डन किसी पे शिफ्ट हो गया। जो जीएसटी का बर्डन है ना, बर्डन वो हमेशा रेसिपिएंट पे ही रहता है, उसी की जेब से पैसा जाएगा। जस्ट दैट एफसीएम में सप्लायर वो पैसा कलेक्ट करेगा, फिर गवर्नमेंट को देगा, और आरसीएम में ये कलेक्ट करने की और डिपॉजिट करने की स्टैट लायबिलिटी ही शिफ्ट हो जाती है, और जो रेसिपियंट है वही के वही, वो रेसिपियंट ही क्या करता है, सारे कंप्लायंसेस को अंडरटेक कर लेता है। उसके बाद आरसीएम इन केस ऑफ गुड्स ऑलरेडी आपको बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वैसे आई बिलीव हम इसको कल ही करते हैं, क्योंकि ये फिर इनकम्प्लीट रह जाएगा और इसमें अमेंडमेंट्स भी है इस बार। एक काम करते हैं, हम लोग इसको कल से ही लेंगे, ताकि कल एक ही लेक्चर में पूरा आरसीएम रिवाइज हो जाए। आपके पास बैकअप भी है, कभी वापस रिवाइज करना हो तो आप वो पूरा सेशन एक साथ देख पाओ। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और वो जो अमेंडमेंट के बारे में भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, और ये वीडियो क्या यूट्यूब पे भी रहेगा, तो किसी और स्टूडेंट को डाउट हो तो एटलीस्ट आई कैन शेयर द सेम थिंग विद देम। अब ध्यान रखना, कल से अपना लेक्चर ऐप पे होगा, जिसके क्रेडेंशियल्स आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे, नहीं भी मिले हैं तो शाम तक मिल जाएंगे। टेंशन मत लेना, टेक्स्ट मत करना। अगर आपको शाम तक क्रेडेंशियल नहीं मिलते हैं किसी भी सिनेरियो में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कल का लेक्चर भी यूट्यूब पे ले सकते हैं। द टीम इज ओवर वर्किंग, ऐसा हो गया है, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स, बहुत ज्यादा बुक्स डिस्पैच का काम हो गया है, तो संडे भी छुट्टी नहीं थी, 2-2 बजे तक ऑफिस चालू है रात के, और काम चल रहा है,
ठीक है, तो आपकी बुक्स और लेक्चर्स का सारा काम बहुत स्पीड में चल रहा है। किसी कारण से आज अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल कर लेते हैं आफ्टर यूट्यूब सेशन और सबको सीरियल की प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, हम कल एक लास्ट सेशन भी यूट्यूब पे रख सकते हैं, विच इज कम्प्लीटली ओके। आपको चिंता नहीं करनी है, मैं टीम से बात करूंगी, अगर शाम तक सबको सीरियल कीज मिल जाती है तो हम कल सुबह से सेशन ऐप में लेंगे। अगर एक भी स्टूडेंट रह जाता है जिसको शाम तक सीरियल की नहीं मिलेगी, तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुमारो सेशन ऑल्सो आई विल टेक ऑन यूट्यूब और हम परसों से ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें कंप्लीटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐप का लिंक कहाँ से मिलेगा मैम? मेल में मिलेगा। जिस मेल में आपको सीरियल की मिलेगी उस सेम मेल में आपको ऐप भी मिलेगा कि कौन से ऐप में कहाँ से कैसे आपको लेक्चर देखना है। सार्थक सर का लेक्चर फास्ट ऐप पे होता है, मेरा कंटेंट ब्राउजर से होगा। मतलब जैसे नॉर्मली अपन रेगुलर लेक्चर लेते हैं ना वो कंटेंट ब्राउजर से, वैसे ही सेम फास्ट ऐप में ही चलता है वो भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट ऐप से ही वो भी चलता है। तो आपको सारी लिंक उससे मिल जाएगी कैसे आपको लेक्चर को एक्सेस करना है, ठीक है। तो आपको कोई ऐप अलग से डाउनलोड करना है कहीं से जाके, कुछ नहीं, मेल पे आपको सारा लिंक मिलेगा। मेल में आपको एक वीडियो भी मिलेगा जहाँ पे सर ने, एक सर है उन्होंने पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके बताया है कि आपने फोन चालू किया, फिर कैसे कहाँ पे क्लिक करना है, कौन सी ऐप डाउनलोड होगी और कहाँ से ये लेक्चर स्टार्ट होगा। आप वो हेल्प वीडियो भी देख लोगे तो उसको देख के भी आप सारा कुछ कर पाओगे, ठीक है। टेलीग्राम पे सिर्फ मुझसे कनेक्टेड रहना, अगर कुछ भी शेयर करना होगा तो उसके लिए टेलीग्राम पे ही मैं शेयर करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू पावर बैच एवरीथिंग। लाइव लेक्चर फोन में भी चलता है, लैपटॉप में भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब डिटेल आपको मेल पे मिलेगी एज आई हैव ऑलरेडी सेड। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में टेक्स्ट करना, मुझे पर्सनल डीएम मत करना, बिकॉज मोर देन 300-500 पर्सनल डीएम पेंडिंग है, उसमें आपका मिस हो सकता है। टेलीग्राम ग्रुप में डालोगे तो मेरे ध्यान में रहेगा और सेम डे मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। बाकी हमारे ऊपर है, आपको कल का लेक्चर दिखाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंक आ जाएगी तो ऐप पे, नहीं आती है तो यूट्यूब पे ले लेंगे। रेस्ट अश्योर सप्लाई के जितने पेंडिंग क्वेश्चन है सारे कंप्लीट करना और फिर एक बार से आरसीएम कल पढ़ के आना, पहले से पढ़ के आना है, हाँ एक बार कल पहले से आरसीएम पढ़ के आना तो समझने में और ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है आरसीएम में हमेशा, पावर बैच में भी थोड़ा ज्यादा टाइम मेरे को लग ही जाता है, तो अच्छे से आरसीएम एक बार पढ़ के आना ताकि कल के लेक्चर में आपको मजा आ जाए। चलो होमवर्क करते रहना, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड